नमस्कार, हेलो आदाब एंड वेलकम टू इन वीडियो गेम्स यूट्यूब चैनल। इस समय हम लोग लाइव करने जा रहे हैं हमारा ईए क्रिकेट का करियर मोड। जी हाँ, आज से पहले मुझे मालूम है आपने कभी सुना नहीं होगा, या हो सकता है सुना हो, कभी ध्यान नहीं दिया होगा, पर जी हाँ, क्रिकेट 2007 में भी करियर मोड है। वो डिपेंड करता है कि आपका नज़रिया कैसा है उसको देखने का। मैंने पूरा गेम को अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल किया है। और मोड्स की बात करें तो मोड्स मैंने यहाँ पे कम से कम यूज़ करने की कोशिश की है। हम लोग सीधा यहाँ पर हमारा नया, आज के दिन हमारा नया करेक्टर क्रिएट करने वाला है और शायद आज हम लोग पूरा का पूरा वर्ल्ड कप का कैंपेन खेलने वाले हैं। सबसे अच्छी बात यह है इस गेम को खेलने का, एक फ़ायदा ये होने वाला है यहाँ पे कि हम लोग सीधा का सीधा, हम लोग मतलब सीधा इंडिया के लिए खेलने वाले हैं आज के दिन। आगे वाली स्ट्रीम में हो सकता है मैं थोड़ा बहुत बदलाव करूँ या कुछ चेंजेस करूँ, वो मुझे पता नहीं, लेकिन उम्मीद करता हूँ इसमें स्क्रीन प्रॉपर चल रही होगी। हाँ ठीक है, इस समय स्क्रीन चल रही, क्योंकि ये मेरे को गेम का सबसे बड़ा डाउट है कि चलेगी कि नहीं चलेगी। और मैं चाहूँगा एक बार आप लोग यार प्लीज़, है ना, ये का एक डायलॉग था पता है, ईए स्पोर्ट्स, फिर आगे का क्या लाइन आता था एक बार कमेंट कर दो भाई। रुको, ऐसा हो तो मैं एक बार प्ले करके दिखाता हूँ आपको क्या था डायलॉग, फिर आप लोग गैस करना और आप लोग कमेंट करके बताना कि क्या था। रुको एक मिनट, अभी बैकग्राउंड में आपको एक आवाज़ सुनाई देगी, आप लोग खाली आप सबने वो आवाज़ सुनी होगी, जितने लोग क्रिकेट है ना, जितने आप लोग खाली कमेंट करो, वो मैं बस जानना है, मेरे को एक बार जानना है कि यहाँ पे क्या कहते हैं उसको, मैं देखना चाहता हूँ आप लोग यानी कितने लोग पहचानते। चलो भाई, ये देखो ये आवाज है, वो सुनना, EA Sports, it's in the game। जी हाँ, ये है, ये कितने लोगों को मालूम है। ग्लेडिएटर गेमर कह रहे हैं EA स्पोर्ट टू द गेम, श्रीरंजुल कह रहे हैं EA स्पोर्ट्स इन अ गेम, वाह भाई वाह। एनवीजेड कह रहे हैं स्टिल केट, वाह भाई वाह। रितेश कह रहे हैं, अच्छा रितेश कुछ और कह रहे हैं, रिश्ना कह रहे हैं टू द गेम, वाह भाई वाह। कह रहे हैं इन द गेम, इट इज़ इन द गेम। आराध्य गुप्ता कह रहे हैं सेट द गेम, जुट जोकिन कह रहे हैं सेट द गेम, वाह बेटा मौज कर दी। पटेल कल्पेश कह रहे हैं ईए स्पोर्ट्स टू द गेम, वाह भाई वाह। एक आए हैं यहाँ पर आकाश कुमार, कह रहे हैं ईए स्पोर्ट्स इन टू द गेम, वाह भाई वाह, मजा कर दी, मौज कर दी, मजा आ गया भाई, कमेंट बढ़ गए। ऋषु कह रहे हैं टू द गेम, ईए स्पोर्ट्स टू द गेम, सही है। वेदांत भी टू द गेम है। क्रिकेट 7 नॉस्टैल्जिया है भाई, अभी मजा आने वाला है। एक्चुअली मैं ईमानदारी से कहूँगा, मैं भी यही समझता था ईए स्पोर्ट्स टू द गेम होता है, लेकिन हकीकत में होता है ईए स्पोर्ट इट्स इन द गेम। अरे भाई, मेरे बचपन का सपना टूट गया यार। फिर से मैं सुनाता हूँ, मुझे पता नहीं कितने लोगों को कितने लोगों ने ऑलरेडी मतलब कितने लोगों ने सही में ये सर्च करके कमेंट किया है कि ये स्पॉट इट इज़ इन द गेम होता है, लेकिन हकीकत में मैं अभी कमेंट कर दे रहा हूँ, उसको पिन पोस्ट पे डाल देता हूँ। ये स्पॉट्स, ये मैंने बस ऐसे ही भाई, मेरा खुद का आज के दिन ये टूटा, वो तो मैंने जब सर्च किया तब मुझे मालूम पड़ा कि इसका असली वर्ड होता है ये स्पॉट इट इज़ इन द गेम, और मुझे लगता था ये स्पॉट टू द गेम, जैसा आप लोगों में, आप में से कई लोगों को लग रहा है, एग्जैक्ट मुझे भी वैसा लगता था। एक बार मैं बजा रहा हूँ, फिर सीधा गेम की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। देखिए ऐसा है, EA Sports, it's in the game। पता नहीं कैसे इट इज़ इन द गेम कह रहा है, पागल है भाई, पता नहीं किसने रिकॉर्ड किया आवाज, पूरा पूरा ऐसा ही लग रहा है कि EA Sports इट्स इन द गेम है, ऐसा ही टू द गेम है, सॉरी, पता नहीं कैसे EA Sports इट इज़ इन द गेम कह रहा है यहाँ पर। चलिए अभी हम कंटिन्यू करेंगे और हमारा जो आज का मेन गेम प्ले है उसके साथ बढ़ने वाले हैं। कुछ नए नाम भी आप लोगों से मुझे मदद चाहिए होगी। सबसे पहले तो मैं क्रिएट प्लेयर करूंगा और इंडियन टीम में मैं उसको डाल रहा हूँ। आज का जो गेम प्ले होने वाला है वो सीधा वर्ल्ड कप का गेम प्ले होने वाला है, तो देखो भाई कि आगे क्या कमाल होता है। क्रिएट प्लेयर, मैंने ऑलरेडी स्क्रीनशॉट थंबनेल तो देख ही सकते हो, मैंने थोड़ा बहुत बनाने की कोशिश की थी आज पूरा, मतलब 11 बजे से यही चल रहा था। सबसे पहले मैं अपनी इन्फॉर्मेशन डालूंगा ताकि बाद में गड़बड़ ना हो। और इसमें एक चीज़ बहुत अजीब होती है कि इसमें नाम जो है वो पीछे आता है, यानी मतलब मेरा नाम संगीत शुक्ला है तो शुक्ला संगीत आता है यहाँ पर, एस संगीत, कमेंट्री में मैं एस का ही नाम लूँगा कोई। इसमें सेंधर करके है, सेंधर, वो मेरे को लगता है सेंधर ही सबसे बेस्ट है यहाँ पर। स्क्रीन को फुल कर दो भाई, स्क्रीन फुल नहीं आ रही क्या, रुको मेरे को ही देखने दो। अबे ये कैसी स्क्रीन आ रही है, अबे ये कैसी स्क्रीन आ रही है, अरे बाप रे भैया ये कहाँ आ रहा है, ये तो भाई बवा, वो हो गया स्ट्रेस टू स्क्रीन, सॉरी यार, वो एक्चुअली पीछे वाला स्क्रीन छोटा था भाई, पीछे वाला स्क्रीन था इसलिए। अभी मज़ा आएगा भाई, अभी आप कैसे कह सकते हो कि गेम बेकार है।
असली मजा तो अभी आएगा जब करेंगे हम लोग। हाँ भाई, मैंने ये मोड इसमें इंस्टॉल किया, ये टी शर्ट जो मैंने है, आप देख रहे हो सहारा वाली, वो मैंने रखी है। नई वाली मैं इसलिए नहीं रख रहा था क्योंकि नई वाली ऐड करने में बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा आ जा रही थी, तो वो मज़ेदार नहीं हो रहा था। अब कई लोग कह रहे हैं MRF वाला बैट लो। भाई MRF वाला बैट है नहीं, जो बैट हैं वो इतने ही बैट हैं, और अब जब कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं रैंडम गेम कर रहा हूँ यहाँ पर, कोई भी रैंडम गेम। अरे रैंडम बैट कौन सा आ रहा है, पूमा बैलिस्टिक आ रहा है, पूमा बैलिस्टिक बैट के साथ हम लोग खेलेंगे। प्लेयर इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, वो तो हो गया मेरा, मैं बर्थ ईयर नहीं बता रहा, गड़बड़ हो जाएगी। ओके, वो हम कभी और बताएंगे। छोटी टोपी पहनेंगे हम लोग, फील्डिंग सनग्लासेस नहीं पहनेंगे, फेशियल क्रीम नहीं लगाएंगे, रिस्ट बैंड नहीं पहनेंगे, एक पसीने का लेकिन टॉवल लेकर खेलने वाला है यहाँ पर। एट्रीब्यूट्स की बात करते हो, मैं ओपनिंग बैट्समैन करूँगा लेकिन साथ में ऑलराउंडर भी बनना चाहते हैं हम लोग, तो बैटिंग बॉलिंग दोनों करेंगे हम, डिपेंड करता है कि मैच में क्या होने वाला है। ऑलराउंडर, ओपनिंग बैट्समैन, मॉडरेट और लेफ्ट हैंड। गेंदबाजी में हम लोग बनेंगे राइट आर्म मीडियम या राइट आर्म फास्ट, जो होगा ऑप्शन। राइट आर्म मीडियम आ रहा है, लेफ्ट आर्म मीडियम आ रहा है, लेफ्ट आर्म फास्ट, राइट आर्म फास्ट मीडियम। भाई मेंटेलिटी अग्रेसिव। फील्डिंग पोजीशन में रैंडम चुन रहा हूँ यहाँ पर। अरे भाई सॉरी यार, शुभम सिंह गुप्ता यार सुपर चैट, उस समय मैं एक्चुअली दूसरी स्क्रीन पे था यार, क्या कहना है, वो EA स्पोर्ट्स वाला गेम बैकग्राउंड में मैं देख रहा था, सुपर चैट सॉरी यार नहीं देख पाया। भाई बहुत बहुत शुक्रिया यार शुभम सिंह गुप्ता का, अभी मेरी नज़र गई ऊपर एक्चुअली माफ़ी चाहूँगा उसके लिए यार, सॉरी 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 भाई, बहुत बहुत शुक्रिया एंड बिग शाउट आउट टू शुभम सिंह गुप्ता 200 रुपीज़ सुपर चैट के लिए, हमारी स्ट्रीम को एक बार फिर सपोर्ट करने के लिए। बता रहे हैं कि पहले दो दिन से, हाँ भाई दो दिन से, अब कई लोग भी कह रहे थे कि वो लोग भी कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुछ इश्यू आ रहा है यार, तो गड़बड़ हो गई यहाँ पर। इंस्टॉल कैसे किया मैं आपको बाद में लिंक भेज दूंगा यार, मैसेज करना मेरे को। स्क्वायर लेग आ रहा है और कवर आ रहा है, ठीक है ये चीज़ें मैं बदल नहीं रहा। इसमें बेसिक एट्रीब्यूट के अलावा और भी कुछ है क्या? अच्छा बैटिंग एट्रीब्यूट भी बदल रहा है, तो ऐसा करता हूँ मैं अटैक नहीं बढ़ा रहा, डिफेंस थोड़ा सा मैं 80 कर दे रहा हूँ। ऑफ साइड पर मैं अपने आप को ऑफ साइड गॉड मानता हूँ, तो ऑफ साइड गॉड, लेग साइड को भी 80 कर दे रहा हूँ, स्ट्रेट शॉट भी 80 कर दे रहा हूँ, ऊपर का मैंने मेन हिस्सा नहीं बढ़ाया है। गेंदबाजी में मेरे जो मेन शॉट्स हैं वो होगा एक स्ट्रेट रख दे रहा हूँ मैं, और एक स्क्वायर ड्राइव रख दे रहा हूँ, ठीक है, और स्विप विप नहीं रख रहा। बैटिंग स्ट्रेंथ बैक फुट में मैं रख रहा हूँ यहाँ पर, हुक शॉट कहाँ गया भाई, कवर ड्राइव है, बैक फुट है, बैक फुट ऑन ड्राइव है यहाँ पर। एक मिनट भाई, ग्लांस ऑफ हिप्स, हुक्स हुक्स, पता नहीं मैं कहाँ ढूंढ रहा था, हुक नीचे था मैं ऊपर ढूंढ रहा था, ठीक है, हुक रख रहा हूँ और स्क्वायर कट रख रहा हूँ, और ये स्क्वायर ड्राइव मैं हटा रहा हूँ यहाँ पे, उसके बदले मैं कवर ड्राइव के साथ जा रहा हूँ। बैटिंग वीकनेस कुछ नहीं, अपन भगवान है भाई इस गेम में, मैं मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मत समझना। एक्यूरेसी बॉलिंग की, हाँ ये एक्यूरेसी हम रखेंगे 85, ये हम लोग रखेंगे 70 या 80, ये 78, ये 76। बॉलिंग की डिलीवरीज में मैं रख रहा हूँ इन स्विंग गेंदे बहुत कराऊंगा, आउट स्विंग गेंदे तो नहीं करता। यॉर्कर बाउंसर और स्लोवर डालने को कह रहे हैं, हाँ भाई बाउंसर तो रखते हैं, स्लोवर बैन बॉल में ट्राई नहीं करता था तो मैं स्लोवर नहीं डाल रहा। रिवर्स स्विंग का ऑप्शन है नहीं इसमें, ऑफ कटर है, हाँ ऐसा करते हैं ऑफ कटर भी रखते हैं। फील्डिंग एट्रीब्यूट ये किसी काम का नहीं, बुलेट आर्म डाल देते हैं, वैक्रो हैंड डाल देते हैं, एक्रोबैट डाल देते हैं, ठीक है। स्पेशल स्किल्स, अरे बाप रे ये सब चीज़ें तो मेरे ध्यान से ही निकल गई थी भाई, ये कैसे होता था, सीरियसली भाई ये चीज़ें मेरे ध्यान से निकल गई थी, ये ऑप्शन बहुत पहले खेला था मैंने। स्पिन को सामने इस एक्सपर्ट ने, डायमंड हुकर भाई बाप रे बाप। ड्राइवर बॉलिंग में मैं कहूँगा पार्टनरशिप ब्रोकर, ट्रिक्स्टर तो नहीं हूँ, वर्क हॉर्स हूँ मैं। चलो भाई ये डन होता हूँ, बैक करेंगे हम लोग, बैक हो जाए यार, सेव होना। अब आ रहा है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, चेहरा। साइबर कैफे में, हाँ भाई साइबर कैफे में जाके लोग खेलते थे, सीरियसली भाई खेलते थे लोग, बिल्कुल सही बात कही इन्होंने, पहले के समय में जब ये गेम, मेरे को एक चीज़ नहीं समझ, ये चेहरा अच्छा हाँ रोटेट हुआ, पहले नहीं रोटेट हो रहा था यार, सुबह को रोटेट नहीं हो रहा था, अब रोटेट होने लगा, वाह बेटा सही है, चलो हो गया, बड़ी बात है। चीक की स्टाइल कह रहे हैं यहाँ पे, 2006 में ये गेम आया था, प्लेयर क्रिएट प्लेयर का मोड रहता था, मज़ेदार यार। ईयर विट्स विट्स कुछ नहीं करना, ये तो सेट है भाई। चिन एंड जॉ नहीं भाई, ऋतिक रोशन फिर से नहीं, हाँ इतना ठीक है। चिन प्रोपोर्शन
थोड़ा और कर दे भाई, दिखा दे, ये तो बहुत ज़्यादा निकला हुआ है। बकरा बकरा दाढ़ी नहीं चाहिए, मेरी नाक लग रहा है जैसे प्लास्टिक वाली हो यार। इस गेम का डाउनलोड लिंक आपको भाई मेरे को मैसेज करोगे इंस्टाग्राम पे, भाई फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे, आप मैसेज करोगे मैं भेज दूंगा आपको। अरे यार ये ठीक है, जॉब इट्स ठीक है, अभी पीछे जा रहे हैं हम लोग। थोड़ा मैं खुश नहीं हूँ जॉब इट्स से, लेकिन आईब्रोज में तो कुछ नहीं बदलना, आईब्रोज में कुछ ऑप्शन है ही नहीं ज़्यादा। थिकनेस है ऑप्शन, दिखाई नहीं दे रही यार। ठीक है, माउथ एंड नेक, माउथ पोजीशन का ऑप्शन है, अच्छा 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 ठीक है। नोज़ का ऑप्शन है, नोज़ काम की है भाई, नोज़ यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। मेरे को नोज़ का शेप, हाँ इतना ठीक है। विड्थ का ऑप्शन आ रहा, विड्थ किसी काम का नहीं, प्रॉपर ना, ये ठीक है, परफेक्ट। अरे वाह भाई सही है यार, फ़र्क देखने को मिल रहा है, इसलिए कह रहा हूँ यहाँ पे स्पिनिंग ऑलराउंडर बना करो। अरे भाई मैं जब हूँ नहीं था स्पिनिंग ऑलराउंडर, इसलिए नहीं बना मैं अपने जैसा असली में हूँ भाई, मैं वैसा ही बनने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ बढ़िया यार, नोज़ का कितना सारा सेफ है, उस समय की गेम के हिसाब से आप सोचो तो अच्छे खासे ऑप्शंस हैं। इनफ है ये, ठीक है। आईज़ में मेरे को आईब्रो बदलना है, कलर, हाँ आँख का कलर बदलना है, ये ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट आता है अंत में हेयर स्टाइल, फेशियल हेयर स्टाइल अभी आ रही है। ना भाई ये तो नहीं, ये भी थोड़ी थोड़ी ठीक है, लेकिन ये वाली नहीं, हम रखेंगे ये वाली। थोड़ा सा हेयर स्टाइल का ऑप्शन, लेकिन हेयर स्टाइल दिख नहीं रही, प्रॉब्लम वो है, तो मुझे मालूम नहीं पड़ा मेरी हेयर स्टाइल कौन है। पीछे से हमेशा टाल दिखती है इस गेम में। ये गेम मोबाइल पे है? नहीं मोबाइल पे गेम नहीं है भाई। अबे भाई ये क्या बना दिया मेरे को, अच्छा तीन ही कलर हैं यार इस गेम में, तीन ही कलर। मैं ये रख रहा हूँ, थोड़ा सा ब्राउन रख रहा हूँ फॉर ए हेड स्टाइल। अब भाई ये सब तो ऑप्शन आ नहीं रहा है, एज वेज का कोई काम का नहीं। बैक जा रहे हैं, प्लेयर हमारा रेडी हो चुका है, हमारा फेस रेडी हो चुका है, लगभग सब चीज़ें हमने कर दी। ऐड टू स्क्वाड आता हुआ इंडियन टीम में। अरे यार किसकी जगह रखे हैं, पवन देश पांडे, पवन देश पांडे खलील अहमद यहाँ पर हैं, ईशान शर्मा, पुजारा, कार्तिक रहाने, मोहम्मद शमी। भाई पवन देश पांडे का ही ऑप्शन है, और तो मुझे कोई लग नहीं रहा, और तो मतलब हैं सब यार। चलो भाई प्लेयर एडेड टू द रोस्टर, मैं जा रहा हूँ एग्जिट, इसको करूँगा सेव माई क्रिकेट में जाकर। पहले मैं सेव कर रहा हूँ हमारा रोस्टर, सबसे पहले रोस्टर सेव कर रहा हूँ, उसके बाद मुझे हर बार ये भी ध्यान रखना है कि मैं हर बार प्रोफाइल सेव करूँ। इंडियन 20 टी 20, अबे यार ये सेव नहीं हुआ, सेव हुआ, ठीक है भाई। अब हमारा हमेशा से मैं अब इंडियन टीम में रहूँगा, ये अच्छी बात हो गई। एक चीज़ और करनी है मुझे, कहाँ गया भाई स्क्वाड मैनेजमेंट, हाँ स्क्वाड मैनेजमेंट, एडिट टीम्स, इंडिया के नाम आप यूज़ कर नहीं सकते ऐसा चाहते हैं तो भाई अब मेरी गलती है नहीं, तो अब ये नाम मैं थोड़े से बदल दे रहा हूँ सबके, क्योंकि BCCI को प्रॉब्लम है भाई, आप उनके नाम मत यूज़ करो। कोई नहीं भाई, हमने अपने नाम दिए हुए हैं ऑलरेडी, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम है नहीं उसमें। हिटमैन शर्मा, ये मेरा अपना स्टाइल है भाई, हम लोगों ने आप में से भी कई लोगों ने नाम, आप लोग भी नाम सजेस्ट कर सकते हो। RG गेमर्स कह रहे हैं पवन पप्पू, भाई पवन देशपांडे लेकिन इंडियन टीम में वही मुझे एक लगे थे भाई, ये और कोई और सारे प्लेयर तो मतलब ऐसे लग रहे थे उनको जगह मिलेगी, क्योंकि अभी प्लेइंग 11 भी तो डिसाइड करनी है। तो ये हो गए हमारे माउंटेन धवन, आप लोग भाई फटाफट नाम सजेस्ट कर देना किसी प्लेयर का करना हो, ताकि मैं उस हिसाब से अगर कमेंट में सूट करता है तो मैं जाऊँगा उस नाम के साथ। भाई यार ये इतना बड़ा नाम हो गया ना, माउंट धवन रखना पड़ेगा, तो माउंटेन धवन नहीं हो पा रहा नाम, प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। चलो भाई ये बैक करो, ठीक है। अजिंक्य रहाणे, तो इनका नाम हमने रखा था, मैं कमेंट में अगर पढ़ता हूँ तो। आपका नाम कहाँ है भाई, आपका नाम पता नहीं कहाँ है यार, अभी तो अज्जा रहाणे हो रहा है, कुछ कुछ नाम पहले से सेट हैं इसलिए मैं उसमें ज़्यादा सोच नहीं रहा। पंत को खिलाओ, पंत हैं कि नहीं भाई इसमें, अब मुझे देखना पड़ेगा, वो पंत दिखाई नहीं दे रहे अभी, तो लगता है माही खेलेंगे क्या, वो पता नहीं क्या ऐसे नहीं है, मुझे भी नहीं मालूम यार, सही में नहीं दिख रहे। महेंद्र सिंह धोनी है लेकिन, कोई नहीं महेंद्र सिंह धोनी को खिलाएंगे भाई। गब्बर कह रहे हैं यहाँ पर, अच्छा गब्बर भाई, अभी रुको 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 एक मिनट भाई, चित्ता पुजारा,
डन करो। एक सजेशन है, कह रहे माउंटेन धवन मत रखो, ये मैं सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहा हूँ भाई। अजय रहाणे नहीं भाई, अजय रहाणे नहीं, गब्बर एक बार चलेगा, गब्बर धवन मैं रख दे रहा हूँ। मैं हमेशा उनको माउंटेन धवन ही कहूँगा, लेकिन मैं हमेशा उनको माउंटेन धवन ही कहता हूँ, गब्बर धवन कह रहे हैं सब लोग, गब्बर धवन। ठीक है भाई, लो आप लोगों की बात मैंने रख ली। माही धोनी, इनका नाम रखेंगे माही धोनी। MSD रखने को कह रहे हैं, चलो MSD भी ठीक है, कोई इश्यू नहीं भाई। हार्दिक पंड्या, ये तो भाई बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। भाई धोनी तक पहुंच गया, उसके आगे के नाम बताने हैं, और मैं धीरे धीरे स्पीड बढ़ा रहा हूं, मैं वेट नहीं कर रहा क्योंकि असली गेम प्ले का वेट हो रहा है यहाँ पे। दुनिया का धोनी, अरे ये कैसा नाम है भाई, दुनिया धोनी क्या नाम है, ये कैसा नाम है भाई। कोहली ठीक है भाई, वीरू कोहली ठीक है, अभी वीरू कोहली में नहीं कर रहे। अश्विन का नाम मैंने ज़्यादा सोचा नहीं, तो मैं अभी रवि अश्विन कर दे रहा हूँ। अरे यार बैग जा भाई, गाली करो, यहाँ पे गाली दे रहे हैं धोनी को। मैं नाम नहीं लूँगा कौन, पर इग्नोर करेंगे हम लोग भाई। देखो कोई भी बंदा अपने देश को रिप्रेजेंट करता है ना, तो पहली बात वो इज्जत इज्जत डिजर्व करता है वो। उजाला का नाम डिफेंडर करने को कह रहे हैं, नहीं यार ऐसे नाम नहीं रखने भाई, नाम ऐसे रखने हैं जो पता लगे भाई कि वो हैं। डिफेंडर रख के क्या मिलेगा, डिफेंडर भाई निकनेम नहीं कर रहे। कुंगफू पंड्या, के पंड्या होते तो मैं पक्का नहीं, लेकिन के पंड्या का नाम कुंगफू पंड्या है नहीं ना, प्रॉब्लम वहाँ हो जाता है। जस्सी बुमराह, अबे जस्सी बुमराह नहीं भाई, जस्सी बुमराह, अबे भूवी का कह रहे हैं भुवनेश्वर। अरे भाई असली नाम नहीं रखना, असली नहीं रखना, वही तो है। कई लोग असली नाम सजेस्ट कर रहे हैं कि उसका असली नाम ये है, भाई असली नाम तो मुझे भी मालूम है, लेकिन असली ही तो नहीं रखना, वही तो गड़बड़ है। अरे यार मुझे पता था नाटक होगा इसमें, मुझे मालूम था इसमें नाटक होगा। नाम का लिमिटेड है यहाँ पर। हेलीकॉप्टर धोनी नहीं भाई, बूम बूम नाम, अरे यार ये ऐसे नाम नहीं रखने भाई, बूम बूम कह रहे हैं भाई, उतने बड़ी जगह भी नहीं है कि बूम बूम फिर स्पेस लगा के बुमराह भी लिख पाओ। बूम बुमराह भी शायद, हाँ बूम बुमराह हो जाता, लेकिन बूम बूम दो बार बूम 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 नहीं होगा, एक ही होगा। शाओमी रखने को कह रहे हैं भाई, शाओमी कहाँ से सेट हो रहा है। लॉर्ड उमेश यादव, अरे भाई मैं वहाँ पर लिमिट है इस गेम में यार, नाम नहीं लिख सकते आप। मैं शमी के नाम पर चल रहा हूँ इस वक्त, तो मैं अहमद शमी रख दे रहा हूँ इनका नाम। अब और कोई नाम आ ही नहीं रहा इनका, तो भाई गड़बड़ क्या कर रहे हैं आप। रीनेम करेंगे हम लोग, मैं कप्तान नहीं बन रहा, मैं कप्तान तो वन एंड ओनली अभी कोहली को ही बनाएंगे हम लोग। अब ये कुलदीप हैं तो इनका नाम मैं वंशदीप वंश यादव रखूँगा। अब वंशदीप यादव आ नहीं पाएगा, पूरा आ नहीं पाएगा, पता था यार, वंश यादव ही रखेंगे हम लोग। एक बहुत दुख की बात है जी हाँ, कि इस समय आपके सामने उनको जगह नहीं मिल रही है, क्या नाम है, अरे यार पंत नहीं है। मैं नेक्स्ट टाइम उनको अग्रवाल, अगर नेक्स्ट हमारे करियर मोड का जब गेम प्ले होगा तब मैं उनको ऐड करूंगा, अभी तो नहीं हो पा रहा भाई। खलील अहमद आ रहे हैं, अरे ऋषभ पंत है तो यार, अबे कौन, तुम लोग क्यों पढ़ रहे हो मेरे को यार, मैं खुद दुखी हो गया है, तो ऋषि पंत हैं भाई, ऋषि पंत हैं, अरे पैंट्स नहीं भाई रितिक, ऋषि पंत हैं यहाँ पर, सही है, लास्ट आएंगे यहाँ पर। रीनेम, लोकेश राहुल नाम है इनका, मैं नाम रखूँगा कुलेश राहुल। चलो भाई ये डन होती हुई टीम, कप्तान ठीक है, ठीक है, MSD सब है भाई, अब आएगा मज़ा। एडिट नंबर्स, हाँ भाई ये नंबर मेरे बदलने थे मुझे, मेरा 19 नंबर चाहिए, मैं बाकी और किसी के नंबर पर इतना फोकस नहीं कर रहा, मेरा कहाँ गया, मेरा नंबर कहाँ गया, मुझे 19 दे दे भाई। अरे 19 कौन लेके बैठा है, अहमद शमी लेके बैठे हैं, अरे यार प्लीज़ शमी भाई आप कोई और नंबर ले लो, 17 ले लो, मुझे 19 दे दो बस भाई, आप सेव कर लेंगे इसको। आवाज़ बहुत कर्कश है इसकी, इंडियन 820, बस भाई डन डन डन। तो अब यहाँ पे सब कुछ रेडी हो चुका है, अब मैच खेलने की बारी है, गेम मोड्स इंटरनेशनल वर्ल्ड चैंपियनशिप। ऑटो रैंडम 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 मैनुअल, मैच लेंथ रहेगी भाई 10 ओवर, क्योंकि हम मल्टीपल मैचेस खेलने वाले हैं। मैं 2 स्टार के साथ ही जा रहा हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने खेला था मुझे मालूम है कितना टफ पड़ा था मुझे मैचेस, और आज तो हम लोग सिर्फ एक ही प्लेयर के साथ खेलने वाले हैं, तो और गड़बड़ बनेगी।
तो टोटल 16 टीमों के साथ मैच हो रहा है और देखते हैं क्या मच सिलेक्शन होता है। टोटल 20 प्लेयर सिलेक्ट करने हैं, तो बधाई जाएगी रहा नहीं यार, रुको रुको रुको, मुझे 20 प्लेयर चुनने हैं। गब्बर धवन आज के मैच में सिलेक्ट होते हुए, हिटमैन शर्मा, ये टीम सिलेक्शन का वक्त हो रहा है। अरे यार सचिन भी है, अरे सचिन भी है, वीरेंद्र भी है, अरे बाप रे, अभी ये कौन है भाई, अभिषेक 919, आदित्य तारे भी हैं, अनमोल प्रीत सिंह भी हैं, चित्ता पुजारा भी हैं, नहीं यार ये टीटा है ना यार, गुरकीरत सिंह, ईशान जग्गी, गुरगन सिंह, केदार यादव, कुणाल थोरात, मनदीप सिंह, मनीष पांडे, मनोज तिवारी, मनप्रीत जुनेजा, अरे बाप रे, ये तो भाई हाँ धोनी खेलेंगे। अभी आप देखो, अभी आप लोगों के लिए सरप्राइज है प्लेयर्स, अभी कौन आ रहा है, कौन कौन सिलेक्ट हो रहा है। अभी गांगुली भी है, सब मेरे को मन कर रहा है गांगुली को ऐड करूं, सचिन को ऐड करूं, ऐसी इच्छा हो रही। शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, वीरू कोहली, उन्मुख चंद भी नहीं, उन्मुख चंद यार, यूवी, अरे भाई गजब की मेरे को इच्छा हो रही है इन सबको ऐड करने की यार, मैंने तो अभी तक इन्हीं लोगों को खेलते हुए देखा है वर्ल्ड कप में। अभी हम ऊपर से लेंगे भाई, 20 प्लेयर लेने हैं, लिमिट हमारे पास है। मैं अभी मेरा मेन फोकस है, पहले मेन प्लेयर आ जाए। हाँ धोनी खेल रहे हैं, धोनी रिटायर नहीं हुए, धोनी इज प्लेइंग। ऐसे तो संजू को भी जगह मिलनी चाहिए, लेकिन दो दो कीपर हो गए। अभी गेंदबाज देखना है मेरे को मेन, हार्दिक पंड्या मिलेगी, एच पंड्या को मिलेगी, रविंदर, अरे रविंदर जडेजा भाई तो रह ही गए थे यार, एस संगीत, हाँ मेरे को भी मिल गई जगह, सही जा रहे हो। विजय शंकर, अमिताभा घोष, अरे भाई ये कैसा नाम है, अक्षर पटेल नहीं, करण शर्मा अभी नहीं, ये सब बाद में भाई, अभी बाद में, अभी मेन प्लेयर की लिस्ट में नहीं है। 20 प्लेयर्स, 100 करोड़ की आबादी में आपको 20 में आना कितना मुश्किल है। मैं आ गया, लेकिन अश्विन को अभी मिल रही है, देखेंगे हम लोग ऐड होंगे कि नहीं पता नहीं यार। शैजा वॉशिंगटन, यूजी पाजी को मिलेगी, शमी को मिलेगी, भूवी को मिलेगी, 15 हो गए, 5 और बाकी, जस्सी बुमराह को मिलेगी भाई, इसीलिए मैंने शुरू में ऐड नहीं किया प्लेयर, अगर शुरू में ऐड कर लेता तो फिर जगह ही नहीं बनती भाई, प्रॉब्लम वहां पर हो रहा है। 1000 लाइक्स होने वाले हैं भाई, थैंक यू भाई, डाउनलोड लिंक बताता हूँ मैं कैसे करना है, रुक जाओ पहले मैच चालू हो जाने दो। संदीप नहीं, शान शर्मा अभी बाहर रहेंगे, उमा यादव, विनय कुमार, जहीर खान, अभिमन्यु, अंकित राजपूत, अनुप्रीत, हरमीत, यार कोई मिस हो रहा हूँ मैं, किसी को मिस कर रहा हूँ, सिराज, ठीक है 17 हो गए, 3 और, नटराजन को मैं लेना चाहूँगा, प्रदीप सांगवान है, नवदीप सैनी है, प्रसिद्ध कृष्णा है, राहुल चैर, खेलेंगे तो 11 ही भाई। मैंने वीडियो देख लो भाई, कैसे मैंने ऐड किया सब कुछ देख लो आप। शार्दुल ठाकुर, श्रीनाथ, नटराजन, एक नटराजन, दो प्लेयर और, खत्म भाई। अब आप लोगों की कमेंट में देखूंगा, दीपक चहर को लेने को कह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। कुलदीप रह गए क्या, वंशदीप रह गए, ध्यान नहीं रहा भाई मेरा, वंशदीप रह गए, एक मिनट, वंशदीप डन करता हूँ मैं। फुल अहमद कौन, अच्छा खलील अहमद है, मुझे लगा फुल अहमद कौन है, खुद ही भूल गया, एक मिनट भाई मैं लेता हूँ उनको। संजू सैमसन को लेने को कह रहे हैं, एक मिनट भाई, पहले मैं वंशदीप यादव को ऐड करूँ, वंशदीप पता नहीं कहाँ चले गए, दिख ही नहीं रहे, हाँ वंश यादव ये रहे, एक प्लेयर और, शकरिया को लेने को कह रहे हैं, शकरिया पता नहीं थे कि नहीं यार, चहर और सैमसन का टक्कर है भाई, के पंड्या को भी कई लोग कह रहे हैं, एच पंड्या हो गए भाई, ले लिया एच पंड्या को, अरे भाई किसको लूं, यादव आ गए, चहर मतलब CHHAR, राहुल चहर का पता नहीं, राहुल चहर के इतने फैन कैसे हो गए यार। और पद्दीकल के लिए भी कमेंट आ रहा है भाई, जो भी खेलेगा पूरा टूर्नामेंट खेलेगा, पता नहीं 11 में जगह मिलेगी कि नहीं वो मुझे नहीं मालूम। पद्दीकल और सैमसन, रियान पराग हैं भाई, नहीं पता नहीं यार, अभी वो ऑप्शन में नहीं है ले रहा मैं भाई, तो सब चहर कर रहे, राहुल चहर कहाँ है भाई, मुझे देखना पड़ेगा राहुल चहर कहाँ है, और मुझे लग नहीं रहा आर चेयर हैं इस गेम में, दीपक चेयर तो हैं ये तो याद है मुझे, अच्छा राहुल चेयर हैं भाई, पर क्यों राहुल चेयर के इतने फैन कैसे यार। डन भाई, लो आप लोगों की इच्छा पूरी भाई, कंटिन्यू कर रहा हूँ। कैप्टन का ऑप्शन आ रहा है, अच्छा नहीं अभी कैप्टन का ऑप्शन नहीं आया, ठीक है कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग, गेम को सेव करेंगे यहाँ पे ताकि गड़बड़ ना हो, प्लीज सेव हो जा,
इसका नाम मैं रख रहा हूँ वर्ल्ड चैम्पियनशिप, सिर्फ इतना ही रख रहा हूँ, वर्ल्ड चैम्पियनशिप सेव कम्प्लीट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि गेम मेन गेम में सेव होगी, तो मैं अभी क्विट कर रहा हूँ। अर्शी वॉन्ट टू क्विट ऑल द आंसर विल अपली विश और सेव योर प्रोफाइल इन माई क्रिकेट। हाँ भाई ये करेंगे हम लोग माई क्रिकेट, क्योंकि ये गेम का कुछ भरोसा है नहीं भाई, तो प्रोफाइल में जाके हम लोग एक बार सेव कर लेंगे और माई क्रिकेट लोड टूर्नामेंट लोड करेंगे भाई ये। तो पहला मैच हमारा आने वाला है यहाँ पर न्यूजीलैंड के सामने, और मैं बता दूँ ये करियर मोड का गेम प्ले, हम सिर्फ और सिर्फ हमारी बैटिंग करेंगे और सिर्फ और सिर्फ हमारी बॉलिंग करेंगे। 10 ओवर का मैच है, मतलब 2 ओवर्स का गेम प्ले मिलेगा हमें करने को और साथ में बैटिंग करने को मिलेगी 10 ओवर। ओपनिंग में आने वाला है, तो AI ने जो टीम बनाई है वो आपके सामने है, कुछ इस तरह का टीम AI ने बना के दिया है हमें। भुवी कुमार और जस्सी बुमराह तेज गेंदबाज हैं, महेंद्र सिंह धोनी को एज अ विकेट कीपर बैट्समैन बना के खिलाया गया है, स्पिनर की भूमिका बहुत कम है, अश्विन को चुना गया एज ए स्पिनर, बहुत अजीब सी बात है यहाँ पर। काफ़ी वीक लग रहा है बॉलिंग डिपार्टमेंट। चलो मान लो मैं गेंदबाजी करूँगा, अरे MSD इतना नीचे क्यों आ रहा है यार, मैं स्वैप कर रहा हूँ यहाँ पर कोलेश राहुल की जगह, कोलेश राहुल को मैं अभी के लिए बाहर निकाल रहा हूँ, कोलेश राहुल की जगह मैं जड्डू को इन कर रहा हूँ। हाँ भाई जड्डू को ऐड कर दिया, गेंदबाज है ही नहीं कोई, 1 2 3 4 और मैं 5वां, पंड्या 6। ठीक है, तो 6 गेंदबाजों के साथ इंडिया खेल रहा है जो गेंदबाजी कर सकते हैं ऑलराउंडर्स के साथ, और तो कोई ऑप्शन लग नहीं रहा, कैप्टन के रूप में कोहली ठीक है। चलो भाई इंडिया का पहला मैच, बस गेम क्रैश ना हो। हर गेम के बाद हम लोग गेम को सेव करेंगे और हर गेम को उसके बाद हम लोग उसको जाकर लोड भी करेंगे। टॉस जीता है यहाँ पर इंडियन कप्तान ने, अभी के लिए मैं बॉलिंग के साथ जा रहा हूँ। अब मेरी, अबे ये क्या हुआ, अरे क्रैश हो गई यार गेम, पता नहीं आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दिया कि नहीं, गेम क्रैश हो गया यार, लाइव स्ट्रीम बर्बाद हो जाएगा। मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ, मेन स्क्रीन पे आएगा नहीं, आएगी नहीं कुछ, अरे यार बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, नाटक मत करना यार गेम। एक मिनट भाई मैं भी स्टार्ट कर रहा हूँ वापस से, ये क्रिकेट को ला रहा हूँ आपके सामने, प्लीज़ भाई नाटक ना करियो। जहीर को भूल गए, जहीर रिटायर हो चुके हैं यार, अभी मैं अपने ऐसे प्लेयर अभी लेने लगेंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। स्क्रीन पे आया कि नहीं भाई, सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि मेरे को बैक जाना पड़ता है बार बार। लोड तो कंप्लीट हो गया, लेकिन दिखाओ भाई पहले स्क्रीन पे आ रहा है कि नहीं, आ रहा है। चलो क्रैश पनौती लग गई, अरे भाई अब मैंने ये, अब देखना पड़ेगा भाई, अब ये नाटक होगा तो फिर तो पता नहीं क्या करेगा, फिर तो मैं बिना सेव के खेलना पड़ेगा वर्ल्ड कप टूर्नामेंट। चलो फटाफट स्टार्ट करेंगे, खाली कोलेज स्टाल को स्वैप करना है, मुझे लाना है और इनकी जगह जड्डू आएंगे भाई, डन। प्लीज नाटक मत करना, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। चल 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 चल, बार बार टॉस में हो रहा है। अच्छा ये, अरे मैंने वो नहीं देखा यार कि पूल क्या आया है, टॉस जीत कर बॉलिंग, अरे ये क्या नाटक हो रहा है, असिंक लोड ऑफ FSSS फेल्ड, भाई ये क्या नाटक हो रहा है, गेम क्रैश हो रहा है। अरे यार अभी सुबह को तो भाई मैंने खूब फोटो वोटो खींच के ही बनाया सब, ये तो नाटक हो रहा है भाई। अभी भाई गेम चालू हो जाए ऐसी दुआ करो आप लोग, बाकी चीजें बाद में, अभी कौन सा प्लेयर नहीं है कौन सा प्लेयर है इसकी चिंता स्पैम मत करो यार, गेम चालू करवा दो बस अभी। लोड पता नहीं स्क्रीन पे आ रहा है कि नहीं, अभी ये भी देखना पड़ता है। हाँ ठीक है अभी तो आ रहा है, इस बार बैटिंग लेंगे पहले, गेम को रीडाउनलोड करने को कह रहे हैं भाई। वर्ल्ड कप कंटिन्यू, मुझे लगता है कोई ऐसा प्लेयर आ रहा है, मेरे को लग रहा है टीम में, अबे मैं कहाँ गया। अच्छा मेरे को बाहर निकाल दिया, अरे भाई यही देखना बाकी था, मेरे को ही निकाल दिया, जिसके लिए गेम प्ले आज हो रहा है उसी को ही निकाल दिया, सही है भाई। जड्डू को लाओ, रूस्टर अपडेट करो भाई, रूस्टर तो अपडेट हो गया यार, बैटिंग
अरे यार ये क्या नाटक हो रहा है भाई, मुझे देखने तो इसका स्क्रीनशॉट लेने दो इस प्रॉब्लम का। कुछ कोई फाइल मिसिंग लग रही है मेरे को, ये अभी तक नहीं होता था भाई, मैंने पूरी लाइव स्ट्रीम की हुई है इससे पहले। आपके स्क्रीन पे क्या आ रहा है इस वक्त, कुछ ब्लैक आ रहा है कि क्या आ रहा है? कुछ तो आ रहा होगा स्क्रीन पे। भाई गेम क्रैश हुआ है, एक मिनट मैं यहाँ पर इसको गूगल पे डाल रहा हूँ। असिंक लोड ऑफ, हाँ FSH फेल्ड, क्रिकेट 7 ऊपर से। हाँ लाइव स्ट्रीम में इसका देखे व्यू सीधा बैक इज द सिंपलेस्ट सॉल्यूशन। अच्छा अरे रे 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 रे, अब भाई मालूम पड़ गया। रुको रुको रुको, इसका इलाज है। ये कह रहा है बैट पैक गलती से मिट गया शायद तक, कोई बैट पैक इंस्टॉल। मैंने जो बैट यूज़ कर रहा हूँ ना, मैं जो बैट यूज़ कर रहा हूँ उसमें कुछ गड़बड़ है। एक मिनट मुझे एक नया बैट डालने दो, नए बैट पैक डालने दो। अब गूगल देख लोगे तो भाई गूगल पे आपको आइडिया मिल जाएगा कैसे करना है सॉल्यूशन। भाई मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, मैं वही सोचूं ये गेम क्रैश हुई कैसे। स्क्रीन पे बने रहना भाई, साथ में आपको भी आइडिया मिल जाएगा कि इस तरह का प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। आपको जाना है गूगल पे और सर्च करना होगा बैट पैक, यानी FSH प्रॉब्लम, क्रिकेट 7 FSH प्रॉब्लम आपको सर्च करना होगा। तो आपको एक कुछ ना कुछ मिल जाएगी, पहली दूसरी लिंक मिलेगी, उसी में आपको जाकर उसको इंस्टॉल करना है। अभी मैं यहाँ पे फटाफट इंस्टॉल कर दे रहा हूँ ताकि हमारा एटलीस्ट ये प्रॉब्लम ना है। उम्मीद करते हैं, एक्चुअली मैंने ये इंस्टॉल किया था फिर मैंने डिलीट कर दिया था, मैंने वो गलती कर दी, वो डिलीट नहीं करना था। तो ये क्रिकेट ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है भाई। कमेंट सेक्शन में भी आ जाते हैं हम लोग, कमेंट सेक्शन में इस समय क्रैश हो रहा है। अरे कोई नहीं भाई, अब हो गया ठीक। ये आप लोग भी अगर खेलोगे तो आपको भी प्रॉब्लम आएगा, तो अब याद रखना क्या करना है। बैट पैक डाउनलोड करना है, ये क्रिकेट 2007 FSH बैक बैट पैक, ये सर्च कर लेना अगर इश्यू आता है। मैं लाइव गोल अपडेट कर रहा हूँ भाई, एक मिनट। अभी पहला मेरा टारगेट है इसको ख़त्म करना, इस बग को, ताकि हम हमारा गेम प्ले कर सकें यार, नहीं तो आज की प्रॉब्लम इसी में चलेगी। हाँ चलो मैंने अपडेट कर दिया यहाँ पे लाइव गोल, अब नहीं आना चाहिए। उम्मीद तो ऐसी है, एक बार लेकिन मुझे बंद करनी पड़ेगी गेम। एक बार यहाँ पे मैं ओके करूँगा, गेम होगा क्रैश, फिर से चालू करेंगे ये क्रिकेट 2007 EA Sports to the game. अब उम्मीद करते हैं कि यहां से कुछ बेहतर हो जाए। लाइक गोल अपडेट कर दिया है भाई, ये अभी तक का सबसे बेस्ट गेम है, कितनी भी गेम खेल दो ऑल इज गोल्ड कह रहे हैं भाई। हाँ लेकिन नए सिस्टम के साथ मैच नहीं हो पा रहा ना, विंडोज 10 आ रहा है, मान लो विंडोज 11 पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, मुझे उसका मालूम नहीं। लेकिन जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है समय, वैसे वैसे ये इसका इसकी कंपेटिबिलिटी थोड़ी सी डाउन होती जा रही है बाकी गेमों के साथ। अब देखना है कि अब क्रैश होता है कि नहीं। इंडिया इंडिया भाई मेरे को खिला ले टीम में, बाकी तो ठीक है सब। MSD अश्विन, अच्छा हाँ, अरे अश्विन, अरे ये आज ये कैसी, ये अच्छा हर बार टीम अलग अलग आती है, वाह भाई वाह। सिराज आज बाहर होंगे और जड्डू इन होंगे, जड्डू का बैटिंग ऑर्डर बदलेगा, बाकी डन। अब देखना है कि अब क्रैश ना हो यार। आपने अलग से रूस्टर डाउनलोड किया इसकी वजह से एरर आ रहा है, हो सकता है अभी पता लग जाएगा भाई। अब रूस्टर हम लोग फिर कुछ और करना पड़ेगा, बैट ले रहे हैं हम लोग, अभी तक तो चल गया। हाँ बॉलिंग में नाटक हो जाए तो मैं नहीं जानता, पर अभी के लिए वन एंड ओनली द शंगी शुक्ला विद रोहित शर्मा बैटिंग में आते हुए। मैच का पहला गेम टीम साउथ ही वर्सेस मी, बहुत जिम्मेदारी से खेलना भाई, 10 ओवर का मैच है, वर्ल्ड कप का मैच है। और यहाँ कॉल देंगे हम एक रन का, शिफ्ट से स्पिन डिस्पेंट होता भी है कि नहीं मैं भूल गया भाई। और दूसरी बात बता दूँ मैं, मेरे को दोनों तरफ से खेलना है, ऑन द पेपर खाली मैं तब तक खेलूँगा जब तक कि मैं, मतलब मैं जब तक खेल रहा हूँ तब तक ही खेलूँगा, मैं आउट हो गया तो गेम ख़त्म भाई। बड़ा हिट लगाना होगा यहाँ पर, 0.1। स्ट्रेट शॉट, चलिए एक रन आता हुआ। इंडिया की शुरुआत ठीक ठाक हुई है मैं कहूँगा, क्योंकि ये गेम मैं रेगुलर खेलता नहीं हूँ, शुरू के 2-3 मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत ज़्यादा। ये गेम पेड है क्या? नहीं भाई गेम पेड है, फ्री है। आपको मुझे इंस्टा फेसबुक पे आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपको लिंक दे दूँगा। डॉट 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 डॉट, भाई बहुत डर के खेल रहा हूँ मैं। मैं आउट हूँगा तो, हाँ भाई मैं आउट हूँगा तो मैं ऑटो प्ले करूँगा, एंड ऑफ द इनिंग करूँगा मैं। मंत्रा बधेका भाई थैंक यू,
कोहली के फैन लग रहे हैं ये भी। 20 रुपीज़ सुपर चैट के लिए मंत्रा बदेका को शाउट आउट। गेम फ्री है भाई, हाँ यस गेम फ्री है, मैंने बता दिया कैसे करना है आपको। अरे कुछ ज़्यादा ही मैं उसके बहाने जा रहा हूँ, क्या कह रहे हैं। अरे ये कौन है भाई, टीम साउथी है। अरे टीम साउथी जल कैसे गया मुँह टीम साउथी का, कुछ अलग ही लग रहे हैं टीम साउथी नहीं लग रहे, कुछ अलग ही लग रहे हैं, ये हैं कौन। अरे लगता है लॉपटेड मारना पड़ेगा भाई, ऐसे तो वाट लग जाएगी। मतलब हमें गेंदबाजी भी 2 ओवर करनी है, मैं खाली 2 ही ओवर गेंदबाजी करूँगा, जब मेरी गेंदबाजी आएगी तब, मेरी गेंदबाजी नहीं आएगी तो फिर मैं नहीं करने वाला भाई। विलियमसन कप्तानी में भाई, पूरा स्क्वाड मैंने असली रखने की कोशिश की है, नहीं तो रियल वाले में तो ये सब प्लेयर नहीं देखने को मिलेंगे आपको। बड़ा हिट का अटेम्प्ट बहुत देर के बाद, 2 की कोशिश। डब्ल्यू से डाइव करता है ना, हाँ ठीक है। चलो भाई ये गेम, भाई नहीं ये गेम मोबाइल पे नहीं चलता, मुझे साउथी पे हंसी आ रही है यार बहुत ज़्यादा। लगता है अगली आंख दुर्घटना में जल गए। कौन आया बैटिंग में, शर्मा जी आए। भाई शर्मा जी यही एक गेम है जिसमें आपके रन नहीं है, इसमें भी रन बना के दिखा दो दुनिया को कि IVG चैनल पर सबसे बड़ा नाम हो आप। छक्का मैच का पहला, फ़ोन में नहीं चलेगा भाई, फ़ोन में नहीं चलेगा। प्रदीप घोष कह रहे हैं कि ये रबाड़ा लग रहे हैं, हाँ यार सही कहा, बल्कि साउथी को इनको ट्रेंड बोल्ट को अच्छा बनाया है, काफ़ी ट्रेंड बोल्ट को सही बनाया है, साउथी कैमर रोज जैसे लग रहे हैं। हाँ हाँ भाई पबजी के बाद सा कमेंट करते हुए। अरे डॉट गेंद, ये तो ड्वाइन स्मिथ है। मनज घोटिया घुटियाल, हाँ भाई अब आपके मन में जितने नाम है सारे बता दो आप, और सही भी है सबकी तरह लग रहे हैं, स्मिथ भी लग रहे थे ड्वेन, अभी तो रबाड़ा भी लग रहे थे। और लीजिए पहला झटका यहाँ पे लगता हुआ, मैं अभी टिका हुआ हूँ इसीलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं जब आगे नहीं बढ़ूँगा तो फिर भाई कोई मतलब नहीं रहेगा, मतलब मैं आउट हो जाऊँगा तो फिर ऑटो प्ले जाएगा मैच, जैसा कि रियल करियर मोड में होता है वैसा। अनफॉर्चुनेटली जब तक मैं हूँ तो मुझे दोनों प्लेयर से खेलना होगा। ये इंडिया का कैसा लोग है भाई, ये क्रिकेट 2007 की इंडिया का लोग है, ये ऐसा ही होता है। मंत्रा बदेका कह रहे हैं रूस्टर कैसे बाय करें, बाय नहीं किया भाई एडिट किया है, जैसे रूस्टर बनाते हैं वैसे ही रूस्टर एडिट कर सकते हो आप, सारे प्लेयर्स के नाम चेंज कर दो, उसको नए रूस्टर में सेव कर दो भाई, बाकी रूस्टर की फाइल भी आप बनाकर उसको एक्सचेंज कर सकते हो चाहो तो। 2 ऑप्शन है, या तो एडिट में जाओ फटाफट एडिट कर दो सारे नाम, जैसे मैंने अभी ये नाम चेंज किए, वीरू को विराट को वीरू कर दिया, रोहित को हिटमैन कर दिया, उसको सेव कर दिया वहाँ पे जाके बैकग्राउंड में। चलिए गैप में कम से कम रन आते हुए, मैं अभी ज़्यादा पुश नहीं कर रहा, मुझे पता नहीं मैं सही खेल रहा हूँ गलत खेल रहा हूँ, 10 ओवर का गेम प्ले बाद में मालूम पड़ेगा। 9 बॉल डाल दिए, हाँ भाई मुझे भी लग रहा है कि आवाज़ बहुत ज़्यादा है क्योंकि मुझे भी बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलना पड़ रहा है अभी आवाज़। हाँ मेन्यू SFX तो, हाँ मेन्यू SFX नहीं, फील्ड वॉल्यूम ठीक है, क्राउड थोड़ा सा ठीक है। फिर भी म्यूजिक तो आ ही रहा है भाई। 12/1 इंडिया इस वक्त, मैं खेल रहा हूँ इस समय स्ट्राइक पर हूँ, सामने कोहली, बाहर की तरफ गेंद, बच गया, कोहली को रन आउट कराता भाई, नेक्स्ट मैच में से निकाल देता, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है यहाँ पर। रूस्टर होता है भाई, हाँ ओरिजिनल बैट कैसे आए, बैट पैक सर्च करो गूगल पे भाई। लाइव स्ट्रीम के अलावा अगर आप पूछोगे तो फिर बहुत मुश्किल होगा मेरे को बताना। नहीं 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 नहीं, अबे मार तो लॉपटेड मार वरना मत मार भाई, मैं रिस्क ले रहा हूँ अब, आउट तो आउट। मैं कोहली को भी कंट्रोल कर रहा हूँ, यस भाई जब तक मैं मैदान में हूँ मैं दोनों प्लेयर्स को मैनेज करूँगा, और मैं अगर आउट हो गया तो 10 ओवर का पूरा गेम प्ले स्किप होगा, अब बॉलिंग में सिर्फ हमारी गेंदबाजी होगी जैसा कि रियल करियर मोड में होता है। उछल जा रही है गेंद, अरे भाई साहब मुझे लग रहा है एक ही रास्ता है, लॉपटेड मारो, नीचे वाले शॉट तो बेकार लग रहे हैं, लोगों की खुशी मनाने का अंदाज भी बहुत अजीब सा है यार। साउथी को देखो, ये साउथी भाई कौन है, टेलर ने कैच किया 12/2, कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे, शॉट रह गया नीचे, आसान कैच, हाफ पर खड़े हैं, फील्डर पीछे होते तो भी छूट हो जाता है यहाँ पर भाई, मार रहा हूँ, फ्री हिट नहीं होता उस समय, फ्री हिट नहीं होता था।
बड़े शॉट का अटेम्प्ट, कुछ बड़ा फायदा नहीं हुआ है, दो रन जोड़ के गए हम लोग भाई, बड़े शॉट लेने होंगे मुझे, और कोई रास्ता नहीं। एम्पायर स्टीव बकनर है, हाँ भाई स्टीव बकनर एम्पायर की भूमिका में है। मुझे लग रहा है क्राउड की आवाज़ अभी भी शायद थोड़ी तेज होगी यार। प्लीज़ यार नए लोग जो जुड़े हैं लाइक करना यार वीडियो को, हमारा ये सिक्स की कोशिश है, ग्राउंड बहुत बड़ा है। चलिए छक्का जड़ते हुए यहाँ पर, आवाज़ मैं धीरे कर रहा हूँ, बहुत तेज़ है, पता नहीं आप लोगों को लग रही है कि नहीं, मुझे बहुत तेज़ लग रही है। ये मेन्यू SFX भी बहुत गंदा लग रहा है, कट 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 कट, सबसे कट कट हो रहा है, ये ठीक है, इतना ठीक है। 5 स्टार में खेलो, हाँ खेलेंगे भाई, बाद में खेलेंगे, अभी नहीं खेलना। 5 स्टार में तब खेला जाता है जब आप भाई रेगुलर कोई गेम खेलते हो, बाकी नहीं। बीच में शॉट मारो, सामने फील्डर है यार, नहीं तो बीच में से मारते हैं। अब लेग साइड ऑप्शन है मिड विकेट, या तो देखते हैं कहाँ मारना है। अरे वहीं के वहीं रह गई, कौन गया, मैं गया भाई, रनआउट। फर्स्ट इनिंग हमारी समाप्त होती हुई न्यूजीलैंड के सामने रनआउट का शिकार बनते हुए हम लोग 19 नंबर का टी शर्ट पहन के हम आए थे बैटिंग करने, अभी के लिए 3 रन बनाकर आउट हुए। अब मैं नहीं खेल रहा, काफ़ी दूर से रनआउट हो गया, बड़ा हिट लेना चाह रहे थे, वहीं के वहीं रुक गया शॉट और रन ले लिए थे, वापस जा नहीं पाए और अनफॉर्चुनेटली आउट होते हुए। क्राउड का सेलिब्रेशन RC20 जैसा भाई, ये गेम बहुत RC20 बहुत बुरी तरह से इंस्पायर है इस गेम से। अरे यार ये गेम खेलनी पड़ेगी, उम्मीद करता हूँ आउट ना हो, गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो। नहीं डॉट जा रही है, ठीक है। ऑटो प्ले होगा हिस्सा आगे का, एंड ऑफ द इनिंग होगी, उम्मीद करते हैं इंडिया जो है वो सही कमाल करें। 87/5। अब मैं, मेरा काम यहाँ पे ये होगा कि मैं गेंदबाजी करने आऊँगा 2 ओवर्स भाई। भाई यहाँ पर मंत्रा का मैसेज भी है, मंत्रा बधेका भाई फिर से एक बार शाउट आउट 40 रुपीज़ सुपर चैट के लिए। अरे भाई थैंक यू, आप लोगों का सपोर्ट है इसीलिए एफर्ट डाला जा रहा है भाई। हाँ अप डाउन होता रहता है ये सफ़र, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट बना हुआ है भाई। छोटी छोटी पारियाँ देखने को मिली है, 12 बनाए पंत ने, गिल मिडल ऑर्डर में आ रहे हैं, 16 लगा के गए 22 गेंदों में, और अंत में भरे बाप रे एच पंड्या को देखो भाई, एच पंड्या 19/6, MSD ने 16/13 बना के गए। अब आएगी गेंदबाजी, अब मेरी गेंदबाजी जब आएगी तभी मैं खाली 6 गेंदें करूँगा, वो कोहली पे डिपेंड करता है, कोहली को गेंदबाजी देनी होगी तभी हम लोग आएंगे, नहीं तो नहीं। सामने है हमारा अपोनेंट, ये मैं नहीं हूँ, ऑटो प्ले करेंगे वन ओवर। जैसा करियर मोड होता है वैसे ही खेलेंगे। अगला गेंदबाज कौन है, बुमराह आ रहा है। मैं अपने आप चुनूंगा भी नहीं अपनी ओवर, मेरे को जब तक AI खुद ब खुद गेंद नहीं देगा तब तक मैं लूंगा भी नहीं, क्योंकि वो मैंने ऑप्शन AI पे रखा है। 1 ओवर फिर से, रिज्यूम करेंगे इसको, नहीं अभी नहीं मिल रही मुझे ओवर। अरे लेकिन मेरे ख्याल से ये अपने आप ही बोलेगा, मेरे को अपने आप ही गेंदबाज चुनने को कहेगा। हाँ यार गेंदबाज चेंज होने पे मुझे बोलेगा ये। चलो मैं आ रहा हूँ भाई, कितना हाल है, 4 ओवर में 30 बन है। ये हूँ मैं भाई, ये मैं हूँ। अरे मेरा काला बाल करना था, मैंने टोपी पहन ली थी, देख नहीं पाया यार। अच्छा मैंने रन की जगह उल्टा बोल दिया, अच्छा। एक मिनट तो स्टोर कार्ड देखने दो। अच्छा हाँ बॉल पहले, आज के समय में ऐसा नहीं है ना, आज के समय में यहाँ पर बॉल लिखी आती है आज के समय की, और यहाँ पर रन लिखा आता है। ठीक है अब देखते हैं इंडिया का स्कोर, 6 गेंदों में 19 रन, पंड्या ने पूरा काम किया, 13 में 16, भाई दोनों बढ़िया फिनिश करके गए, 16 में 22, 12 में 15, वाह भाई सबने अच्छा खेला, छोटी छोटी पारियां खेली लेकिन अच्छा खेला। सबसे हाईएस्ट रहे शुभमन गिल, 1 नंबर भाई। अब फील्डिंग तो पहले मैं बदलूंगा क्योंकि ये हमारा करियर मोड का गेम प्ले है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं चाहता मैं। हाँ ये ठीक लग रही है, पहली गेंद हमारी आती हुई हमारे करियर की, जिंदगी की पहली गेंद, वाइड से शुरुआत ना हो, राइट आर्म ओवर, ऐ जाने से बचता हुआ, साइड चेंज करेंगे हम लोग, बहुत करीब था ये, बहुत करीब था, बच गए। साइड चेंज, अब मेरे पास 3 पावर है, मैं बाहर की तरफ स्विंग कराता हूँ लेफ्टी के लिए, वही गेंद करने वाले हैं, बस महंगा ओवर ना जाइए, थोड़ा सा स्लो किया है गेंद को। ऊंचा शॉट, पहली विकेट, ओए RC20 में कर लेता है गेम यार, RC20 में कर लेता है भाई कैच, इसमें नहीं कर पाया। इन स्विंग करने में माहिर हूँ मैं, इन स्विंग करने में बहुत बुरी तरह से माहिर हूँ मैं। थोड़ा सा पेस बढ़ाया, अंदर ला रहे हैं गेंद, एजेस एजेस एजेस, आज डिफ़िकल्टी परफेक्ट लग रही है, पता है
एआई अंधाधुन ही मार नहीं रहा, नहीं तो क्या होता है कई बार एआई अंधाधुन मारता है, वो अच्छा फील नहीं देता मेरे को। स्टैंडर्ड गेन पेस थोड़ा और बढ़ाया है पिछली बार से, और क्या पुल शॉट है यार, एक रन। भाई पुष्पा रानी वाला कमेंट मत करो भाई, आप अथर्व लिख के कमेंट करना जब भी कमेंट करो, तो मैं पढ़ पाऊँगा। मैं कमेंट में कैसे पढ़ पाऊँगा कि अथर्व ने किया कि पुष्पा रानी ने किया, तो वो गड़बड़ हो जाएगी यार। और घायल कर दिया भाई, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, उम्मीद से अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पर भाई। ये नाम मैंने चेंज किए हैं, आप भी अपने नाम प्लेयर के चेंज कर दो। मैंने आपको बताया कैसे रूस्टर को लोड करना है, आपको नया रूस्टर बना के सेव कर देना है, न्यू रूस्टर पे जाके आपको अपने प्लेयर के नाम चेंज करने हैं, उसके बाद प्रोफाइल में जाना है, उसके अंदर न्यू रूस्टर पे क्लिक करना है, अपना नया नाम देना है, जैसे मैंने इंडिया 2021 दिया या जो भी नाम दिया आप दे सकते हो। दूसरी तरफ से स्पिनर को लगाया जा रहा है, लेकिन मैं इस वक्त लास्ट ओवर में आऊँगा गेंदबाजी करने। कोहली की तो दाढ़ी गायब हो गई भाई, ये कैसे हैं कोहली। वन ओवर, मैं नाइन्थ ओवर के बाद आने वाला हूँ, रुको मैं देखता हूँ, पर मेरे को ओवर दे देगा ये, गड़बड़ी है। चेंज बॉलर हार्दिक पांड्या, अरे हार्दिक परफेक्ट है, हार्दिक परफेक्ट बनाया है। ऑटो प्ले, वन ओवर, 37 रन और चाहिए भाई, संभल कर। चेंज द बॉलर, नहीं अभी इन्हीं को लाओ, जड्डू ही ठीक है। ऑटो प्ले, वन ओवर, इसके बाद अश्विन, फिर मैं आऊँगा लास्ट ओवर करने। 16 का रन रेट हो गया है, ठीक है। अब मैं आज मैं कौन, 9वां ओवर है ना। चेंज द बॉलर भाई, हार्दिक पांड्या नहीं, अश्विन को लाओ। ऑटो प्ले, वन ओवर, कितने रन चाहिए लास्ट ओवर में भाई। मैं आ रहा हूँ गेंदबाजी करने, शेंगीत। लास्ट ओवर हमारी भाई, जीत गया इंडिया। बदला मतलब अभी बैटिंग हमने ज़्यादा की नहीं, इसलिए वो फील थोड़ा सा कम रहा, और मुझे सबसे ज़्यादा डर था कि गेम क्रैश ना हो, तो वो नहीं हुआ। चलो अच्छी बात है, अब आएगा मज़ा यहाँ से। ऊंचा शॉट, बड़े शॉट लगाता हुआ यहाँ पर न्यूजीलैंड, इनफ नहीं है। जीत के लिए इस समय न्यूजीलैंड को चाहिए 33 रन, अगर छक्के लगाता है, नौ बॉल वाइड बॉल चली जाती है, तो जाके मैच जीत सकता है, बाकी तो गया मैच आज से। वाइड ना जाना बस, थोड़ा सा आगे ले लो गेंद को, स्लोवर रखिए, एक्स्ट्रा बाउंस होगी, एज लगी नहीं है। अभी क्रिकेट विकेट सब बंद है भाई, हाँ पहले खेलता था, अभी तो बंद हो गया भाई मेरा खेलना, रियल लाइफ में अब बंद हो गया, क्योंकि अभी और संडे वनडे मिले तो मिले, बाकी नहीं खेल पाता यार मैच, और अभी तो बिल्कुल बंद है इस वक्त, रियल लाइफ वाला। अभी तो जो होता है यहीं पे होता है, आपके सामने ही, आपके साथ ही। ऐश का मैडन ओवर गया, अरे यार उस तरह नज़र ही नहीं गई, ये पहला मैच है ना यार, तो अभी बस ये अभी देख रहे हैं हम लोग कि कहाँ क्या कैसा गेम प्ले है, कैसे चलता है आगे, बैटिंग थोड़ा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और नेक्स्ट टाइम मैं 5 ओवर ऑटो प्ले करूँगा, धीरे से आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर डिफ़िकल्टी अभी 2 है, अगर ये टूर्नामेंट लगता है कि बहुत आसानी से जीत गए या बहुत आसानी से खेल गए, तो फिर 3 डिफ़िकल्टी में खेलेंगे बाद में। ये मैच तो जीत गया इंडिया भाई, कम से कम न्यूजीलैंड को पहले मैच में शिकस्त दे दी है। लास्ट गेंद यॉर्कर का अटैम्प्ट, मेरे पास 3 ही पावर हैं गेंदबाजी के, इसलिए मैंने अपने आपको बैटिंग ऑलराउंडर माना है, ना कि बॉलिंग ऑलराउंडर। स्पैम मत करो भाई, आप स्पैम कमेंट मत करो, चलेगा स्पैम मत करो यार। मैं शयन तरफदार को कह रहा हूँ, मुझे टाइम आउट देना पड़ा यार। 63 पे 2 यहाँ पर, इसी के साथ हमने न्यूजीलैंड के सामने जीत हासिल कर ली। कल के दिन टेस्ट मैच में जीत हासिल की, आज के दिन हमने यहाँ पर जीत हासिल कर ली है। इसको करेंगे हम एग्जिट, नहीं स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं स्कोर का, बॉलिंग समरी देखनी है मैं तो। मैंने दिए कितने भाई, 2 ओवर में 11, अच्छी गेंदबाजी की यार, बहुत दिनों के बाद, मैं ज़्यादा खेलता नहीं हूँ ये गेम, लेकिन 2 ओवर में 11 अच्छी गेंदबाजी। एक्चुअली सबसे बेस्ट रहे रविंदर, अच्छा अश्विन ने मैडन डाला, हाँ यार पांड्या ने 12 दिए। अंशुमन जादव भाई थैंक यू, यहाँ पर कह रहे हैं कि आप स्ट्रीम करते रहो, इसी तरह से सपोर्ट देते रहेंगे, थैंक यू भाई। रविंद्र जाडेजा मैन ऑफ द मैच, ये फीचर तो मैं भूल ही गया कि इस गेम में ऐसा भी ऑप्शन आता है। इसको सबसे पहले देख लो भाई क्या करना है आपको, कोई भी टूर्नामेंट खेलने के बाद सेव गेम करना है, आपने जो नया टूर्नामेंट बनाया उसको जाके सेव करो, उसके बाद आप इसको क्विट कर दो। क्विट करने के बाद माई क्रिकेट में जाओ, लोड में सेव में जाओ, और वहाँ पे जाके इस प्रोफाइल में भी सेव करो, तो ही आपका गेम सेव होगा, वरना सेव नहीं होगा। हमारे नए मेंबर मंत्रा बढ़ेका का भी स्वागत है यार हमारी मेंबरशिप लेने के लिए। मैं वही गेम मोड में बढ़ रहा हूँ यहाँ पर, और लोड ऐसे करना है, लोड पे जाना है, प्रोफाइल तो लोड रहती है हमेशा, रूस्टर भी लोड रहता है, आपको टूर्नामेंट लोड करना है। अब आ रहा है जिम्बाब्वे, एक मिनट स्टैंडिंग देख लें।
इंडिया है ग्रुप सी में, उसके साथ है यहाँ पर आयरलैंड, जिम्बाब्वे और न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड दो मैच हार गया, इंडिया और आयरलैंड, आयरलैंड ने दो मैच जीत लिए, जिम्बाब्वे और न्यूजीलैंड को हरा दिया, वाह बेटा। और इंडिया भी एक मैच जीता हुआ है। ग्रुप डी में अरब है, वेस्ट इंडीज़ है, हांगकॉन्ग है, साउथ अफ्रीका है, अभी सुपर एट तो आया नहीं। ग्रुप ए में श्रीलंका, इंग्लैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश। ग्रुप बी में अरे ऑस्ट्रेलिया को तो मजा पड़ गई, ओमन, स्कॉटलैंड, नेदरलैंड, लेकिन सबसे आखिर में ऑस्ट्रेलिया है। मजे पहले पड़ रही थी, अब मजे नहीं पड़ रहे यहाँ पे। उसके अलावा देखो श्रीलंका, इंग्लैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सबसे मजबूत ग्रुप है, ये ग्रुप ए सबसे टफ है, सबसे टफ ग्रुप है। दो दो टीमें आगे जाएंगी, बाकी की टीमें पीछे रह जाएंगी। यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे हम लोग इंडिया का मैच। टीम सिलेक्शन में बदलाव होगा, शुभमन गिल को नहीं मिलेगी जगह, शुभमन गिल की जगह आएंगे जड्डू, एमएसडी जाएंगे, एमएसडी जाएंगे थोड़ा सा ऊपर, एच पंड्या, एक दो तीन चार पाँच, इंडिया चार गेंदबाजों के साथ ऑलराउंडर, एक मिनट, बाहर कौन है, नटराजन, यादव, चहल, गब्बर धवन, सूर्य कुमार यादव इन हो सकते हैं अगर आप बैटिंग मजबूत करना चाहते हो। लास्ट टाइम हार्दिक पंड्या और एमएसडी ने अच्छा खेला था, तो मेरे ख्याल से ठीक है, ये ऑर्डर ठीक है। एमएसडी पाँच पे आएंगे, और अरे मैं रह गया यार, कब से सोच रहा हूँ कौन रह गया, ये टीम रहती हुई यहाँ पर। गिल की जगह केएल को लेने को कह रहे हैं, नेक्स्ट मैच में देखते हैं भाई। अभी तो मैंने चार गेंदबाज, दो ऑलराउंड, तीन ऑलराउंडर के साथ उतरा हूँ मैं, उसी मैदान में मैच है जहाँ पिछली बार था, बारबाडोस। जिम्बाब्वे है इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट, भाई गेंदबाजी आई है हमारी, पहली बार रन चेस करेंगे हम लोग। पांच ओवर मैं ऑटो प्ले करूंगा, उसके बाद हम देखेंगे, शायद मेरी गेंदबाजी उसके बाद ही आएगी, विराट देंगे नहीं मुझे गेंदबाजी जल्दी। भाई ये तो लगता है जिम्बाब्वे के प्लेयर ने, लगता है वही नहीं किया, किटअप पैडअप ही नहीं हुआ। चलो ऑटो प्ले, पांच ओवर, उम्मीद करता हूँ मेरा एक भी ओवर बिगड़ा ना हो, क्योंकि अब मैं आऊँगा गेंदबाजी करने। ठीक है, राइट आर्म फास्ट मीडियम संगीत, यहाँ पे करियर मोड चलता हुआ इस समय इंडिया का। ये दूसरा लीग मैच है, आज के दिन हम सारा का सारा मैच खेलने वाले हैं। अब इसमें पता नहीं ट्रॉफी सेलिब्रेशन आता है कि नहीं, मैं भूल गया फील्डिंग सेटअप बदलना था, गलती कर दी, लॉफ्टेड मारा तो चौका, ग्राउंड शॉट, सही है। ओमकार रंजन कह रहे हैं यहाँ पर ओल्ड मेमोरीज ताज़ा हो गई, हाँ यार लास्ट मैच शुभमन गिल की वजह से जीते थे, अरे हाँ भाई उस तरफ भी ध्यान नहीं गया। अभी भाई अभी शुभमन को लेकिन बाहर रहना होगा, देखते हैं आज बैटिंग में कौन हीरो बनता है। फील्डिंग सेटअप मेरा कुछ इस तरह का रहेगा, नॉर्मल आठ नहीं, दस नहीं, नॉट डिफेंड वन, डिफेंड वन, यहाँ तक कि RC20 में भी यही फील्डिंग सेटअप है, थोड़ा सा अलग है यहाँ से, जो लेग साइड में एक फील्डर है उसकी जगह RC20 में दो फील्डर होते हैं। कीपर के सर के ऊपर से निकल गई शॉर्ट पिच, कीपर रोक नहीं पाए धोनी, और वाइड भी दिया है, वार्निंग भी दी है, शॉर्ट बॉल रीच भी पूरा हो गया है, अब अगली गेंदें नौ बॉल देंगे भाई, पिटना चालू मेरा। जब सबसे पहले अपने कलर के बाल का रंग चेंज करो। मुकेश भाई बोल रहे हैं कौन सी गेम है, गेम का नाम है भाई ईए क्रिकेट 2007। थोड़ा सा स्विंग कराएंगे अब, अंदर स्टंप्स पे हिट करना चाहते हैं, एक आध झटका देना चाहते हैं इनको। मंत्रा बधेका यहाँ पर आते हुए, भाई ये गेम कैसे डाउनलोड करना है, इस गेम को डाउनलोड करने के लिए आपको मुझे यार इंस्टा पे मैसेज करना होगा, पर प्लीज़ इतना रिस्पेक्ट रखना कि आप एटलीस्ट चैनल पे लाइक किए होने चाहिए यार, एटलीस्ट फेसबुक पे भी करोगे तो भी चलेगा। सीधी गेंदे, यॉर्कर, हाँ यॉर्कर ट्राई नहीं की मैंने, पैरों पे डाल रहा हूँ, RC20 में तो डेंजर गेंद होती है ये वाली। यहाँ पर छक्का, भाई ये ओवर बर्बाद होता हुआ, मतलब लग रहा है कि शायद पहली बैटिंग लेने वाले को थोड़ा सा फायदा होता है, शायद पहली बैटिंग लेने वाले को शायद थोड़ा सा फायदा होता है, यहाँ पर तो निराश दिख रहा हूँ मैं, काफ़ी निराश लग रहा हूँ। और कुछ कुछ टीमों की किट भी नई है, जैसे कि आप इंडिया की किट देख रहे हो, रियल वाली किट से थोड़ी सी अलग है, तो कुछ कुछ टीमों की किट अलग है। जिम्बाब्वे की मैंने जानबूझ के बदली नहीं, मुझे ज़रूरत लगी नहीं जिम्बाब्वे की, जिम्बाब्वे का अच्छा लग रहा है कपड़ा यही, ये मैं RC20 वाली गेंद डाल रहा हूँ। थोड़ा सा साइड बदला, राइट आर्म राउंड, एक और ऊंचा शॉट, गैप में दूसरा चौका, भाई पिट गए, ये ओवर पिट गया भाई, ये ओवर पिट गया, पता नहीं दूसरा ओवर मिलेगा कि नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने आउटस्विंग का ऑप्शन ही नहीं रखा, पता नहीं क्या सोच के मैंने ऐसा प्लेयर बनाया, मैंने आउटस्विंग का ऑप्शन ही नहीं रखा। फिर से वही क्रॉस गेंद, सेम शॉट नहीं, थोड़ा सा इस बार बाहर है कवर के हिस्से में एक रन के लिए। RC20 बुरी तरह से इंस्पायर्ड है इससे भाई, नहीं ये गेम अच्छा था, ये तो इस गेम ने तो एक्चुअली स्टैंडर्ड रखा है भाई, इस गेम ने सारे स्टैंडर्ड रखे हैं,
उसी के कारण सारी गेम्स कहीं ना कहीं इससे थोड़ा बहुत इंस्पायर देखने को मिलेगी आपको। कोई भी गेम लास्ट ओवर करने अभी आ गया मैं, मुझे लग नहीं रहा है कि मुझे लास्ट ओवर करना चाहिए, पिट जाएंगे। लेकिन गेंदबाजी ओवरऑल अच्छी हुई है, 7 ओवर में सिर्फ 43 रन बने हैं, तो देखो बैटिंग में क्या कमाल होता है। गैप में चौका, बहुत ज़्यादा अंदर दे रहा हूँ मैं गेंद। नए लोग जो इस बीच जुड़ते हुए, भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। कुछ अलग करने की कोशिश की है, क्योंकि आप अगर देखोगे तो ये गेम आपको मतलब इस तरह का गेम प्ले करियर मोड कहीं देखने को नहीं मिलेगा ये क्रिकेट में, जिसमें हम सिर्फ गेंदबाजी कर रहे हैं और बैटिंग का हिस्सा हमारा कर रहे हैं। फिर से कवर पर से चौका, भाई पिट रहे हैं बहुत बुरी तरह से, मुझे ही टारगेट कर रहा है ये प्लेयर और किसी को नहीं कर रहा। फील्डिंग भी थोड़ा सा ख़राब है, फील्ड दूर देता हूँ गेंद। अब कहाँ पे मारेगा, पॉइंट पे करेगा लग रहा है। अरे यार ये फील्डर रेंज में ही नहीं है, कस्टम फील्डिंग लगानी पड़ेगी। फुल लेंथ बॉल डालो, चौका खाओ। अच्छा चौका खाने का सजेशन है, मुझे लगा मैं फुल लेंथ गेंदें कब से तो डाल रहा हूँ, उस पर तो विकेट मिलनी नहीं। पेस बढ़ाया इस बार और कैच का कॉल, पहली विकेट इंटरनेशनल लेवल पे आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में। यहाँ पर खाता फाइनली खुलता हुआ विकेट का, लेकिन कीमत बहुत ज़्यादा देनी पड़ी, सबसे ज़्यादा पिटाई हुई है। अंशुमन कह रहे हैं बस जिम्बाब्वे को रोकना है। हाँ भाई जिम्बाब्वे एक्चुअली 2-2 मैच जीत चुकी है, तो जिम्बाब्वे इस समय टेबल में सबसे टॉप पर है। बिल्कुल भाई, कार्डर एंड डिसूजा भी कह रहे हैं बिल्कुल भाई, इनको हराना होगा, सिंपल सा फंडा है इनको। हरे यार ये मस्त गेंद है, शायद क्रॉस खेलेंगे मज़ा आ जाएगा, प्लीज़ देखना होगा। पेस बढ़ाऊँगा 50-60% जितना। अरे यार रेंज में ले लिया शॉट, छक्का जड़ दिया। लेंथ बॉल मत करो, आयुष्मान शर्मा कह रहे हैं। अरे यार मैंने तो सुना था पैरों पे डालने पे विकेट मिलता है। अच्छा एक गेंद बाकी है अभी, प्लीज़ भाई एक विकेट तो बनता है। पेस कम इस बार, पेस कम, सामने मारे तो अच्छा है। अरे फिर से वही पोजीशन पे भाई, पूरा मैच पलट दिया यहाँ पर। 9 बॉल डालने को करें, 9 बॉल नहीं डालना यार, इसमें 9 बॉल से क्या मिलेगा गेमिंग। अरे ये कह रहे रन मशीन, मैं कह रहा हूँ मेरे को ही मार रहे हो तुम लोग, और कोई नहीं मिला मारने को। और ऐसा लग रहा है मैं कब से गेंद कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है। अब हम रिज्यूम नहीं करेंगे, हम एंड ऑफ द ओवर करेंगे, सिराज को ओवर ही नहीं दिया। 67 है, 2 ओवर का खेल बाकी है, देखते हैं कितने रन जोड़ के जाता है। 85 के अब मत देना, 75 पे 3 इंडिया ने रोका है यहाँ पर। आखिरी 2 ओवर में लगभग 12 या 13 रन आए हैं यहाँ पर। शॉर्ट पिच डालने को कह रहे हैं भाई, नेक्स्ट टाइम फील्डिंग सेटअप सही करेंगे, गड़बड़ हो जाता है यहाँ पर, नेक्स्ट टाइम गड़बड़ हो जाता है यहाँ पर। कंटिन्यू करूँगा मैं रिज्यूम, बैटिंग में तो फिक्स ही है, हिटमैन के साथ आऊँगा मैं। ये सिर्फ आपकी ही पिटाई कर रहे हैं भाई, यहाँ स्कोर कार्ड नहीं दिखाया आपको, रुको हम ये मेरी पिटाई कर रहे हैं, उनको मालूम है ये करियर मोड है। बॉलिंग स्टेटिस्टिक्स, मैंने 2 ओवर में दिए 40, उसके बाद सबसे ज़्यादा पिटाई हुई है बुमराह की, 2 ओवर में 13, भुवी कुमार रहे हीरो 2 ओवर में सिर्फ 3 रन, सिराज ने 1 ओवर में 2 रन, पंड्या 1 ओवर में 6, अश्विन 2 में 10। भाई जबरदस्त, मतलब ये 40 रन हटा दो तो सिर्फ 36 रन दिए हैं। एक चीज़ और क्लियर हो गई कि नेक्स्ट टाइम हम लोग लेवल 3 डिफिकल्टी में खेलेंगे, 2 में नहीं। एट इज बॉलिंग, ऊंचा शॉट भाई, इस बार बैटिंग में कमाल करना है, लास्ट टाइम गड़बड़ हो गई थी यार। 4 से शुरुआत इंडिया की जिम्बाब्वे के सामने, 4 से शुरुआत। जो टीम जीतेगी टॉप 4 में रहेगी, वो सुपर 8 जाएगी खेलने। अरे गया, अबे रन मत दौड़ा, पता नहीं कैसे इतना तेजी से शॉट मारते, गेंद वहीं का वहीं पता नहीं कैसे रुक जाता है यार। आयरलैंड टॉप में है, 2 मैच जीता। अच्छा आयरलैंड टॉप में है, जिम्बाब्वे 3 पे थी ना शायद, न्यूजीलैंड 4थे पे थी। ओके, गड़बड़ हो गई, हिटमैन को आउट करा दिया मैंने। वाओ आई एम इन इट, अच्छा नीचे लिखा रहा है वाओ आई एम इन इट। विराट कोहली का ये टारगेट है, लास्ट टाइम 0 पे आउट हुए थे, इस बार संभल कर। गैप में शॉट, चलो भाई खाता खुला इस बार। मुझे डर लग रहा है सीरियसली, मतलब 0 पे आउट ना होने का डर लग रहा है, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ खेल रहे हैं हम लोग और रनआउट नहीं कराना चाहते। कोहली तो गुस्से में देख रहे हैं कि बंदे ने मुझे लास्ट टाइम रनआउट कराया था, इसकी ऐसी की तैसी। आई ये बैक फुट शॉट नहीं था, फ्रंट फुट जाना था, किनारा लग सकता था शायद। संभाल के खेलना है। हाँ भाई सबसे बड़ा डर ये है कि जो बड़े शॉट लेते हैं हम लोग, वाओ आई एम इन इट, ये कौन आ रहा है, ये क्यों लिखा रहा है वाओ आई एम इन इट।
कुछ नाम में गड़बड़ लग रहा है मेरे को। अच्छा गेंदबाज का नाम वाओ आई मिनट है, ऐसा ही कुछ है। ए चार 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 चार, चलो भाई बैकफुट काम आता हुआ। अरे रोक लिया, दो रन आ रहे हैं, सही है भाई। ध्रुव पटेल फाइव स्टार में खेलते हैं भाई, हम लोग धीरे धीरे बढ़ाएंगे यार, लाइव स्ट्रीम चल रहा है और हम रेगुलर हैं नहीं यार इस गेम में। रेगुलर होते तो पक्का खेलते हैं, रेगुलर होना इंपॉर्टेंट है यार। रेगुलर रहो तो पाँच स्टार क्या, मतलब छः स्टार में खिला दो तो भी चलेगा। ऊंचा शॉट की हिम्मत की है यहाँ पे, दो की हिम्मत भी करते हुए सिर्फ दबाया है। हाँ सिर्फ चलता तो है, सिर्फ चलता तो है यहाँ पर। यहाँ पर थर्ड मैन पे खेलने को कह रहे हैं उमेर वर्क, भाई थर्ड मैन देखना पड़ेगा क्या पोजीशन है। कोहली देखो कैसे देख रहा है, बोला तू ही है ना, तू ही है ना वो बंदा जिसने लास्ट टाइम मुझे रनआउट कराया था, और मैं आंखों से मिला ही नहीं रहा उनके आंख। रोहित शर्मा को मिला डायमंड डक, हाँ यार। कायल जारविस आएंगे गेंदबाजी करने, मैंने स्टम्प्स को थोड़ा सा ओपन किया है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ थोड़ा सा ऊँचा गेंद देंगे ये। नहीं नहीं गलत हूँ, ग्राउंड शॉट। ठीक है कोई नहीं, हर गेंद पर लॉफ्टेड मारना सही नहीं है, और अभी रन भी थोड़े ठीक ठाक हैं, आराम से कर लेंगे हम लोग, एआई तो है ही। हाँ ये मस्त गेंद है, अरे नहीं नहीं वापस वापस वापस, ये गलती बहुत हो रही है, ये गलती बहुत हो रही है मेरे से, ये गलती बहुत हो रही है मेरे से कि मैं बल्ले पे नहीं लगती फिर भी मैं रन दौड़ा देता हूँ। डी से खेलने को कह रहे हैं भाई, डी वाली गेंद नहीं आ रही। मैं डी से तब खेलूंगा जब स्टम्प्स को टारगेट नहीं कर रही होगी गेंद, अभी हर बार गेंद स्टम्प को टारगेट कर रही है और थोड़ा सा आगे भी आना चाहिए तब मैं आगे बढ़ूंगा। अभी ये देखो, अब इस गेंद पे मैं आप उम्मीद नहीं कर सकते यार, उसको देखो आगे ही नहीं जान दे रहा, गेंद डॉट ही नहीं जान दे रहा। कम ऑन यार, एक सिक्स बनता है। कहाँ जा रहा है स्क्वायर, कहाँ जा रही है गेंद, रनिंग क्विक रखनी होगी। दो रन, यू आर प्लेइंग विद ऑल प्लेयर्स, नहीं भाई जब तक मैं मैदान पर रहूँगा तब तक खेलना पड़ेगा, जब तक मैं मैदान पर रहूँगा मुझे सबके साथ खेलना पड़ेगा, ये है क्योंकि इसमें कोई और ऑप्शन है नहीं। गैप चाहिए, गैप नहीं मिलते। थोर का जारविस बॉलिंग कर रहा है, थोर नहीं भाई आयरन मैन, क्या यार गड़बड़ करवा रही। डी वाला भाई, हाँ डी वाला रुको, क्या लो भाई डी वाला शॉट, खुश चौका लगा दिया भाई। कोहली पिछले मैच का बदला ले रहा है पूरा, रिप्ले बहुत ज़बरदस्त, मज़ा आ गया शॉट मार के। कोहली आपको बैन स्टॉक्स बोल रहा है भाई, मैं ये देखो मेरा एक्शन देखो, आंखें देखो मेरी जैसे वो धोनी ने सिक्स मारा था ना, कि वो कोहली ने ऐसे सिर पकड़ लिया था जब ऑस्ट्रेलिया के सामने खेल रहे थे, वैसा ही फीलिंग आया। मैं आया हूँ बैटिंग में, देखो क्या होता है इस बार। सर के ऊपर से, अरे ये कहाँ से आ गया, रन भी नहीं दौड़ा मैंने, गजब। इसमें भी आर सी 20 तो नहीं, लेकिन क्रिकेट 19 जैसा घोष बन जाता है प्लेयर। डी के साथ खेलने में मजा आता है लेकिन रिस्क बहुत है यार, रिस्क बहुत है। सिक्स की कोशिश है, सफलता, पुल शॉट। एक चीज मैं मिस कर रहा हूँ, वो कमेंट्री इंग्लिश वाली भाई, वो भी जबरदस्त है इस गेम में, बहुत बहुत परफेक्ट, मतलब बहुत आवाज बहुत परफेक्ट है उनकी, निकोलस की। और गेम के एनिमेशन देखिए, 2006 की गेम होने के बावजूद, मेरे ख्याल से 2005 में काम करना शुरू किया होगा, 6 तक बनी थी, 6 में लॉन्च हुई होगी, क्योंकि जैसे 2022 की गेम 2021 में लॉन्च होती है, तो अभी 2007 नाम से लॉन्च हुई तो शायद 2006 में हुई होगी। 21 पर एक, उसमें 14 रनों का योगदान हमने दिया, मैन ऑफ द मैच कौन बनेगा, इसमें होड़ लगी है सबकी। अरे एडवांस शॉट मिस करते हुए, 8 गेंदों में 14, अच्छी बैटिंग कर रहे हैं अभी। 76 का टारगेट है, 10.5 का इकोनॉमी, 7.5 से थोड़ा सा ज़्यादा। अरे एडवांस नहीं करना था, गलती की, बहुत बड़ी गलती कर दी। 19 पर, अरे यार 19 क्या, मेरे को बार बार टी शर्ट का नाम याद आ जाता है। 21 पर 2, संगीत गॉन। अच्छा इस बंदे का नाम ही है वाओ इट ऐसा कुछ करके नाम है, इस गेंदबाज का नाम ही ऐसा है। बोल्ड हो गए, अब ऑटो प्ले होगा जैसा आप लोग कह रहे हो कि मैं सारे प्लेयर के साथ खेल रहा हूँ, ऐसा नहीं है भाई, मैं सबके साथ नहीं खेल रहा, पर जब तक मेरा प्लेयर है तब तक तो खेलना पड़ेगा। 35 पे 3, 5 ओवर में, अरे धाम हो रहा है, मैं फॉल ऑफ विकेट देख रहा हूँ गेम प्ले। 77 हो गए भाई, 77 पे 3, ये कौन है, यादव है क्या, पता नहीं कौन है, ये कौन है। हार गई भाई न्यूजीलैंड, अरे न्यूजीलैंड के बाद जिम्बाब्वे भी ये मैच हार गई है, इंडिया दोनों मैच जीत चुका है। इंटरेस्टिंग होगा आगे देखना कि आगे क्या प्लान बनता है।
कैसे नागिन डांस कर रहा है बॉलर नागिन डांस ही है भाई स्टेटिस्टिक्स। अरे लास्ट गेंद पे, लास्ट बॉल पे भाई एक गेंद रहते हुए जीती है, 24 रन मारे, 13 गेंदों में 24। एमएसडी का जादू चला है, ऋषि पंत का जादू चला है, दोनों खेल रहे हैं साथ में। कोहली थोड़े से निराश किए, 20 गेंदों में 13 लगा के गए। उसके अलावा मैंने 9 में 14 किए। हिटमैन को तो गोल्डन डक मिल गया, तो पैसे बर्बाद। इंडिया के 3 विकेट गिरे थे ना, इंडिया के 3 विकेट गिरे भाई। सही खेली टीम, बढ़िया खेली, जीत गए। मैन ऑफ द मैच मुझे मिलता हुआ। अच्छा हाँ, विकेट भी ली थी ना मैंने, 14 रन बनाए और एक विकेट भी लिया मैंने, उसके लिए मुझे मैन ऑफ द मैच दिया। ऐसा ही है, इसको देखो भाई, ये हमेशा करना आप गेम में, टूर्नामेंट को जाके हमेशा सेव करना, उसके बाद पीछे जाना, क्विट करना, माई क्रिकेट में जाना, लोड सेव और प्रोफाइल पर भी सेव करना। एक बार बैक हो जाओ, लोड पर आ जाओ, प्रोफाइल पर जाओ और टूर्नामेंट को लोड कर लो। ये चीज़ आप हमेशा करना भाई, जब भी ये गेम खेलो। अगली टीम आ रही है हमारी आयरलैंड। करंट स्टैंडिंग में मैं ग्रुप सी में हूँ और इंडिया नंबर 1 पे आ चुका है। नेट रन रेट का सिर्फ 0.40 का फर्क है। स्विफ्ट दबा के, स्विफ्ट नहीं भाई, स्विफ्ट। और हाँ भाई, मैं वैसे ही खेल रहा हूँ एस दबा के, मैंने लास्ट टाइम गलती से डी दबा दिया था। टीम में बदलाव हो, अरे मेरे को आज पहली बार टीम में जगह दे दी बिना बदलाव आए। स्वैप होंगे जडेजा के साथ, नहीं सॉरी जडेजा के साथ। धोनी कहाँ गए भाई? धोनी को इतना नीचे क्यों रखते हैं ये लोग, पता नहीं क्यों इतना नीचे रखते हैं उनको। मेरे ख्याल से उनको लगता है कि विकेट कीपर हैं खाली, वो उनका रोल नहीं समझ पाते कि वो फिनिशर है भाई इस गेम के। लास्ट का मैच जिता दिया। सब लोग लाइक करो, सुहास कह रहे हैं हाँ यार प्लीज़ लाइक करो। लास्ट टाइम कौन इन हुआ था? सूर्य कुमार यादव थोड़ी ना थे, सूर्य कुमार यादव नहीं थे भाई, कोई और था, रविंद्र। अच्छा गेंदबाज में थे, सिराज इन हुए थे। ठीक है, मैं इस बार गेंदबाज नहीं ले रहा, इस बार बैट्समैन के साथ जा रहे हैं हम लोग। इंडिया दोनों जीता है पर आपने दोनों में कंट्रीब्यूट नहीं किया। अरे मैन ऑफ द मैच जीता भाई मैंने। केएल राहुल भाई, केएल राहुल को बाहर रहना पड़ेगा यार, रवि यादव को मिल रही है जगह। नेक्स्ट मैच में देखते हैं राहुल को। गिल भाई, गिल तो हैं भाई लेकिन अब क्या करें, गिल मिडल ऑर्डर में सेट होते हुए अच्छे नहीं लगते, या तो ओपनिंग में आए तो बात बने। फिर वही मैच है, बार बार उसमें ही मैच हो रहे हैं सारे के सारे। डिफिकल्टी बीच में सेट करने का ऑप्शन नहीं आता, नहीं तो मैं पक्का 3 डिफिकल्टी कर देता, गारंटी। टॉस जीता है, बैटिंग करेंगे इस बार पहली। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है तो वो यार, वो गलत शॉट ना लगाओ, बस वही मेन है। बैटिंग भाई मेरी कुछ खास नहीं जा रही, बॉलिंग भी कुछ खास नहीं जा रही, तो बैटिंग मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि मुझे बैटिंग इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। मेरे को बैटिंग हाल फिलहाल बैटिंग इम्प्रूव करनी है, गेंदबाजी की लाइनअप थोड़ा सा बेहतर करने की ज़रूरत है। चलो पहली गेंद, इस बार थोड़ा सा बेहतर टीम आया आयरलैंड, जिम्बाब्वे से थोड़ा सा बेहतर लग रहा है रैंकिंग में भी और परफॉर्मेंस में भी। अरे लेट कट की कोशिश, मात खाते हुए। मैं टाइमिंग मीटर ऑन कर दूं तभी गेम प्ले इम्प्रूव होगा। गेम प्ले ऑप्शन रडार, वहाँ बैटिंग टाइमिंग गॉच, बैटिंग स्पीड स्लो कर दे रहा हूँ मैं, किलोमीटर पर आवर कर दे रहा हूँ मैं। थोड़े एनिमेशंस इन्जॉय करना चाहते हैं हम लोग, ऐसा फील आए कि हाँ भाई कुछ चल रहा है यहाँ पर। भाई मैंने पूरा शेड्यूल डाल दिया है, प्लीज़ यार, और चैनल पर प्लीज़ यार आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें यार, नहीं तो फिर ऐसे ही सवाल आप पूछते रहेंगे हर रोज़ कि लाइव स्ट्रीम क्या है, लाइव स्ट्रीम क्या है। मैंने पूरा शेड्यूल डाल दिया है। और लॉफ्टेड शॉट, छक्का, इंडिया का रन बनाने का खाता 6 से खुलता हुआ। हम बेचारे गेंदबाज यहाँ पर। आयरलैंड का कपड़ा मैं देखूंगा, बदल दूंगा शायद। पैसे दे के मैन ऑफ द मैच जीत लिया, हाँ ये खुफिया मेरी खबर सारी लीक कर रहे हैं ये, पैसे दे के भाई। हाँ एक विकेट लिया, एक विकेट के कारण मिला मुझे मैन ऑफ द मैच पिछली बार, सीरियसली। और कुछ मैंने मुझे भी नहीं मालूम कैसे मिला मुझे, पॉइंट पर से चौका। हाँ भाई थोड़ा इंप्रूव करो ताकि नेक्स्ट बार हम लोग डिफिकल्टी बढ़ा के खेलें। अरे फील्डर आ गया, रोक लिया गेंद, हिटमैन बोले चलो कम से कम आज डायमंड डक नहीं मिल रहा। ओल्ड जर्सीज क्यों है भाई? नई जर्सीज में प्रॉब्लम हो रहा था थोड़ा, नई जर्सीज में और भी इश्यूज आ रहे थे तो मैं फंस गया था। एक्चुअली मैं रखना ही नहीं चाहता था, कोई जर्सी नहीं रखना चाहता था। छक्का, इस बार धोएगा, आइडियल शॉट, टाइमिंग देखो भाई। श्रेया कुमार कह रहे हैं फास्ट में रखो भाई, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, वो बीच में जो एनिमेशंस आते हैं वो बस थोड़े से आते हैं। अभी असली में फ्री हिट होती रियल में अगर अभी का मैच होता, अर्ली टाइमिंग खेल रहा हूँ। इसके बाद पक्का भाई, इसके बाद जो टूर्नामेंट जब भी करेंगे ना, इससे बड़ी वाली टूर्नामेंट करेंगे। मैं थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ क्योंकि आज फाइनल भी खेलना है हमें इस टूर्नामेंट का। हिटमैन शर्मा ने पिछले 2 मैच का बदला
पूरा वसूली के साथ लिया, एडवांस शॉट में भी चौका आ गया भाई, रिदम आ गया काफी हद तक। डीजे जॉन कह रहे कोच बन गए मेरे। हाँ भाई, पहले दो मैच के बाद मुझे जरूरत पड़ गई है कोच की। गेम का नाम क्या है, ऑल कॉमेडियन पूछ रहे हैं। गेम का नाम है ईए क्रिकेट 2007। एक और टाइमिंग आई, आइडियल जा रहा है, तब तक कोई इश्यू नहीं है। और ये सारे रन शर्मा के बल्ले से बन रहे हैं, मेरे बल्ले से नहीं बन रहे, पहले ही बता दूं। मैं पूरी टीम को कंट्रोल कर रहा हूँ। नहीं भाई, मैं जब तक मैं खेल रहा हूँ तब तक, और फिर बैटिंग डिपार्टमेंट। अरे नहीं नहीं, रन मत दौड़ना सबसे इंपॉर्टेंट ये है। अरे शॉनली बोल रहे हैं कि आप कह रहे हो कोई जर्सी नहीं रखना चाहते, मतलब नंगे लाने चाहते हो क्या? नहीं भाई, जर्सी नहीं रखना चाहता, मतलब जो डिफॉल्ट जर्सी आती है उसके साथ खेलना चाहता था मैं। काश मोबाइल में भी पीसी जैसी गेम खेल पाते भाई। मोबाइल के गेम कम नहीं है यार, ग्राफिक में बस थोड़ा सा मार खाते हैं। ये तो भाई मतलब पीट दिया, रौंद दिया। इस मैच में 50 मारना बॉलिंग में। अच्छा, गेमिंग आर सी अलग ही लेवल पे कमेंट करते हुए। शर्मा जी वड़ा पाव खा के हैं। नहीं, आज का कुछ अलग लग रहा है पिछले यार, मैं भी मार रहा हूँ। मेरे और शर्मा जी में रेस लग रही है भाई। क्या लगता है कौन ज़्यादा रन बनाएगा आज? शर्मा जी ज़्यादा बनाएंगे कि आप लोग कमेंट कर दो भाई। शर्मा की संगीत कौन करेगा भाई यहाँ पे? कौन ज़्यादा रन बनाएगा, शर्मा या संगीत? देखना, संभल कर भाई, ये गेंदे अच्छी डाल रहे हैं। हाँ, गैप में एक रन, दो का कॉल है। अच्छा, ऊपर लिखा जाता है कि दो रन लो। देखो ऊपर लिखा आ रहा है, लेफ्ट साइड में सबसे टॉप पे लिखा आ रहा है कि एक रन लो या दो रन लो। अभी तो रेस जमी हुई है भाई। संगीत ज़्यादा मारेगा कि शर्मा? आरआर कह रहे हैं, आरआर सही जा रहा है अभी। अच्छा, रन रेट सही जा रहा है। हाँ, मुझे लगा धवन राज ज़्यादा रन बनाएंगे। भाई धवन नहीं है मैच में, कहाँ यार। एक तरफ हिटमैन है, दूसरी तरफ मैं हूँ। कमेंट देखते हैं। कमल हैदर कह रहे हैं शर्मा जी मारेंगे। वाह भाई, इज इट अ पूल मैच, लास्ट पूल मैच? मेरे ख्याल से अगर डबल हेडर होगा तो नहीं, अगर सिंगल हेडर होगा तो मेरे ख्याल से हाँ, अगर 2007 का शेड्यूल है तो शायद हाँ। अबे सब लोग शर्मा कह रहे हैं, शर्मा मारेगा, अधिकतर लोग शर्मा कह रहे हैं। चलो सही है भाई, विश्वास है। हम तो नए प्लेयर हैं भाई, हमको कहाँ गया शर्मा? लो भाई दाव हो गया। अच्छा शॉट था, यूनिक शॉट था, ऐसा शॉट अभी तक नहीं लगाया था यहाँ पर। शाहिद उमन कह रहे हैं नेवर जज हिटमैन। भाई हाँ, वो बात तो है, लेकिन मज़ा आता है ऐसा गेम प्ले करने में कि दोनों प्लेयर के बीच में रेस लगी हुई है, जो ज़्यादा रन मार जाए वो आगे। आज हिटमैन अनलकी रहे, यहाँ पर कैच आउट हो गए हैं स्क्वायर लेग के हिस्से में, काफ़ी गुस्से में है। पर इस बार मेरी गलती नहीं है यार, इस बार अपनी गलती से आउट हुए यहाँ पर। मोबाइल में RC20 WCC3। संगीत इज बेस्ट टू मेक रन। अब आए हैं कोहली, इनको भी मैंने रन आउट कराया है, मतलब जितने लोगों के साथ मैंने खेला है सबको रन आउट कराया है। ये शॉट भी मिस हुए हैं थोड़ा सा, चलिए पहले गिर गया, तब तक कोई इश्यू नहीं, दो रन सेफली निकालेंगे। राइट एंगल कहने जान बूझे क्या? नहीं यार, सीरियसली नहीं भाई, सही में भाई, मैं अलग शॉट लेने की कोशिश में हूँ इस वक्त। दो ही भी प्लेयर आएगा, मैं वो ध्यान नहीं दे रहा। ये देखो, ये वाला शॉट लिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बार तो मिस ही हो गया पूरा। विराट ज़्यादा मारेगा, चलो मज़ा आएगा भाई, देखते हैं। ज़्यादा आगे नहीं गए हम लोग। विराट अभी भी वापसी कर सकते हैं आराम से, आठ बस थोड़ी 7-8 गेंद लगातार खेलनी होगी उनको। ये शॉट खेला था भाई मैंने, देखो चौका लगा इस बार, वन बाउंस। म्यूज़िक कह रहे हैं निमिश भाई, अच्छा म्यूज़िक भाई, हाँ नीलेश पांडे कह रहे हैं। रॉकस्टार आज डाउनलोड करेंगे भाई, आपको पता ही नहीं WCC3 RC20 के बारे में? शौक लगा मेरे को यार, लेट कट का कोई शॉट नहीं है ना इस गेम में। ऊंची गेंदें दे तो लगाऊं मैं एक आध। नहीं, थोड़ा ऊंचा चला गया है, कैच ड्रॉप हुआ। अरे बच गए। संभाल लेना। दो रन भाई, एज लगी थी, अपर एज लगा था, बहुत अजीब सा शॉट था, वहीं के वहीं रुक गया। और कीपर ने पता नहीं क्यों कीपर को जाना पड़ा, बल्कि जाना चाहिए था वो फील्डर को जो खड़े थे नीचे। अभी तो मैं हर बार लॉपटेड खेल रहा हूँ, ये भी मैं बता दूँ आपको, हर गेंद पे लॉपटेड खेल रहा हूँ, सिवाय यॉर्कर एक ऐसी गेंद है जिससे मैं श्योर नहीं हूँ क्या शॉट लूँ, बाकी तो हर गेंद पे मतलब दम दमा के शॉट लगा रहे हैं। अब आया हूँ मैं बैटिंग करने, 56 लगा चुका है इंडिया इस वक्त स्कोर कार्ड पे, 50 का मौका है।
लूज शॉट लेकिन गैप में है, चार का चांस होगा, शायद फील्डर रोक लेगा, रोक लिया। निशांत लाहिरी कह रहे हैं उनके पीसी का ये पहला क्रिकेट गेम था। भाई हम में से ऑलमोस्ट 90% लोगों का, मतलब जो लोग अब 10 साल से छोटे हैं उनका मुझे पता नहीं, जो 10 साल से छोटे हैं उनका पता नहीं, पर जो 10 साल से बड़े हैं उनका ऑलमोस्ट यही गेम रहा होगा, नहीं भी रहा होगा तो आज जाके डाउनलोड करना। कैच नहीं, पहले गिर रहा है, चार जा रहा है। एमएसडी के साथ खेलो भाई, उसके लिए कोहली को आउट होना पड़ेगा, उसके लिए बाकी के सारे प्लेयर्स को आउट होना पड़ेगा, मतलब दो विकेट्स और गिरेंगे तब कुछ बात बनेगी। देखो किस्मत रही तो एमएसडी के साथ फिनिश करने का मौका मिलेगा। वापस। ओए अपील, थर्ड एम्पायर बच गए। सबसे बड़ा इसमें डर यही है भाई, सबसे बड़ा डर ये है कि एजिस लग के गलत दिशा में ना जाए। फिर से उसी दिशा में खेला है, फील्डर वेट कर रहे हैं, ये भी RC20 की औलाद है शायद। इसमें भी कैच ड्रॉप नहीं, कैच ड्रॉप होता है। मैं चला गया भाई पवेलियन, अब धोनी के साथ खेलने का सपना अधूरा रह गया। आयरलैंड को मिल गई है सफलता और आ रहे हैं ऋषि पंत, मैं करूँगा ऑटो प्ले एंड ऑफ द इनिंग्स। 115/3 भाई, मुझे लग रहा है ऐसे ही जीत गया इंडिया, मैं स्कोर कार्ड अंत में दिखाऊंगा एक साथ, अभी के लिए हम लोग थोड़ा सा फास्ट भाग रहे हैं क्योंकि असली गेम प्ले पता है कब आने वाला है, असली गेम प्ले तब आएगा जब सुपर हिट चालू होगा तब। 87 रन करने हैं भाई, ये तो गई टीम। चल भाई आ जाओ गेंदबाजी करो, इस बार फील्डिंग थोड़ी सही लगाएंगे हम लोग, लास्ट टाइम मैंने ये गलती कर दी थी, लास्ट टाइम मैंने फील्डिंग नहीं लगाया था सही, उस समय सही लग रहा था लेकिन मैं बदल नहीं रहा था। कस्टम का ऑप्शन कैसे आता है, रुको, ये ठीक है, ये फील्डिंग ठीक लगी, नॉर्मल 8 है ये फील्डिंग का नाम, ठीक है। वाइड यॉर्कर RC20 की ट्रिक नहीं, मतलब एक वन ऑफ द फाइनेस्ट गेन RC20 का जो काम आ जाता है आपके। वाइड दे दिया यार, ये तो प्लान चौपट। वाइड डालने के कारण मेरा वो चला गया, कहते स्पेशल भी चला गया पावर, पेस थोड़ा सा कम। ये पहली वाली ट्राई कर रहे हैं स्ट्रेटेजी जो पहले मैच में ट्राई की थी, कवर पे जाएगी गेंद, 2000 के ऊपर के चला गया लाइक भाई, सही में थैंक यू गाइस। लेकिन यार मुझे मालूम है थोड़ा सा मेरे ख्याल से आप में से कई लोग शायद डिसअपॉइंट हैं इस गेम से, पर यार कुछ अलग करना चाह रहे थे, एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं हम लोग, आपको पता है यार नई गेम नए तरीके से, पुरानी गेम्स भी ला रहे हैं तो नए तरीके से लाने की कोशिश कर रहे हैं। स्पेशली भाई इसके लिए भी मैं एफर्ट लगा था क्योंकि मैं चाहता तो डायरेक्ट गेम कर सकता था, तो मैंने पहले इसका सर्च करके इसका नया टी शर्ट लोगो डाउनलोड किया, उसके बाद फिर से इसको इंस्टॉल किया क्योंकि लास्ट टाइम जो मोड था वो पूरा IPL का मोड था, तो वो अब मिट गया मेरा, मुझे पता नहीं कैसे उसको लाना है वापस। और आपने अगर लास्ट वाला गेम मोड देखा होगा तो उसका लुक भी अलग था, UI भी पूरा अलग था। यहाँ अच्छी गेंदबाजी हो रही है, रन आसानी से बना नहीं पा रही, ऑलरेडी हालत ख़राब है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि आज लगता है पहला कब हम ये क्रिकेट 2007 में जीत के रहेंगे। कंट्रोल की बारी है, थोड़ा सा दूर रखना चाहते हैं, राउंड द विकेट ओवर द विकेट का प्रॉब्लम है थोड़ा क्योंकि लेफ्टी के सामने एंगल बन सकता है। एच वाह भाई सही है शॉट, ये शॉट का कब से वेट कर रहा था मैं कि लेट कट शॉट कब लगेगा। शॉट आउट दे दो, शॉट आउट क्या होता है यार, मैं भाई अपडेट कर रहा हूँ पर मुझे डर लगता है इस गेम में, तो मैच पूरा हो जाएगा गेम हम सेव कर लेंगे उसके बाद मैं बैक में जाके लाइव गोल बदलूंगा, उसके पहले नहीं, क्योंकि क्या होता है ये गेम अब धीरे धीरे सपोर्ट नहीं कर रहा लेटेस्ट OS को, यानी थोड़ा बहुत इश्यू आ जाता है, जितना आप मोड करोगे उतना इश्यू आएगा, तो इस कारण से अगर आप बैकग्राउंड में जाते हैं तो कई बार गेम क्लोज हो जाता है, कई बार मतलब हर बार नहीं पर कई बार हो जाता है, जैसे 7-8 बार में से एक बार हो जाएगा। कैच नहीं, छक्का जड़ दिया, मुश्किल तो है ही, डिफ़िकल्टी बढ़ाएंगे भाई नेक्स्ट गेम में, नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट टूर्नामेंट में, अब इसमें तो बदल नहीं सकते, अगर बदल सकते हैं तो बताओ मैं बदल दूँ। अभी मैं एंड ऑफ द इनिंग कर रहा हूँ, ये तो हार कोई चांस ही नहीं है इनका, तो स्टेटिस्टिक्स देख लेते हैं। बैटिंग कार्ड इंडिया का सबसे पहले कौन अच्छा खेला, 30 में 44, कोहली, मैंने कहा था ना कोहली आगे निकल जाएगा, कोहली आगे निकल गया 30 में 44, यादव आए 6 में 16 करके गए, लास्ट में बची खुची कसर भी पूरी कर दी। पंत थोड़ा सा डाउन रहे, यहाँ पे 7 गेंदों में सिर्फ 4 बना पाए। मैन ऑफ द मैच किसको मिल रहा है वो सरप्राइज है, अभी गेंदबाजी देख लेते हैं फटाफट। बॉलिंग में एक बार फिर मैं सबसे ज़्यादा पिटा हुआ हूँ, 1 ओवर में 13 दे दिए, पंड्या पे 18-11, अश्विन रहे सबसे टॉप के गेंदबाज, इकोनॉमिकल भी रहे, विकेट भी निकाल के ले गए। चलिए एग्जिट करेंगे हम इसको, मैन ऑफ द मैच अश्विन बनते हुए, ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है देखना कि मैन ऑफ द मैच कौन ले जा रहा है। वही करूँगा मैं, सेव करूँगा इसको टूर्नामेंट को
और जैसा कि आप लोग कह रहे हैं, मैं लाइक गोल को थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाके चेंज कर दे रहा हूँ। तो अब जो नया लाइक गोल आएगा भाई, वो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। बहुत मतलब 3000 लाइक का कर रहे हैं, मुझे भी मालूम नहीं आज की स्ट्रीम कितनी बड़ी होने वाली है, क्योंकि अभी हम लोग देखो देखते हैं सुपर हिट चालू हुआ कि क्या हुआ। देखो मैंने कहा था ना क्लोज हो जाएगा गेम, गेम क्लोज हो गया यार, इसीलिए भाई अब नेक्स्ट टाइम बहुत सोच समझ के करूंगा मैं। ऐसे तो अब 3000 कर दिया, अब जरूरत पड़ेगी नहीं। चालू हुआ। प्लीज देव, टूर्नामेंट सेव रही हो तो अच्छी बात है, नहीं तो एक मैच का नुकसान हो जाएगा। वो तो अच्छा है इस गेम में ऑटो प्ले बहुत फास्ट है, नहीं तो RC20 में होता तो एडवर्टाइज आ जाता है यहाँ पे। कमेंट्री ऑन करने को कह रहे हैं भाई। हाँ रुको रुको रुको, अभी नहीं, पहले मैं अपना तो ये देख लूँ टूर्नामेंट को कुछ नुकसान तो नहीं हुआ, गड़बड़ हो जाएगी सब। टूर्नामेंट यस कंटिन्यू। हाँ भाई सही, अरे आगे बढ़ गया, सुपर हिट चालू हो गया, सुपर हिट चालू हो गया। ओमन कौन कौन सी टीम क्वालिफाई हुई वो देखते हैं, ये मजेदार। ग्रुप ए में से बांग्लादेश और श्रीलंका हुई है, पाकिस्तान का सफर पूरा हो गया यार। बांग्लादेश और अरे यार पाकिस्तान इंग्लैंड दोनों बाहर हो गई, मतलब थोड़ा सा पाकिस्तान के साथ मैच होता तो मज़ा आ जाती यार। चलो कोई नहीं, बांग्लादेश और श्रीलंका भी हैं, आगे मिलेंगी, मुलाकात होगी यहाँ पर। ग्रुप बी में से ओमन और नैदरलैंड, मैं कह रहा था ऑस्ट्रेलिया आई है, मज़ा आ गया और यहाँ पर वाट लग गई। अच्छा मैंने 2 ओवर में 13 दिए थे, अच्छा भाई ऑस्ट्रेलिया पे 3 ओवर, तीनों के तीनों मैच आ रहा है, बाप रे। एक्चुअली 2007 का वर्ल्ड कप था ही ख़राब, वो जिस तरह से आया था वही बेकार था। इंडिया ग्रुप सी में से आयरलैंड के साथ क्वालिफाई, न्यूजीलैंड का पत्ता कट, जिम्बाब्वे भी कट हो गई। ग्रुप डी में से हांगकांग और यूनाइटेड स्टेट अरब यहाँ पर क्वालिफाई, भाई कैसे कैसे टीमें क्वालिफाई हो गई। अब साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज़ बाहर हो गई, वाह बेटा UAE आई है, इसको तो गजब पीटेंगे हम लोग। संगीत को इन करो पहले, बहुत देर से कमेंट आ रहा है राहुल को इन करो, राहुल को इन करो, राहुल को इन करो। लो भाई राहुल को इन कर रहे हैं, प्रॉब्लम ये नहीं है कि राहुल को इन किया, क्योंकि बैटिंग मिलेगी कि नहीं वो मुझे नहीं मालूम। MSD को मैं थोड़ा सा नीचे रहना पड़ रहा है उसके कारण। जड्डू बाहर रह रहे हैं। 4 गेंदबाजों के साथ खेल रही है इंडिया, और ओपनिंग पेयर वही है संगीत और हिटमैन शर्मा का। अली हैदर भाई थैंक यू, अनिश केरकर यहाँ पर आते हुए, स्पैम मत करो भाई अली, थैंक यू यार थैंक यू, पर बस भाई अब। सौरव यहाँ पर है, टॉस जीता है, रनचेज जाएंगे इस बार करने, इस बार रनचेज करेगा अपुन। KL को ले लिया भाई, KL को ले लिया आप लोगों के कहने पे, KL टीम का हिस्सा बन चुके हैं यहाँ पर। और जिस जिस टीम का मेरे पास किट नया था वो टीम आई नहीं, क्वालिफाई नहीं की। मैं शायद वेस्ट इंडीज़ का रखा था, वेस्ट इंडीज़ बाहर चली गई। फॉल ऑफ विकेट नहीं, 5 ओवर करो पहले फिर फॉल ऑफ विकेट करेंगे। गेंदबाजी आई तो ठीक, नहीं तो कोई नहीं। अश्विन को भेज रहा हूँ अभी मैं, ऑटो प्ले में फॉल ऑफ विकेट करेंगे हम लोग पहले, उम्मीद करते हैं एक झटका तो देगी है टीम, ठीक है। और अब ऑटो प्ले में 1 विकेट, अरे 1 ओवर। एक ही ओवर लगभग मिलने वाली है इस बार हमें, इसमें हिंदी कमेंट्री नहीं है यार। फाइनल में फिर हार हो गया, अरे ऐसा मत कहो यार, अभी तक तो कोई चांस नहीं लग रहा, जिस तरह से इंडियन टीम बैटिंग कर रही है ना, सीरियसली लग नहीं रहा कि ये टीम को कोई हरा पाएगा। हाँ उस टाइम भी नहीं लग रहा था, जो वो वाले मैचेस हुए थे उसमें भी नहीं लग रहा था कि हारेगी टीम, लेकिन हारी थी। तो क्रिकेट का यही मज़ा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। गेम का नाम ये क्रैश होना चाहिए था। हाँ ये बढ़िया है भाई, ये अच्छी बढ़िया कमेंट की। अरे कीपर, इसका रिप्ले देखो भाई, बहुत ऐसे ये गेम का प्रॉब्लम ये कि देखो रोटेट होता है, पता नहीं क्यों। धोनी का अटैम्प्ट देखो खाली, सिर्फ और सिर्फ ये अटैम्प्ट देखो यार, ये बात। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, जिसको लेना हो बोलना मत बाद में कि मैं रुका नहीं, थोड़ा क्लोज करता हूँ उनको। बहुत ज़बरदस्त फोटो आया यार, अरे यार ये थोड़ा आगे ले जाता हूँ उनको, थोड़ा। बढ़िया भाई, ये बात। इंटर हटाओ, शाबाश। अरे यार एक माउस गंदा लग रहा है, ठीक है। ये हुई ना बात, MSD स्टिल इन फॉर्म, एक स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया। हटा लो भैया, हटा लो, इनफ है अभी। वाइड गेंद गई है यहाँ पर, अब हम लोग वापस से आ गए हैं पैरों वाली गेंद करने के लिए। कई लोग कहते हैं कि इस गेंद पे पहले कई लोग कहते थे इस गेंद पे विकेट मिलता है, अब कह रहे हैं कि छक्के पड़ते हैं, पता नहीं कैसे बदल गए ये लोग। कैच प्लीज, छक्का। अरे यार कीपर बना जलपरी। जलपरिया भाई, जल पड़वा। पर फिर भी क्रिकेट 19 से तो अच्छा ही है, क्रिकेट 19 वाला तो फुटबॉलर बन जाता है हर बार।
आए फिर से उसी दिशा में, सेम गेंद है, सेम सिक्स पड़ रहे हैं यार। वो पता नहीं कौन सी गेंद होती थी, सब लोग बोलते थे वो गेंद करो विकेट मिलेगा विकेट मिलेगा, मुझे तो कहीं कोई विकेट नहीं मिल रहा है यहाँ पे। सीधी गेंद राइट आर्म राउंड, फिर से उसी दिशा में, इस बार रोकेंगे। 10 रन आ चुके हैं चार गेंदों में, एक वाइड भी था तो 11 रन आ चुके हैं यहाँ पर। कल डीसी ने रोवर मचा दिया, कल क्यों भाई आज भी तो मचाया। जिन लोगों ने भाई सुबह को सुपर ओवर का फाइनल नहीं देखा, आपने बहुत बढ़िया डांस भी मिस कर दिया, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स का सेलिब्रेशन मिस कर दिया। अरे अच्छी गेंद, सरप्राइज बाउंस पिच से, चलो भाई थोड़ा सा सीधा गेंद, थोड़ा इस बार स्लो रखते हैं, एंगल बनाते हैं, क्रिकेट का लॉजिक ट्राई करते हैं, रुको देखते हैं इस गेम में क्रिकेट लॉजिक कितना चलता है। क्रॉस गेंद, अरे पढ़ लिया भाई, चार जड़ दिया, पिट गए, 60 रन हो गए। अच्छा खेल रही है ये, सातवां ओवर है शायद कि आठवां ओवर है शायद, एक मिनट बताते हैं, 5, 2, 7, 1, 8 मेरे ख्याल से आठवां ओवर है, ये आठवां ओवर चल रहा है। कोई बिग टीम नहीं है, अरे ऐसा नहीं है भाई, बिग टीम नहीं है वही तो टेंशन है। आप सोचो बड़ी टीम से हारते तो फिर भी अफसोस नहीं होगा, अगर हारते हैं तो, ऐसा तो मैं चाहूँगा नहीं हारें, लेकिन अगर हार गए गलती से तो भाई बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा अपने आप। लास्ट ओवर भी करने आ रहा हूँ मैं, स्मिथ का डांस बढ़िया था भाई, मैं खुद देख देख के हंसा हूँ, मैं वो वीडियो देख के मैं खुद हंसा हूँ, जिन लोगों ने मिस कर दी भाई बहुत बड़ी चीज़ मिस कर दी। स्मिथ तो बेचारे, वो कहते नहीं कि नया नया बंदा कोई डांस सीखता है तो बाजू वाला डांस कर रहा है तो उसको देख के डांस करता है, बस वही फीलिंग थी स्मिथ के साथ। अक्षय भाटे ने 2009 में खेला था भाई, मैंने 2007-08 में खेली होगी ये गेम पहली बार, 7-8 में, अब तो याद भी नहीं, मतलब लॉन्च के वक्त तो नहीं खेली होगी, थोड़ा एक दो साल बाद ही। चार जड़ते हो, लास्ट ओवर चल रहा है यहाँ पर। SOIPL में क्या कर रहे थे पॉलार्ड भाई, पॉलार्ड गेंद डॉच कर रहे थे, उनको समझ में नहीं आता गेंद को खेलूं या ना खेलूं, नूब बन गए थे नूब। पेस बहुत बढ़िया है और उसी का फ़ायदा उठाया, 77 लगा दिए स्कोर पे। अभी भी कुछ गेंदें बाकी हैं, वाइड यॉर्कर डालने को कह रहे भाई, वाइड होता है वाइड नहीं होता यार, पहले मैं भी वाइड समझता था, WIDE होता है, WHITE नहीं होता वो, एक्चुअली उसका प्रोनाउंसिएशन ऐसा है ना कि सबको लगता है कि वाइड है वो। अभी ये तो एक जैसे ही शॉट मार रहा है, साइड चेंज बहुत हो गई पिटाई, अब नहीं सहा जा रहा, थोड़ा सा स्विंग और पेस एकदम ना के बराबर। कैच रोक लेना कम से कम। अरे भाई सरप्राइज होने वाले हैं हम लोग, ये सुपर एट है, मतलब 7 मैचेस होंगे उसके बाद जो जीतेगा सबसे अच्छे, हाँ 7 मैचेस होंगे, जो अंत में रहेगा सबसे हाईएस्ट वो मतलब सेमीफाइनल खेलेंगी चार टीमें। बहुत कसके मारा इस बार, इतना कसके मारा है कि मैं दिखा नहीं सकता आपको स्कोर कार्ड। अब बैटिंग में बदला लो, अरे स्पिनर कहाँ से आ गया, ये तो सरप्राइज फैक्टर है मेरे लिए स्पिनर। अरे एज लगती हुई, टाइमिंग मीटर फिर गायब हो गया, रुको टाइमिंग मीटर को लाओ, इससे इम्प्रूव होता है भाई गेम प्ले, अच्छा रहता है, मैं फास्ट कर दे रहा हूँ इसको गेम प्ले को, अब गेम फटाफट भागेगा। बिफोर 1983 भाई, 1983 में भी किसी को विश्वास था नहीं, वो जीती उसके बाद से ही कॉन्फिडेंस बढ़ा है, वो तो सीधी सी बात है। 90 का टारगेट यॉर्कर डालने को कह रहे हैं, अब तो यॉर्कर पे मारना है, यॉर्कर डालना नहीं है, अब रन रेट 12 का हो गया हमारा, चलो ठीक है, टाइमिंग बेहतर करो बस। एक और आइडियल शॉट, बैकफुट पे खेल रहे हैं लगातार, गेंदें सारी अंदर आ रही हैं, ये स्पेशल गेंद डाले तो कुछ चांस बने। गेंदबाजी कर रहे हैं शदीप शिलवा। अरे छूट गया कीपर के हाथ से, चार चला गया, रिप्ले दिखाएगा क्या इसका, मज़ेदार रिप्ले होगा अगर दिखाया तो, बाय के चार रन, पता नहीं क्यों मैंने एडवांस लिया पागल जैसा, ये है कप्तान इनके और ये हूँ मैं पागल जैसा, एडवांस शॉट खेल रहा हूँ फुल लेंथ गेंद पे। शदीप शिलवा 4 गेंदों में 8, सामने संदीप, यहाँ पे शदीप, नाम काफ़ी मिलता जुलता। सेम शॉट भाई, सेम रिजल्ट, 4 रन एक बार फिर से। ये गेम का न्यू वर्जन आया भाई, नहीं लग रहे हैं, AI बहुत चालाक है, फाइनली फिटिंग चेंज करता हुआ। गैप में ये भी 4 जा रही है, टाइमिंग बहुत सही, मैं डर रहा था तेज गेंदबाज को खेलने से, यहाँ तो उल्टा ही हो गया यहाँ पर।
मेरा जन्म भी नहीं हुआ था जब ईए क्रैश लॉन्च हुआ था। सैम कह रहे हैं भाई हाँ, 10 साल के जितने छोटे लोग हैं उन्होंने ये गेम के बारे में ना ज़्यादा सुना नहीं होगा। और ये आइडियल शॉट, बैकफुट चला गया, फ्रंट फुट खेलना था। बहुत गुस्से में यूए वाले प्लेयर भाई, बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों गुस्से में। इतनी बड़ी टीम है नहीं, लेकिन गुस्सा बहुत है सबको, अंदर गुस्सा बहुत भरा है। एक और रन, 2 का चांस है। स्प्रिंट रखियो भाई रनिंग में, ठीक है 2 रन। विकेट कीपर ने नहीं भाई, विकेट कीपर यहाँ पर ठीक है, अभी कोई मजाक नहीं उड़ाएगा विकेट कीपर का। ये गेम मोबाइल में नहीं चलता भाई। सीधा कहाँ खेल गया, अच्छा सीधा ही मारा था मैंने, रन आउट हो सकता हूँ मैं संभल का। क्रिकेट 19 कोई नहीं देखता भाई। जन्म उसी दिन हुआ था, वाह भाई वाह भाई। एग्जैक्ट किसी को नहीं मालूम कि मतलब एग्जैक्ट टाइमिंग अभी नहीं मुझे मालूम कि कौन सी डेट को लॉन्च हुआ था। 6 चढ़ते हुए एटलीस्ट एक बात क्लियर हो गई कि नेक्स्ट टूर्नामेंट जो भी होगा, चाहे इंडियन प्रीमियर लीग हो चाहे कोई भी लीग हो, लेकिन जो भी होगा वो एटलीस्ट 3 डिफिकल्टी में होगा। ये डिफिकल्टी के तो हम राजा बन गए, अब तो पिटाई जारी हो गई। अभी तक इससे पहले मैंने जितनी बार भी लाइव स्ट्रीम किया है ना, मैंने खाली खेलने के लिए लाइव स्ट्रीम किया है। पहली बार एक्चुअली मैं यहाँ पर है ना इम्प्रूव के लिए खेल रहा हूँ और अच्छा फील आ रहा है। ए स्लोवर डाल दी, अरे बाप रे बच गए, अरे मतले गया, बच गया रोहित बच गया। अब बताओ भाई कौन ज़्यादा रन करेगा, 17 रन पे खेल रहे हैं शर्मा और मैं खेल रहा हूँ 16 पे। अब बताओ कौन रन करेगा। लास्ट टाइम कोहली ज़्यादा करके गए थे, लास्ट टाइम कोहली सबसे ज़्यादा रन करके गए थे यहाँ पर। स्पिनर एक और भाई, यूएई लगता है इसी नहीं के भरोसे जीती है, स्पिनर्स के भरोसे ही। पर यहाँ पर कैच आउट, अब फिर सब बोलेंगे जानबूझ के हराया भाई स्पिनर के सामने, मुझे आइडिया नहीं था ये कैच आउट होंगे। गेम का साइज पता नहीं 1.5 के आसपास होगा शायद, 1.5 समथिंग। भाई शर्मा गए यार, अब फिर सब गुस्साएंगे मेरे पे, बोलेंगे जब भी ये कमेंट पूछते हो उसके बाद आउट करवा देते हो। अननाउन कह रहे हैं विराट ही बनाएंगे इस बार ज़्यादा। चलो अब यहाँ पे फिर शर्मा का नाम है, संगीत का नाम है, लेकिन जब तक ये कमेंट मेरी स्क्रीन पे आ रहा है तब तक विकेट गिर चुका है, प्रॉब्लम हो गई है। बढ़िया फील्डिंग डॉट, सबसे इम्पोर्टेंट खाता खोलो। ये सब गेम्स में मुझे खाता ही खोलने में सबसे ज़्यादा डर लगता है, एक बार खाता खुल गया फिर प्रॉब्लम नहीं। वहाँ पे संगीत शर्मा करेंगे भाई, वाह। अरे दो निकालो रनिंग क्विक। बढ़िया, गिर गया वो वहाँ पे जाके, सही है भाई। मुंबई चल राजा भाई, हाँ दिस गेम वॉज वर्किंग इन मोबाइल फोन, नहीं भाई चले तो मुझे भी बताना। ओ स्पैम लिंक मत भेज देना। 6 भाई, कोहली तो कोहली है, मुंबई चल राजा गॉन यार। फिर से उसी दिशा में स्टम्प्स को ओपन कर रहे हैं। ये फ्लैट डाल दिया गेंद, बेचारी यूएई ने सोचा नहीं होगा। अरे इंडियन पुलिस वाला खड़ा है और मैदान बारबाडोस का है। पता नहीं क्या कर रहे हैं, मामू खड़े थे। सुबह हो गई, ये स्विप शॉट नहीं लिया मैंने। ओए LBW तो था यार, DRS ले लो, मैं होता तो पक्का लेता DRS। पता नहीं यार ये तो आउट लग रहा था मेरे को, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट मिडल लेग पर ही खड़ा था, हिटिंग था शायद। हाँ दिखाओ, आउट था यार, ओए आउट था यार, क्लंप आउट था। एम्पायर बिका हुआ है पूरी तरह से यहाँ पर। फिर से सूली पे चढ़ा दिया रोहित को, अरे यार जानबूझ के नहीं चढ़ाया, सही में नहीं चढ़ाया भाई जानबूझ के अगर चढ़ाया हो ना तो चलो मान लो मैं इस ओवर में आउट हो जाऊँगा बस। पर हाँ ऐसे शॉट पर नहीं, अचानक से गलत शॉट, मतलब अच्छा शॉट खेलूंगा लेकिन आउट हो जाऊँगा, चलो देखते हैं। पर वो जानबूझ के नहीं था यार, आउट भी हो जाऊँ तो भी कोई मतलब नहीं। बढ़िया टाइमिंग, इट वॉज प्लम्ब था भाई, वही तो। निखिल कह रहे हैं कैसे बच गया भाई, मैं भी शौक हूँ, मैंने उम्मीद छोड़ दी थी। इसमें कोहली ने बहुत अच्छे 12 रन बना लिए, मैं 20 पे खेलता हुआ। इन दोनों में से कोई एक बनाएगा ज़्यादा रन, अब कौन होगा पता नहीं। 2 रन की कोशिश करते हुए मेरी दूरी कोहली से फिर बनती हुई। धोनी बनाएंगे ज़्यादा रन कह रहे हैं भाई, धोनी को भाई चांस कम लग रहा है गेंदबाजी का, बैटिंग का, और जब तक आएगी तब तक रन बन चुके होंगे मोस्टली मुझे लग रहा है, तो मुझे नहीं लग रहा कि उनके आने तक वेट होगा यहाँ पर। अगले मैचों में हम बॉलिंग नहीं कर रहे हैं पर यार ये भी है कि बॉलिंग नहीं करेंगे तो रन ही नहीं बनेंगे सामने वाले के। ये नहीं, अरे
अरे यार एक और झटका, कोहली कब पटक के मारेगा मेरे को, जाऊंगा आज मैं। अरे यार वापस ही नहीं करा पाए हम लोग, कोहली गॉन भाई। अब आ गए हैं पंत, लगता है धोनी आगे रहेंगे आज के दिन। सिक्स नहीं, सिक्स तो नहीं, यहाँ सिक्स जा रहे हैं, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। एम्पायर सस्ता नशा करके आए हैं भाई। हाँ मेरे को लगता है पता नहीं कौन सा नशा किए, वो तो अभी रिस्क ले रहा हूँ। अरे भारी पड़ा, किसके साथ लिया था रिस्क, कौन था, पंत था कि मैं था। अरे यार पंत थे, शून्य पे आउट, 65 पे 4 गिरा दिए विकेट यहाँ पे यूएई ने। मतलब आप रिस्क लोगे तो विकेट खोने के भी चांस आपके बढ़ेंगे। जडेजा को लाओ वो 400 बनाएंगे। हाँ ये अच्छा था भाई, एम्पायर को 40 रुपये दिए हैं ड्रॉन्सन ने। कौन आया भाई, धोनी आए क्या? अब तो और टेंशन हो जाएगा मेरे को, धोनी आएंगे तो उनको आउट कराना तो और मुझे भारी पड़ जाएगा भाई। आराम से मैच जीतना है, हारना नहीं है। कोलेश राहुल, कोलेश राहुल आए हैं भाई एक सामने, अभी तो मैं बैटिंग कर रहा हूँ पर सामने कोलेश आए हैं। 6 6 6 6 6 6। अब धोनी को लाने को कह रहे हैं भाई, मेरे हाथ में पावर नहीं है, मैं तो सिर्फ एक प्लेयर हूँ, असली पावर कोहली के पास है, कोहली से बोलना पड़ेगा आपको। रिस्क ले रहा हूँ, सफल होता हुआ सिक्स जड़ दिया भाई, गई ये टीम, अब तो कोई भी टीम आएगी गई। अरे RC20 का शॉट राहुल द्रविड़ वाला। अरे भाई देखो दिखाता हूँ इसको, राहुल द्रविड़ वाला शॉट जो मैं लेता था, राहुल द्रविड़ वाला तीन नंबर वाला शॉट, एक नंबर भाई, तीन नंबर वाला शॉट। अब नहीं लूंगा लेकिन, अब आउट हो जाऊंगा अब लूंगा तो। अरे कैच ड्रॉप प्लीज दिखा दे यार एक बार कैच ड्रॉप, आउट हुए हम लोग लेकिन बहुत डैमेज करके गए, बहुत ज़्यादा डैमेज। एक्चुअली मैं खुल के खेल रहा था, बिंदास खेल रहा था। 12 रन चाहिए यार, 50 पता नहीं कितने मार के गया हम। ऑटो प्ले करेंगे एंड ऑफ द इनिंग्स, मैच तो जीत गए भाई। अरे मैच डिफिकल्टी पक्का बढ़ाएंगे लेकिन भाई बीच में नहीं बदल सकते ना, अगर बदल सकते हैं तो मुझे बताओ कोई ट्रिक जिससे बदल सकते हो। 48 रन, 2 रन और कर लेने थे यार, 2 रन और कर लेने थे, और किसने क्या किया। 17 हिटमैन कोहली, 12 11 मारे राहुल ने, चलो ठीक है भाई। मैन ऑफ द मैच खुर्रम खान, अबे ये तो धोखा हो गया भाई। मेरे को लगता है आप लोगों ने 40 रुपये एम्पायर को दिए लेकिन मैच रेफरी को नहीं दिया कुछ, उसने बदला ले लिया, मैन ऑफ द मैच किसी और को दे दिया। यार ऐसा ना करो, बांटो तो 20-20 बांटो सबके बीच, ये गड़बड़ हो जाती है। मैन ऑफ द मैच छीन लिया। स्टैंडिंग देखते हैं हम लोग, इंडिया 2-2 जीत चुका है और अभी 6 मैचेस और हैं, कंटिन्यू करेंगे हम लोग, थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे गेम प्ले किया। मैं हूँ, मैं कहाँ पे गया, मैं यहाँ पर हूँ, स्वैप करेंगे राहुल के साथ। सब कह रहे हैं धोनी को आप नंबर 4 मतलब 5 तक रखो, मैं 5 तक रख रहा हूँ, स्वैप कर रहा हूँ, जड्डू को लेंगे इन, बाकी तो ठीक है। राहुल को ऊपर करना पड़ेगा, बहुत ख़राब लग रहा है राहुल उस पोजिशन पर, बाकी ठीक है भाई। फाइनली IPL आ रहा है, हाँ भाई सितंबर अक्टूबर, सितंबर का एंड अक्टूबर की शुरुआत, उन दोनों के बीच में कहीं आएगा, देखो कब आता है। और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा यार ये IPL, सही ढंग से हो जाए बहुत बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सब मतलब अटके अटके रह जाएंगे यार सब लोग। अब आ रही है, मुझे कपड़े कितने अच्छे लग रहे हैं भाई, इतने यूनिक लग रहे हैं। एंड ऑफ द इनिंग करेंगे, बॉलिंग डिपार्टमेंट हम लोग नहीं, एंड ऑफ द इनिंग टू एंड ऑफ द इनिंग्स। 64 माला, ठीक है, आज कप लेके ही जाएगी इंडिया घर। और अग्रेसिव बैटिंग, मैं हर गेंद पे लॉप मतलब सिवाय यॉर्कर पे हर गेंद पे मुझे लॉपटेड खेलना है, ये मेरा चैलेंज रहेगा। पहली गेंद बीच में गिर रही है, वो क्या कर रहा है, की फील्डर क्या कर रहा था। रुको दिखाता हूँ मैं, शायद दिख जाए, ये नहीं मत दिखा, देखो दिखाता हूँ, एक फील्डर का रिएक्शन देखना, ये वाले का रिएक्शन देखना अगर, अरे यार इसमें पीछे नहीं जाती गेंद, जाती है क्या। अच्छा देख, अब इसका रिएक्शन देखना इस फील्डर का, दिखाता हूँ उनको। अरे यार ये कैमरे की ऐसी की तैसी, ये फील्डर का आप रिएक्शन देखना प्लीज, कैमरा एंगल सही हो जाए, अब वो देखो। अरे यार ये नहीं दिखाता गेम, अब नेक्स्ट टाइम देखना आप लोग, जब वो गेंद जाएगा ऊंचे शॉट तब देखना यहाँ पर। चहल को ओपनिंग करवा दो, अरे नहीं भाई अब बताओ अब कौन ज़्यादा रन बनाएगा, मैं हर गेंद पे मुझे लॉपटेड खेलना है सबके साथ, मतलब ऐसा समझ लो 19 सितंबर से 10 अक्टूबर रहेगा। हाँ यार
लेकिन ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स अवेलेबल नहीं रहेंगे, अफ्रीकन प्लेयर्स ने अपना वो कर दिया है कि हम लोग रहेंगे अवेलेबल। गया गया बच्चा, डायरेक्ट हिट से बच्चा गुड डायमंड ले जाता फिर से। आईसीसी वर्ल्ड टी ट्वेंटी कब होगा? आईसीसी का वही शेड्यूल है भाई, वर्ल्ड कप का तो वही शेड्यूल है, उसमें कोई चेंज नहीं है अभी तक की न्यूज़ में। ओए ये तो वो वाला नंबर, एक नंबर वाला शॉट RC20 का, अबे पूरा सेम, मतलब हद से ज़्यादा यार। सही है लेकिन अभी तो भगा रहा हूँ भाई मैं, जितना स्पीड है इंडिया को कब तो जिताना है यार, चाहे कुछ भी हो जाए। स्टंप पूरा ओपन कर लिया है, रन दौड़ाया था, दौड़े नहीं। लेकिन क्या ये गेम हम एंड्रॉयड में खेल सकते हैं? नहीं यार, पीछे जाकर देख लिया है। क्या भाई देख लिया, पीछे का शॉट नहीं है ना इस गेम में? अच्छा ये कुछ नहीं कर रहा, ये तो लीव कर रहा है, कुछ कर ही नहीं रहा। रिस्क लूँ, देखो देखता हूँ। टा वान डर गटकन गटकन आए हैं गेंदबाजी करने, टा वान डर गुटकन, पता नहीं अजीब सा नाम था, वान डर गुटकन है उसमें। एक्चुअली नैदरलैंड में ऐसे ही नाम होते हैं, नैदरलैंड्स में ऐसे ही नाम होते हैं। शुभमन गिल से नहीं भाई, हिटमैन के साथ ही ओपनिंग होगी। शुभमन को इसलिए तो जगह नहीं मिल रही क्योंकि हिटमैन खेल रहे हैं, हिटमैन नहीं होते तो फिर मिल जाती जगह शुभमन को। कौन सा गेम खेल रहे हैं? ये क्रिकेट 2007 नाम है भाई गेम का। अभी के लिए सुपर हिट चल रहा है, मैं थोड़ा सा भगा रहा हूँ इसीलिए गेम प्ले को, ताकि हम लोग अरे गया, डायरेक्ट लग गई गेंद, इस बार डायरेक्ट लग गई। मोदी स्टेडियम नहीं है, पता नहीं भाई कैसे इंस्टॉल करते हैं, नहीं मालूम भाई मुझे। पीछे जाकर फील्डर का रिएक्शन देख लिया, अच्छा हाँ तो ठीक है, मैं खुद ही भूल गया भाई, गुटका नाम है, गुटका नाम नहीं है यार। हाँ मुझे भी गुटका वर्ड आया था, और रे स्टेडियम के पार, मज़ा कब आएगा भाई। अब डिफ़िकल्टी इसमें चेंज नहीं हो सकती यार बहुत, नहीं तो खेलते हम लोग। बॉलर का नाम गुटका है, हाँ यार। ओए क्या गंदा विकेट गिर रहा है, देख नहीं सकता मैं। धवन को ओपन कराने को कह रहे हैं भाई, थोड़ा एडवांस शॉट लेने की इच्छा हो रही है। ये तो डिफेंस करता है भाई, ये क्या था, एडवांस शॉट में डिफेंस कर रहा है, मैंने डी दबा के खेला था। वाह भाई वाह, 77 रन लग चुके हैं, 77 का टारगेट है, सॉरी। अरे यार इसमें वो ऑप्शन नहीं है यार, मस्त स्क्वायर कट लगाने का ऑप्शन नहीं अग्रेसिव में, प्लीज ऑप्शन आ जा। अरे ये एक नंबर वाला शॉट RC20 का, गूगल स्टोर में नहीं है भाई, हाँ गूगल प्ले स्टोर में गेम नहीं, पीसी का गेम है तो गूगल प्ले स्टोर में आके क्या करेगा यार। डॉट डॉट डॉट, अच्छी गेंद की यार इसने, अच्छी गेंद की। क्रिकेट 07 इज़ द रियल बॉस, RC20 उसका असिस्टेंट है। अभी मीम बना रहा होगा। अरे मैं आउट हुआ ना शायद, अरे बाप रे, आज के दिन का सबसे गंदा विकेट में से एक भाई, संभल कर, मुझे पता नहीं क्यों डाउट लग रहा है इस मैच में। 76 मार ले, जीत गए भाई, ये करियर मोड है इसीलिए। मैच वॉचर टाई, नेदरलैंड ने टाई करा लिया मैच। बैटिंग स्टेटिस्टिक दिखाओ, 18 में 22 MSD, 2 चौके, ऋषि पंत ने 27 में 22, आउट हो गए थे लेकिन कोई विकेट, और बहुत गड़बड़ हो गई, 10 में 14 ही बना पाया मैं यार, बेकार बैटिंग। 3 में 12, हिटमैन शर्मा अच्छा खेले, 2 में 6 कोहली, लेकिन मैच जीता नहीं पाए, मैच ड्रॉ हुआ। लास्ट गेंद पर स्टंपिंग हो गए ऋषि पंत, आखिरी गेंद पे एक रन चाहिए था, ऋषि पंत स्टंपिंग हो गए। देखो इसीलिए लिखा है कोलेश राहुल ने सिर्फ 0 गेंदें खेली हैं और वो 0 रन पे रहे हैं, और लास्ट गेंद कूपर कर रहे थे, पता नहीं कितना जोरदार रहा होगा गेम प्ले। एक मिनट, इसके अंदर एक और चीज़ भी है ना, देखो एग्जिट कर रहा हूँ मैं इसको, हार्ड पंड्या मैंने तो मैच ले जाते, इसको मैं सेव करूँगा टूर्नामेंट को। और स्टैंडिंग बिगड़ा तो नहीं हमारा, अबे श्रीलंका पहले पे आ गया यार। एक ड्रॉ खेला हमने और श्रीलंका पहले पे आ गया, हांगकांग है इस बार, मुझे टीम से निकाल दिया गया है, लेकिन हम लोग पैसा देके आ जाएंगे वापस। शुभमन गिल निकलेंगे यहाँ पर, कोलेश राहुल को आप लोग पता इन करवा रहे हैं तो मैं भी अभी इन करवा दे रहा हूँ उनको, और फिर रास्ता है नहीं। ऋषि पंत को हम नीचे रखेंगे कोलेश के पास, बहुत गंदा मैच रहा होगा। रवि कुमार, रवि भूवी, मोहम्मद सिराज और बुमराह, शमी को निकाल दिया क्या, बहुत अजीब सी बात है यार, गुटका खा के विकेट उड़ा गया। एक्चुअली भाई सही में पता है ऐसा होता है,
मतलब मैंने तो ट्राई नहीं किया, लेकिन कई कई मतलब जो गली क्रिकेटर्स हैं ना, गली क्रिकेटर्स वो ये खाते हैं, मतलब उनको ऐसी चीज़ चाहिए। आप भी लोग अगर टेनिस क्रिकेट खेलते हो गए ना तो आपको पता होगी ये बात कि कितने लोगों को मतलब ऐसा है कि अगर वो नहीं खाएंगे ना तो वो मतलब वो नहीं कर पाएंगे भाई, वो खेल नहीं पाएंगे, उनको अजीब सी बेचैनी होने लगती है यहाँ पे, पता नहीं ऐसा देखना आप लोग, वो हमेशा भरे रहेंगे मुंह में भले, या तो फिर मैच शुरू होने से पहले कर लेंगे। और सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं कर रहा, और भी स्पोर्ट्स में ऐसा होता है। कितने दिनों बाद केनिया का कपड़ा देख रहा हूँ मैं, वो भी रिप्ले देखो कीपरों का मौज है भाई इस गेम में, कीपरों की मौज है, सीरियसली कीपरों की मौज है। ये देखो इनको देखो भैया को, वाह बेटा क्या नाम है, इंग्लिश ने हिंदी पढ़ा दी हमको। स्टंप्स ओपन करके खेल रहा हूँ, रिस्क लेना है, और पहली बैटिंग है, ध्यान रखना अधिकरण मारना है, लास्ट टाइम जैसा ना हो। ये बैकफुट खेल गया, अच्छा बैकफुट ही खेल रहे थे भाई आप, बैकफुट खेलोगे तो बैकफुट ही जाएगा ना। आईपीएल में कोई फेवरेट टीम नहीं है भाई अपने। ऑटो प्ले एंड ऑफ द इनिंग्स 97, चलो सेफ लग रहा है अभी। अभी मैं ऑटो में पूरा एंड ऑफ द मैं वो करूँगा, मैं गेंदबाजी नहीं ले रहा। हाँ एआई खुद ब खुद गेंदबाजी देगा तो बात अलग है, बाकी मैं नहीं ले रहा। अरे हाँ कंट्रोल रीअसाइन का भी, अच्छा इसमें ऑप्शन है, ऑटो खेला जा सकता है यार, तो लास्ट ओवर देखेंगे हम लोग ऐसा होगा तो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लास्ट ओवर तक मैच जाए तब पता लगे ना, इसमें लास्ट ओवर तक पता नहीं लगता। 5 ओवर का ऑटो प्ले है, देखते हैं। 26 मारा भाई, ये टीम तो गई। ऑटो प्ले एंड ऑफ द इनिंग्स, कोई चांस ही नहीं है। कोहली भी गुटखा खा के मैच खेलता है, अरे यार कोहली वो लेवल पे अलग है भाई, वो लेवल की बात नहीं करा। मैंने 2 ओवर में 19 दिए भाई, मतलब ऑटो प्ले में भी मेरी पिटाई हो रही है सबसे ज़्यादा। मैंने तो मैच कोहली ले जाते हुए, इसको मैं सेव करूँगा गेम को। अभी तक ओमन के सामने मैच आ रहा है भाई, ये इतनी इतनी सारा वेरिएशन तो किसी गेम में नहीं है। ओमन सबको रख दिया है गेम में। कोलेश राहुल यहाँ पर आते हुए, सबसे ज़्यादा टाइम मुझे लगता है इसी चीज़ में लगता है। जड्डू को इन करो, स्टार्ट करो। गेम कौन सा है, क्रिकेट 7 भाई, द टीम इज केनिया एंड नॉट हांगकॉन्ग। तो केनिया ही थी भाई, हरे कपड़े भाई तो केनिया ही होती है, ऊपर हरा नीचे लाल। प्रसिद्ध कृष्णा और शार्दुल ठाकुर को लेने कहते हैं भाई, 20 लोगों की टीम गई थी उसमें तो नहीं है दोनों, तो उन दोनों को जगह नहीं मिलेगी यार, तो उन दोनों के बिना ही खेलना होगा। अभी लगभग 3 या 4 मैच और खेलने हैं हमें, उसके बाद सेमीफाइनल चालू होगा। एंड ऑफ द इनिंग्स यहाँ पर भी 78 का चेज है भाई, मार रन मार थोड़े बहुत। और एक चीज़ तो मैंने देखी नहीं, टूर्नामेंट में कौन ज़्यादा रन बना रहा है, पता नहीं वो ऑप्शन है कि नहीं। गब्बर को भाई, गब्बर नहीं सेट हो रहे यार। ग्राउंड शॉट ठीक है, बैकफुट जाने वाला हूँ। अच्छा बैकफुट कैसे जाता है, अच्छा ऊपर वाली बटन दबा के ना, देखते हैं। ये आया मेरा हुक शॉट, 6 वन बाउंस चौका। नामीबिया को ओमन कर दिया, अब नामीबिया नहीं भाई, ओमन है ये तो। अच्छा हाँ लोगों की बात कर रहे हैं, अच्छा स्ट्रेट शॉट 4, एक कैच हो गया, मतलब फिर एक बार गई है सामने वाले मतलब बाकी खिलाड़ियों के ऊपर। हार गई क्या इंडिया, अरे ये क्या, वो हार गई भाई। ओमन 1/12 रन्स भाई, ये तो नाटक हो रहा है गेम का यहाँ पर नाटक होता हुआ, हार रहे हैं हम लोग। कौन खराब खेला यार, मतलब मैं तो खेला ही, और कौन खराब खेला। आज शर्मा पहली बार अच्छा, 28 गेंदों में 22, पंत 22 में 32, 7 गेंदों में 8, कोहली भाई क्या गेंदबाजी की बॉलिंग दिखाओ भाई, शौक लगता हुआ। जतिंदर सिंह ने लास्ट ओवर में सिर्फ 4 रन दिए और 12 रन से हराया भाई, ये क्या है मैच। मैंने तो मैच मेहरान खान को मिलता हुआ भाई, वाट लग रही है, सेव गेम कर। अब थोड़ा सा लगता है मुझे स्टैंडिंग दिखाओ, इंडिया अभी भी नंबर एक पर है भाई, लेकिन बांग्लादेश तो गया, 5-5 हार गया है, मतलब बांग्लादेश को भूल जाओ। अब मेरे कितने मैच बाकी हैं, 2 मैच और बाकी हैं यहाँ पे। स्टेटिस्टिक्स दिखाओ, हाँ ये देखना था मुझे, मेरा नाम है कि नहीं। अरे 10वें नंबर पे अपुन का नाम है, कोहली मेरे से 3 रन ज़्यादा बनाए भाई। अब ये रिकॉर्ड देख के मुझे थोड़ा सा सीरियसनेस बढ़ेगा मेरा,
नेक्स्ट मैच में बड़े रन मारूंगा। नंबर एक पे चल रहे हैं ओबीटी के अरुण पोलुसे, मोहम्मद मिथुन, किंचित शाह, इरफान अमजद, सुल्तान अहमद, शाकिब अल हसन, लेकिन बांग्लादेश पांच मैच हार गया यार, तमीम इकबाल, जय मकसूद, सिर्फ दो नाम यहाँ पर टॉप टेन में, टॉप आठ में से सिर्फ दो नाम मतलब ऐसे हैं जो एसोसिएट देश के नाम है, बाकी है ही नहीं कोई। हाईएस्ट एवरेज 153, इसमें इंडिया का कोई नहीं है। हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर इंडिया के ऋषि पंत 32 रन, हिटमैन शर्मा 22 रन, मतलब मैंने 22 से ज़्यादा रन नहीं बनाए, बस शर्म आनी चाहिए मेरे को यार, सेंचुरी तो भूल जाओ, हाफ सेंचुरी टोटल 5 लगी हुई है। 17 में मारे थे खुर्रम खान ने, वाह बेटा खुर्रम वाह खान वाला ही परफॉर्मेंस था। मोस्ट रन्स ऑफ एन ओवर ऋषि पंत 16 रन, तमीम इकबाल, हिटमैन शर्मा 10 रन, भाई ये सब रिकॉर्ड तो अभी भी गेम में भी नहीं देखने को मिलते। मोस्ट फोर्स एन इनिंग ऋषभ पंत 5, हिटमैन शर्मा 3, अरे भाई यकीन नहीं हो रहा कि मैंने इतना मतलब, अच्छा मोस्ट चौके मतलब 5 चौके मारे एक ही ओवर में, तमीम इकबाल ने 6 के 6 चौके मारे और भी किसी ने मारे हैं। बॉलिंग का देखते हैं, रवि अश्विन हमारे सबसे सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज, ओमन ने इंडिया को हरा दिया भाई, हाँ जस्सी बुमराह 2 विकेट के साथ है, नजीब अमर टॉप पर है, एक बेस्ट इकोनॉमी इसमें तो मेरा कोई चांस नहीं, कुमार है इसमें, रविंद्र जडेजा है, बेस्ट बॉलिंग एवरेज नहीं, फिगर दिखाओ, हाँ फिगर दिखाओ, 2 विकेट ही बेस्ट है, 0-0 विकेट्स भी बेस्ट में है, एक रन दे, एक ओवर में एक रन देके 0 विकेट्स, 5 विकेट तो भूल जाओ भाई पार्टनर, ये बाद में देखते हैं, अभी मैच की तरफ बढ़ते हैं, ये तो मेन चीज़ है। अब श्रीलंका आया है ऑन द पेपर सबसे स्ट्रॉन्ग अपोनेंट हमारा, संगीत कहाँ गया, ऊपर आ जा भाई, और कोहली से ज़्यादा रन मानना, 3 रन कम से कम कोहली से 3 रन ज़्यादा मानना ताकि एटलीस्ट लिस्ट में आ जाए, कोहली से नहीं सबसे आगे निकलना है, अब बढ़िया बैटिंग कर 20-40-50 रन मारो तो मज़ा आएगा। एक मिनट देख लें हम लोग, शुभमन गिल, कोलेश राहुल, धोनी कहाँ गए, धोनी को 9वें 8 9 10 गए, 8वें नंबर पर पता नहीं क्यों रखा है, कोलेश राहुल को स्वैप कर रहा हूँ मैं, एक्चुअली यूज़ हो नहीं रहा कोलेश राहुल का, पर फिर भी ठीक है यार, मैंने 48 रन मारे थे, हाँ पता नहीं कहाँ गए भाई वो सब रन, पता नहीं कहाँ गए, मुझे डाउट हो रहा है इस गेम पे थोड़ा बहुत, गेंद सही ढंग से कैलकुलेट नहीं कर रही, वो रुपए नहीं दिए थे ना आप लोगों ने, 40 रुपए अंपायर को दिया और मैच रेफरी को दिया नहीं, मैंने तो मैच मिला नहीं मेरे को, रन करने का ऑल द बेस्ट मिल गया हीना पटेल से। अब देखते हैं क्या होता है, श्रीलंका भाई सबसे स्ट्रांग अपोनेंट ऑन द पेपर, सबसे मजबूत टीम यहां पर, पहली गेंद कहां जा रहा है शॉट भाई, अलग दिशा में जा रहा है पता नहीं क्यों, ऐसा लग रहा है किसी और दिशा में जा रहा है यहाँ पर, रोहित कुमार राय कह रहे हैं AI पागल है भाई, हाँ मुझे भी शक हो रहा है इस पे, अब ये 4 है बहुत, लेकिन अभी भी टाइमिंग इंप्रूव करने की जरूरत है, अल्ली आ रहा है टाइमिंग, गेंद को थोड़ा छूटने देना है फिर मानना है। 2007 में नए प्लेयर भाई, एडिट का ऑप्शन है कभी यूज करो यार, इसमें सब चीजें एडिट की जाती हैं, और फ्रंट फुट जाना था, लास्ट मैच हार चुका है श्रीलंका, 5 के 5 मैच हार चुका है, इंडिया लास्ट मैच हारा है, उससे पहले का मैच ड्रॉ कराया है, मतलब इस समय इंडिया की सिचुएशन ऐसी है कि पिछले 2 मैच से जीत की तलाश कर रहा है भाई, ऐसे नहीं चलेगा। आउट ऑफ प्ले करेंगे हम लोग, एंड ऑफ द इनिंग 83 पे 2, कुछ कह नहीं सकते क्या होगा, कुछ कह नहीं सकते क्या होगा, बैटिंग कार्ड और बॉलिंग कार्ड अंत में दिखाऊंगा मैं, अभी ऑटो प्ले करके पहले 5 ओवर कर रहा हूं, लास्ट टाइम पनौती था ये 5 ओवर, कितने मारा 34 मारा भाई, बन सकते हैं, मैं एक एक ओवर देखते हैं भाई, भी रिज्यूम तो नहीं कर रहा मैं ऑटो प्ले यार, 4 ओवर का ऑप्शन नहीं है, फॉलो विकेट करते हैं रुको, अरे मैंने विकेट ले ली, अरे वाह, ऑटो प्ले टू फॉलो विकेट्स, अंजुली सक्सेना कह रहे हैं जैसे, एक और विकेट मैं ले गया, अबे आज क्या खा के आया हूँ मैं, अबे ये अच्छा रन, ये कैसे एक गेंद डाली मैंने और 2 विकेट ले ली, ऐसा कैसे, स्टेटिस्टिक्स दिखाओ, बॉलिंग स्टेटिस्टिक्स, एक रन आउट हुआ भाई कोई भाई, पता नहीं कैसे 9 बॉल पे रन आउट हो गया, पता नहीं क्या हुआ, कुछ हुआ है ऐसा अजीब सा हुआ है यहाँ पे, फॉल ऑफ विकेट्स, ओ जीत गया, अबे भाई ऐसे तो हार जाएंगे इंडिया, अरे भाई ये नहीं चलेगा ऐसे, गेमिंग आरसी कह रहे मलिंगा का फेस देखना था, अरे भाई मैच हार रही है इंडिया RC20 में, इधर RC20 क्या क्रिकेट 07 में, बस शॉक लग रहा है, कौन कौन पिटा कौन, पंड्या 2 में 34, अश्विन 8 गेंदों में 18 रन,
मैंने तो फिर भी मैडन डाली, मैंने मैडन डाली आज। अबे बॉलिंग कार्ड तो, अरे यार बैटिंग दिखाओ, बैटिंग में कौन इनमें पीटा किसे, 11 में 34 एंजेलो मैथ्यूज भाई, मलिंगा नहीं है टीम में, लाहिरु थिमरा थ्री मन्ने ने 12 में 16 मारे, 13 में 11, भाई धाव हो रहा है यहाँ पे, बहुत गंदा वाला धाव। मैंने तो मैच एंजेलो मैथ्यूज, कोई शक नहीं। अब स्टैंडिंग दिखाओ, डाउन हुए होंगे हम लोग, चौथे पे आ गए। अरे भाई क्या सिनारियो बनाया पता है, अगर ये मैच इंडिया हारी, अगर ये मैच आयरलैंड इसमें -0.14 पे चल रहा है भाई, चौथे पे चले गए, श्रीलंका क्वालिफाई कर गया, बांग्लादेश एक मैच जीत भी गया, अब हमारा बांग्लादेश के सामने मैच है। अगर आयरलैंड का जो भी मैच है, आयरलैंड और यूनाइटेड अरब का मैच है, अगर आयरलैंड वहां पे जीत जाता है बड़े अंतर से, तो इंडिया बाहर हो जाएगा हारने के बाद, अगर इंडिया हारता है तो, और अगर इंडिया नहीं हारता है जीत जाता है तब तो क्वालिफाई कन्फर्म कर लेगा। बहुत गंदा दांव होता हुआ यहाँ पे सारे मैचेस, हाँ भाई सारे मैचेस पता नहीं क्यों वहीं पे आ रहे हैं, मुझे भी नहीं मालूम। सेव तो कर ली ना गेम भाई, ये तो मतलब जाते जाते टूर्नामेंट ने अपना रंग दिखा दिया भाई, बहुत गंदा वाला रंग। बांग्लादेश के सामने लास्ट मैच आता हुआ, ये मजेदार मैच होगा, स्वैप करेंगे हम लोग। अभी तो मैं मतलब मैं ही ओपनिंग कर रहा हूँ, जड्डू को यहाँ पे करेंगे, धोनी को, यार धोनी का यूज़ तो होता नहीं है यार, सिर्फ समय बिगड़ता है यहाँ पे, समय भी करता है मतलब बैटिंग ऑर्डर वहां तक नहीं पहुंचता यार। चलो देखिए, ऋषि पंत नहीं यार, ऋषि पंत की जगह एमएसडी को कर दो बस, ठीक है ऋषि पंत के कोलेज साहब, ठीक है भाई अब जीतना होगा नहीं तो दांव हो गया यहाँ पे। सचिन राय करें इंडिया को हरा दिया भाई मैंने, हाँ मैंने खराब खेला लेकिन बाकी के प्लेयर पिट गए यार, 34 रन 2 ओवर में दे गए, पता नहीं कैसे पंड्या को क्या हो गया, मुझे समझ नहीं आया। क्वालिफाइड हो गए हो, क्वालिफाइड नहीं हुए हैं भाई, ये मैच अगर हार गए और गलती से आयरलैंड वहाँ जीत गया तो भूल जाओ भाई, इंडिया ने ड्रॉ किया है तो 100% क्वालिफाई करेगा। हाँ एक मैच ड्रॉ हुआ था, अच्छा हाँ उस तरफ मेरी नज़र नहीं गई, पॉइंट टेबल पर मेरी नज़र नहीं गई, मैंने रन वाला डिफरेंस देखा, हाँ ये बात हो सकती है, ऐसे आप बताओ समझ गया मैं। और ध्यान से आ रहे हो, ये देखो ये मैंने कपड़ा डाला है, दोनों सहारा वाले हैं, दोनों को सहारा का सहारा मिल रहा है, पर हकीकत ये है कि सहारा ने कितनों का सहारा ले लिया फ्रॉड करके। पहली गेंद मेरी, पहली गेंद पे एज लगता हुआ, ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं वही बंदा खेल रहा है जो 4 मैच पहले रन बना रहा था, 48 मार के गया था, फील ही नहीं आ रहा कि वही बंदा है यहाँ पे। बैटिंग ऑर्डर पूरा बदल गया, मतलब खेलने का अंदाज पूरा बदल गया। आइडियल शॉट अभी मैं अली खेल रहा हूँ, नेदरलैंड का मैच ख़त्म है। हाँ भाई वो एक मैच ड्रॉ वाला मैंने देखा नहीं, मैंने खाली वो देखे थे कितने मैचेस विन है, अब आप लोगों ने कमेंट की तो मैं समझ गया, पर फिर भी मैं मस्ट विन मैच जैसा ही खेल समझ के खेल रहा हूँ। शुरू की गेंदों को थोड़ा सा डिफेंस खेला है, बड़ा शॉट लेने की इच्छा हो रही है, तो बहुत गेंदें आगे डाल रहा है ये, अरे ख़त्म, आइडियल शॉट था यार, ये मिस कैसे हुआ, मैं इसका लॉजिक मुझे कोई समझाओ, ये 6 क्यों नहीं गया। लेफ्ट साइड में जो टॉप में परफेक्ट मीटर है वो दिखा रहा है कि मेरा ये परफेक्ट शॉट था भाई। बांग्लादेश के ये खिलाड़ी गेंदबाज, अब इनका नाम है, अरे यार नाम भी, हमें ऑटो प्ले करना पड़ेगा और कोई रास्ता है नहीं, ऑटो प्ले एंड ऑफ द इनिंग्स, क्योंकि आप बैटिंग कर नहीं सकते यहाँ पर। फिर से 83 मारे, पनौती है ये रन, बैट कितना मस्त है उसका, बांग्लादेश वाले का 5 ओवर, यूएई इंडिया से ऊपर भाई सबसे। सर ये क्या बैटिंग कर रहा है बांग्लादेश, 2 रन, इसीलिए 5, इसीलिए सबसे आखिरी नंबर पे भाई, 5 ओवर में सिर्फ 17 मारे इसने, एंड ऑफ द इनिंग, ये मैच तो जीत गए हम, 65 मार के गई, और रे 65, अच्छा 65 पे 6, हाँ 18 से आ रहे भाई, चलो कम से कम कोई झंझट नहीं है। हमें गेंदबाजी दिखाओ, इंडिया की बैटिंग में शर्मा, अरे कोहली 48, वाह बेटा धोनी 10 मार के गए, गेंदबाजी का हाल दिखाओ, गेंदबाजी में इन्हें, गेंदबाजी से ही जीते ये मैच। बॉलिंग स्टेटिस्टिक्स, अश्विन 2 में 17, मैंने 2 में 27 दिया, अरे भाई तेरा खराब फॉर्म कंटिन्यू है। पंड्या ने जिताया, लास्ट मैच हराया था, ये मैच बचा, मतलब बचा लिया, 2 में 7 रन देके 2 विकेट लिया। तैयार हो जाइए सेमीफाइनल के लिए, हार्ड पंड्या मैंने 2 मैच ले जाते हुए, सेव गेम सेव गेम सेव गेम सेव गेम सेव गेम सेव गेम सेव गेम। वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइनल यहाँ पे डिसाइड हो चुका है, स्टैंडिंग में आपको दिखाता हूँ, और फाइनल्स का सिचुएशन कुछ इस तरह से बन के आया है। हमारा सेमीफाइनल जो है वो है यूएई के साथ, हांगकांग का और श्रीलंका का जो सेमीफाइनल है वो है यहाँ पर दूसरी तरफ, और श्रीलंका शायद टॉप पे रही है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, दिखाता हूँ उनको, हाँ श्रीलंका सबसे नंबर 1 की टीम रही है। हमने एक मैच ट्राई कराया था इसलिए हमारे पॉइंट 18 हो गए थे, इस कारण से हम लोग क्वालिफाई कर गए। 4 मैच हमने जीते, मतलब 4 तियाँ 12, 4 चौक 16, अच्छा हाँ
चार पॉइंट हैं, एक मैच जीतने पे चार पॉइंट हैं और ड्रॉ कराने पे दो पॉइंट मिल जाते हैं यहाँ पर। लेकिन अभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना। यूनाइटेड अरब्स के साथ हमारा मैच है अगला, अब खेल जाना यार, अब खेल जाना, नहीं तो पैसे गए। लेवल टू डिफिकल्टी भाई, अब नेक्स्ट टाइम मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं तीन में खेलूँगा किस में खेलूँगा, क्योंकि जिस तरह से मैच बना है ना, जिस तरह से टूर्नामेंट के अंत में AI इम्प्रूव हुआ है ना, बहुत ज़्यादा शॉकिंग है ये। MSD को चार पे रख रहे हैं हम लोग। बाकी आज के मैच में फिर अरे यार शमी को तो जगह ही नहीं मिल रही कभी। कुमार इस बार तीन गेंदबाज के साथ खेल रहा है इंडिया। KL को चौथे नंबर पे रखने को कह रहे हैं, नहीं भाई चौथे पे नहीं हो पाया, धोनी है। वर्ल्ड चैंपियनशिप का सेमीफाइनल यहाँ पे बर्बाडोस के मैदान से होता हुआ लाइव, यूनाइटेड अरब्स बनाम इंडिया। भाई बहुत वक्त लिया टॉस ने। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड टीम वो पहले राउंड में पत्ता कट हो गया भाई, UAE पहुंच गई। UAE IPL में हो रहा है आज, इंडिया वर्सेस UAE हो रहा है। हाँ हाँ सही बोला भाई, आप अच्छा खेलोगे पर लेकिन टिक के खेलना उद्भव कह रहे। अरे भाई 10 ओवर का मैच है इसलिए मैं भाई मतलब, अरे आज तो अलग तरीके का एनिमेशन आया, मतलब पूरा एनिमेशन आया, सेमीफाइनल है ना इसलिए वेलकम वेलकम हो रहा है सबका। अरे भाई बहुत अच्छा लग रहा है ये, बहुत अच्छा लग रहा है ये, अच्छी फीलिंग आ रही है यहाँ पे देख के, अच्छा लग रहा है कि अपन का नाम लिखा है इंडिया में। राहुल रंजन कह रहे अरे भाई गेम है यार, गेम की तरह ही देखो आप रियल से। अरे पिच कितनी गंदी है, वेट करके खेला है। चलो कम से कम चार लगाया। सबसे इम्पोर्टेंट मैं फिर से कहूँगा मेरे लिए रहता है कि खाता खोलना भाई। लाइक अभी यहाँ पे 2500 के आसपास अटक गया है, तो प्लीज़ यार आप लोग सपोर्ट दिखाएं। अब तो इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच गया है। अरे एम्पायर का भाई लग रहा है ये तो गेंदबाज, गोरा भाई, ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, देखने में एकदम उनके जैसे ही, बस खाली रंग थोड़ा गोरा चिट्टा है। चलो अभी आराम से चार जा रहा है भाई, थोड़ा वक्त लेके मेरे को खेलने दो, गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो। सही है सही है, गैप में जा रहा है तब तक तो कोई इश्यू नहीं, और ऊपर से छक्का जड़ दिया तो ये तो और अच्छी बात है। कंटिन्यू 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 द फॉर्म भाई। अरे 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 इनको क्या हो गया भाई, प्रॉब्लम है क्या तुम्हें, कोई दिक्कत है क्या भाई साहब आपको? नरेंद्र मोदी को बुलाऊं अभी, क्या तकलीफ है सज्जन को। वाह बेटा अब आए फॉर्म में, थोड़ा फोकस बढ़ाओगे तो भाई गेम प्ले तो इम्प्रूव हो भाई। UAE ने अमेरिका जैसा झंडा क्यों लिया है? अरे वो ऐसा ही झंडा पर इस गेम में ऐसा ही झंडा है शायद, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। सही है भाई फील्डिंग वीक है, गेंदे गलत कर रहे हैं, ये टीम बहुत स्पिनर्स पे डिपेंड रहती है। अगला ओवर भी भाई पता है किसका आने वाला है, स्पिनर का आने वाला है देखना। ये पहला ओवर भी स्पिनर का आया, ये ओवर भी अगला ओवर भी स्पिनर का ही आएगा। सही है रिकॉर्ड तोड़ दो, 6 रन। वो गेंद कितना ज़्यादा उछल जा रहा है, सेकेंड फ्लोर पे चला जा रहा है भाई। ये सेमीफाइनल चल रहा है इस वक्त इंडिया बनाम UAE। मुझे देखना ये है कि क्या एनिमेशन आएगा सेलिब्रेशन वाला। ये गेंदबाज की तो इज्जत बिक गई भाई सेमीफाइनल में, इंडिया फाइनली अपने असली रिदम में आता हुआ यहाँ पे। अरे यार सामने लगा दिया फील्डर, अभी भी देखो क्या होता है, दूर देंगे तो मारेंगे कस के, इसमें कोई शक नहीं। अरे बीट हो गए यार, 26 रन बने, रिकॉर्ड तोड़ना था, सारे रिकॉर्ड तोड़ने थे। 26 का रन रेट से शुरुआत भाई, लगाओ आप खींच के छक्के चौके। अरे शर्मा जी विकेट्स इंपॉर्टेंट हैं, चलो कोई नहीं यार, बड़े शॉट का अटेम्प्ट कर रहे थे, सोचा था कि शायद पार कर जाएगा डायरेक्ट, पीछे से नहीं गलती हुई है। पता नहीं यार टाइमिंग कई बार सही लगने के बावजूद भी नहीं होती यार, ये चीज़ बहुत कंफ्यूजिंग है। कई बार टाइमिंग आप सही ले रहे हो, परफेक्ट सेंटर पे आइडल आ रहा है, मतलब टाइमिंग जो है लेफ्ट साइड में देखो आप, टाइमिंग लिखा आ रहा है, सेलिब्रेशन नहीं आता है सेलिब्रेशन का। अरे यार एनिमेशन नहीं आता है सेलिब्रेशन का, फिर से बड़ा आइडिया। 6 है भाई, कोहली का शॉट है और पता नहीं कैसे अर्ली शॉट खेलने के बाद भी 6 जा रहा है। सेंटर में रहता है तो कैच आउट हो जाता है और अली खेलो तो छक्का जा रहा है, ये रियल क्रिकेट 20 वाला ही गेम है पूरा। अरे मिडल नहीं हो, अरे ये तो छक्का वाला शॉट था यार, लास्ट टाइम ऐसे ही गया था।
आप शर्मा जी को हमेशा आउट कर देते हो। भाई मैं अभी लॉप्टेड ही खेल रहा हूँ, फोकस लॉप्टेड पर ही है। कम से कम 83 के अब डालना होगा स्कोर कार्ड, तो ही कुछ बात बनेगी, नहीं तो भूल जाओ। सेमीफाइनल में एआई अच्छा खेलता है। ओए अच्छा वो रन नहीं दौड़ाया, बच गए। वन डाउन कौन आता है? अच्छा एमएसडी आ गए भाई, एमएसडी के साथ खेलने का मौका मिल रहा है मुझे, चलो अच्छी बात है। देखना है एमएसडी करते कितने रन है। चलो चलो छः जोड़ो भाई, छः जोड़ो। यूएसए कब से खेलने लगा भाई? यूएसए नहीं है, यूएई है। गुस्से ये खाली एक्सप्रेशन दे रहे भाई, अपने जाके गेंदबाज को डांट, ऐसे एक्सप्रेशन देगा तो पैसे बर्बाद। दर्शन दासू कह रहे संगीत हमारा नेता है। हाँ भाई एटलीस्ट शुरुआत तो कराते हैं इनिंग की। ओ यॉर्कर, बैट्समैन देखा कहीं और गेंद गई कहीं और। भाई वेलकम टू 2006, 2006 की गेम में आपका स्वागत है, सुस्वागत है। मैं 6 रन, जड़ते रहो भाई, 50 मारो। पूरी टूर्नामेंट खत्म होने आई, एक भी 50 का एनिमेशन नहीं देखा मैंने इंडिया की तरफ से, प्लीज़ दिखा दो। 26 बनाए थे, एक छक्का लग दिया, लगा दिया है, बहुत अच्छा। चलो अच्छा गेंद को पकड़ा, आगे डाल दी थी बहुत। अभी मैं भी भगा रहा हूँ, मैं अरे यार सामने फील्डर लगा दिया मिड विकेट वाला शॉट, कोई नहीं दूसरी दिशा में पकड़ेंगे। बहुत अच्छा चौका, इंडिया के 50 पूरे भाई, बहुत अच्छा। सही वक्त पे फॉर्म आया। केजीएफ माफिया कह रहे माही मार रहा है, माही नहीं भैया संगीत मार रहा है, संगीत अपने रिदम पे नचा रहा है। कोई गया दो 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 दो, अरे नहीं 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 नहीं, अरे यार रन आउट हो गया, गया भाई गया वापस। यार कितना गंदा जंप मारता है ये, दांव हो गया। अरे यार 43 पे आउट, एक रन लिया था पूरा, पता नहीं काउंट किया कि नहीं, एक रन काउंट हुआ। 54 पर 3, 43 मेरा सेकंड आउट। पीछे वाला अभी भी चिढ़ा रहा है, देखो ये वाला कहाँ गया। अरे यार कर्सर नहीं है तो दिखाता, जिसने रन आउट किया था सिल्वा, अब ये तो नॉट आउट लगा, पीछे दिखा रिप्ले वापस, फिर से दिखा भाई, क्रिकेट RC20 में दिखाता है। नहीं हवा में थे यार, प्रॉब्लम वहाँ हो गई। अब देखो MHD क्या करते हैं भाई, 100 अप चाहिए, बहुत सही। ये तो जीत गए मैच 119 पे 3, कोई चांस नहीं लग रहा। 5 ओवर हम लोग करेंगे ऑटो प्ले, उसके बाद देखेंगे। फाइनल की टिकट करा लो भाई, श्रीलंका मोस्टली आ सकता है मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से श्रीलंका आएगा फाइनल में मोस्ट प्रॉबेबली। बैटिंग कार्ड बाद में देखते हैं, अभी के लिए इंडिया को फाइनल में पहुँचते हुए देखते हैं यहाँ पर। ऑटो प्ले पहले 5 ओवर, फिर देखेंगे क्या है, कितने मारता ही है। 24 मारे भाई, ख़त्म। 96 चाहिए 19 के रन रेट से, हो गया बेटा तुम्हारा ख़त्म, गेम ओवर। एक गेंद करते हैं फिर ऑटो प्ले करेंगे। मॉडलिंग के लिए एक्सप्रेशन दिया था, प्लीज़ यार फाइनल में इंडिया पहुँच गई है, लाइक गोल भी सपोर्ट कर दो यार। लो डॉट गेंद जाता हो, फाइनल में गेंदबाजी करेंगे हम लोग मोस्टली, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं यहाँ पर, ये ओवर कर लेते हैं। सेंसेशनल बैटिंग के अपने चाहिए, अरे लो है आपकी कमेंट पढ़ने में मेरा नॉबॉल चला गया। मॉडलिंग के लिए एक्सप्रेशन दे रहा था, हाँ भाई बस भाई, अब वो ओवर कॉन्फिडेंस था वो बंदे का, गुस्सा जा रहा था, एटीट्यूड दिखा रहा था कीपर, अरे कीपर क्या सामने वाला कप्तान, हर बार ऐसे कड़ी आंखों से देख रहा था एकदम, काट डालूंगा तुझे भाई। इंडिया तो पहुंच गया फाइनल में, अब कब उठाएगा कि नहीं वो अभी थोड़ी देर में बात पता लगेगा। यॉर्कर का अटैम्प्ट कर लो भाई, थोड़े रन कर लो, मेरे को देखना है कौन सी गेंद बेस्ट रहती है एआई के सामने। पहली बैटिंग आए तो देखो मज़ा आ जाएगा यहाँ पर। स्टैंडर्ड गेंद है, ये शॉट ही लो ले रहा है यार, ये सही अंदाज से नहीं खेल रहा। स्कोर कार्ड हमने देखा नहीं है अभी, देखो कौन वहाँ पे कौन अच्छा करके गया। वाइड जा सकती है, स्लिप मौजूद है, वाइड मत देना। अरे यार कोई नहीं। डाइव कैसे लगाया ऋषु सिंह पूछ रहे भाई, डाइव लगाने के लिए, अरे यार स्पैम करने लगते हो यार आप लोग, क्या कमेंट पढ़ूं प्लीज़ यार, एक दो बार इनफ हो गई यार कमेंट, 5-6 बार यार। 2014 का फाइनल होगा उद्भव रंजन कह रहे हैं, 2014 का कौन सी टूर्नामेंट का फाइनल कह रहे, 3+ विकेट ले लोगे तो मैन ऑफ द मैच बन सकते हो। हाइड्रा AKD कह रहे हैं भाई, 3 विकेट के चांस कम है थोड़े, मुझे नहीं लग रहा 3 विकेट्स मिलेंगे यहाँ पर।
अश्विन आए हैं, ऑटो प्ले करेंगे हम लोग एंड ऑफ द इनिंग्स भाई। डन, फाइनल की तैयारी कर लो, टिकट बुक करा लो। पंड्या ने लास्ट ओवर फिर से किया भाई, ये अच्छा है, पंड्या को हर बार लास्ट ओवर मिलती है। इंडिया का बैटिंग कार्ड 41, कुलेश राहुल जब मौका मिला तो भाई 41 मार दिया 28 गेंदों में। हाईएस्ट तो मैंने ही मारे हैं, मैंने तो मैच मिलेगा कि नहीं मुझे, विकेट देखने होंगे, विकेट मिला कि नहीं मुझे। नहीं विकेट, एक ओवर में सिर्फ दो रन दिए मेरे को, ओवर ही नहीं मिला। दो विकेट अश्विन ले गए, अब देखो किसको मिलता है मैन ऑफ द मैच। बहुत टफ है, मेरे को मिलना चाहिए और कुलेश राहुल को दे दिया यार। पता नहीं क्या लॉजिक है, मैं सेव कर दे रहा हूँ। ये लास्ट मैच हमारा आज के स्ट्रीम का, रात की स्ट्रीम भाई मैं, हाँ रात की स्ट्रीम के बारे में उसके बाद बात करेंगे। वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइनल, जी हाँ, प्रेडिक्शन के हिसाब से कई लोगों ने गलत किया, कई लोगों ने सही किया, लेकिन इंडिया वर्सेज श्रीलंका का ही फाइनल हो रहा है। और साथ ही साथ में स्टेटिस्टिक्स बाद में देखेंगे, अभी हम लोग मैच की तरफ बढ़ रहे हैं। फाइनल खेलने का मौका मिलेगा संगीत को, मुझे टीम से फिर निकाल दिया, इतना अच्छा खेलने के बावजूद निकाला जा रहा है। ठीक है, कुलेश राहुल कहाँ गए? अच्छा आज कुलेश राहुल नहीं है भाई, खिला कुलेश को, खिला कुलेश ने लास्ट टाइम अच्छा खेला था। जड्डू को बाहर रहना पड़ रहा है अनफॉर्चुनेटली। ऋषि पंत थोड़ा सा बाद में आएंगे, बाकी टीम सेट है। सिराज को फिर से जगह मिलती हुई पूरे टूर्नामेंट में, सैनी को, अरे शमी को मौका नहीं मिला ज़्यादा। मॉडल पूछ रहे हैं, अरे भाई वो डब्लू बटन से होता था, जो जंप है ना वो डब्लू बटन से हुआ था। श्रीलंका टफ फाइट देगी भाई, मैं चाहता हूँ मेरी पहली बैटिंग ही आए, बॉलिंग ना आए प्लीज़, क्योंकि अगर पहली बैटिंग आएगी तो मैं आउट हूँगा, तो एटलीस्ट फिर मुझे आइडिया रहेगा कि चलो दो ओवर करनी है कि नहीं करनी है। फिर से बहुत वक्त लगाया टॉस करने में। संगीत फिनिशिश ऑफ इन स्टाइल भाई, पूरी कोशिश करेंगे कि मौका मिले फिनिश करने का मैच फाइनल को। और मैं सेटिंग से आगे बदल दे रहा हूँ, स्लो मोड कर दे रहा हूँ एनिमेशन, ताकि आप आए अगर कुछ एनिमेशन एक्स्ट्रा हो तो। नए लोग इस बीच जुड़ते हुए भाई, सभी का स्वागत है स्ट्रीम में। इस समय चल रहा है फाइनल श्रीलंका बनाम इंडिया। मलिंगा को सब लोग देखना चाहते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मलिंगा को जगह नहीं मिली है। परेरा, प्रदीप, लखमल और संदाकन को जगह मिली है गेंदबाज के रूप में। हार्दिक सिन्हा कह रहे हैं ये स्पॉट IBG इन द गेम। हाँ भाई, ओपनिंग अपना ही कर रहा है, अपुन ही जो ओपनिंग कर रहा है इंडिया का, अपुन ही जो ओपनिंग कर ले लाए। चलो भाई पहले, सबसे पहले सेटिंग बदल दो ताकि एनिमेशन मिस ना हो कोई भी। गेम प्ले ऑप्शन स्लो, अब खेल भाई, अब इनिंग दिखा। नुवान प्रदीप के सामने, श्रीलंका ने लास्ट मैच हमको हराया था, तो क्षमता है इस टीम में हराने की हमको। ऊंची गेंद, वार्निंग शॉर्ट बॉल लिमिट, लीड रीच हो गई है। चलो सही, वाइड गेंद से शुरुआत, मैच का पहला गेंद। 2011 की याद आ रही है, उम्मीद करते हैं रिजल्ट भी 2011 वाला ही हो, तो वही मजा आएगा। मौका नहीं मिलेगा फिनिश करने का गेमिंग। हाँ यार बैटिंग आ गई, पर 9वां ओवर 10वां ओवर कर सकते हैं हम लोग। हाँ 10वां ओवर कर सकते हैं। अरे इसको, ये खुश नहीं है भाई, वाइड था। हाँ थोड़ा सा शक था, लेकिन अब एम्पायर ने वाइड दे दिया। एम्पायर जो कहे मानना पड़ता है यार, यही नियम है क्रिकेट का। प्लीज़ स्पोर्ट्समैनशिप दिखाओ यार, 2011 में दिखाई थी आप लोगों ने। स्लोवर डाल दी। अरे गॉन। नियति शाह कह रहे हैं कि एनिमेशन नहीं आएगा, अरे आउट हो गया यार, स्लोवर गेंद कर दी इसने, प्रदीप ने, नुवान प्रदीप। चंदीमल ने कैच किया, अंत तक श्योर नहीं था कि करेगा कि नहीं करेगा चंदीमल कैच। दो प्लेयर थे, दोनों के बीच में से गई थी गेंद और गिरा और कैच गॉन। वो देख रहा है, दूसरा वाला तो देख रहा है मेंडिस, तो प्रदीप ने जाके कैरी कर लिया। दो मेंडिस, वीरू कोहली आते हुए। अब भाई मुझे समझ नहीं आ रहा मैं मैच खेलूं कि ना खेलूं बाकी के साथ, क्या कहते हो आप? मैं गेम को अभी पॉज कर रहा हूं, 5 ओवर आगे बढ़ा रहा हूं यहां पे। अरे यार सचिन कस्तूरे कह रहे मैंने नहीं सिराज को लिया भाई, मैं तो शमी के साथ जाना चाहता था, ऑप्शन ही नहीं आया, मतलब ध्यान नहीं दिया हमने बॉलिंग डिपार्टमेंट पे, ध्यान नहीं दिया भाई। दाम हो गया स्लोअर बॉल, सिल्वर डक चला गया, सब खुश हो रहे हैं भाई। सहवाग 0 पे आउट कह रहे हैं। अरे यार मैं गेंदबाज बैटिंग करूं कि ना करूं मुझे ये नहीं समझ में, ऑटो प्ले कर रहा हूं, 5 ओवर कर रहा हूं, तब तक आप लोगों का कमेंट आ जाएगा कितने। अरे अच्छा ये गेंद खेलनी पड़ेगी मेरे को। अरे भाई संभल कर, ये वाली गेंद कोहली की बैटिंग है, संभल कर। अरे बीट हो रहे हैं यार, ये क्या है भाई यार। प्रदीप वाह, ये पद्दू मल
क्या यार गंदा किया यार, गोल्डन डक ओपी। अरे भाई दाम हो गया। ऑटो प्ले, अच्छा सब लोग कह रहे हैं ऑटो प्ले ही कर दो। लो भाई एंड ऑफ द इनिंग्स प्लीज़। 100 ऑफ 66 लगाए भाई, वाट लग गई, गया मैच भाई आज से। 66 कैसे होंगे रन। कमेंट आ रहा है 10th ओवर कर दो भाई, खत्म मैच भाई। ये बस कर अब, कितना दिखाएगा, एक ही विकेट दिखा रहा है मेरी बार बार, पागल। कोई खेला ही नहीं यार फाइनल में। बैटिंग कार्ड 22 में 20 शर्मा, 16 में 14 कोहली। भाई धोनी अकेला कोशिश किया 16 में 25 करने की। कोहली राहुल भी 5 में 5 ही करके गए भाई। बहुत बुरा दांव हो गया, बहुत बुरा दांव हो गया। अब तो कोई रास्ता है नहीं भाई, अब ऑटो प्ले ही करना पड़ेगा। अगर इंडियन के गेंदबाजी सही नहीं चली तो खत्म मैच। दर्शन आचार्य कह रहे हैं उनको लगा 5 ओवर में 1 रन बने। नहीं भाई वो गलती से मैंने बटन दबा दिया था, ये फील्डिंग चेंज करते हुए फाइनल के वक्त कप्तान इंडिया के महेंद्र सिंह धोनी नहीं वीरू कोहली। उद्भव कह रहे हैं यू कैन डू इट भाई, अब बॉलिंग पे है डिपेंड। ऑटो प्ले कर रहे हैं 5 ओवर, फिर मैं आऊँगा गेंदबाजी करने। 17 मारे भाई, चांसेस हैं, सही गेंदबाजी करियो। अभी मैं नहीं आ रहा। और एक चीज़ और मैं कर रहा हूँ, रुको अभी नहीं, चेंज द बॉल नहीं, अभी आ जाओ ठीक है। बाद में आओगे तो पता नहीं क्या हालत होगी। अच्छी ओवर की, 5 ओवर में सिर्फ 17 दिए हैं, फाइनल में चौक कर दिया भाई। अभी नहीं चौक किया है, अभी चौक होने के चांसेस है। कस्टम फील्डिंग, कस्टम चेंज फील्ड एडिटर कैसे आता है, फील्ड एडिटर इस बार अपन फील्डिंग सेट करेगा, लास्ट टाइम वाली गलती नहीं करनी। कस्टम फील्डिंग एडिट पोजिशंस, एक फील्डर सामने रखो, ये लेफ्टी है, अरे लेफ्टी खेल रहा है, ठीक है कोई नहीं। डीप मिड विकेट, अरे लेकिन फील्डिंग लेफ्टी का नहीं है, राइटी का ही फील्डिंग सेटअप दिखा रहा है, पागल गेम। स्लिप की ज़रूरत नहीं है। मिड विकेट ठीक है, मिड विकेट अभी मत रखो चलेगा, स्लिप की कोई ज़रूरत नहीं है। थर्ड मैन रख दो आप, पॉइंट ठीक है, पॉइंट आप 30 yard रख दो चलेगा। आप सब 30 yard पे आ जाओ, शॉर्ट कवर ठीक है। आज 30 yard सब फील्डर 30 yard। डन एडिटिंग बैक, यस सेव टू प्रोफाइल कर दे रहा हूँ अभी के लिए मैं। अभी देखना पड़ेगा मुझे पीछे जाकर, उसके बाद पता लगेगा कैसी लग रही है। अबे ये कैसी फील्डिंग है, अरे कहाँ सेव हुई, फील्डिंग ही सेव नहीं हुई। अबे क्या बकवास है ये कस्टम, अबे ये फील्डिंग है मेरी लग ही नहीं रही, तो बकवास फील्डिंग है, स्लिप कहाँ से मौजूद है। एक मिनट फिर से फील्ड एडिटर खोलो, कस्टम वन। अबे ये फील्डिंग तो दिखा नहीं, अच्छा ये स्लिप है क्या, ये अच्छा ये स्लिप है, शॉर्ट थर्ड मैन है भाई, ये फील्डिंग तो नहीं दिख रहा कहीं। डन एडिटिंग बैक, यस नाउ यूजिंग फील्ड कस्टम सेटअप वन। अबे ये क्या नाटक हो रहा है, अच्छा ये यही फील्डिंग सेटअप है, बहुत घटिया फील्डिंग सेटअप है। फाइन लेग इतना पीछे क्यों रखे हो, पैसे बर्बाद है भाई। फाइन लेग यहाँ पर तुम अंदर ही आ जाओ यार, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, इतना गंदा कैमरा एंगल है ना ये। थर्ड मैन आ जा भाई तू। डन एडिटिंग बैक, यस ओके रिज्यूम। हाँ ये ठीक है, थोड़ा ऊंची मत देना गेंद, आगे ही दे स्लॉट में ही दे। अब पता लगेगा भाई, अब पता लगेगा ये एआई कैसा खेलता है। राइट हम राउंड यहाँ पर, कैच, पहली गेंद झटका देते हुए, बहुत अच्छा फील्डिंग सेटअप, पहली गेंद पे सफलता, और क्या शानदार रिएक्शन फील्डर का। हमने इसीलिए 38 ढकेला, ये देखो मेरा रिएक्शन, अरे क्या निकल रहा है मुंह से, कुछ निकल रहा है भाई, प्लेयर के सफ़ेद हो गया है। डैट वॉज फॉर राइट हैंडेड, अरे वो प्रॉब्लम नहीं था, फील्डिंग का कुछ और प्रॉब्लम था। शर्मा जी ने कैच किया है, संगीत और शर्मा की जोड़ी अब फील्डिंग और गेंदबाजी में कहर ढाती हुई। फाइनल चल रहा है इस वक्त, लहीरू थिरमन्ने आए हैं, लेकिन लेफ्टी आ गया, कोहली फिर आया समझाने कि देख, तो धोनी लग रहा है कोहली, लेकिन कोहली है। लहीरु थिरमन्ने यहाँ पर आते हुए, हाँ एक ओवर एक गेंद एक विकेट, चेहरे पे कॉन्फिडेंस झलकता हुआ इस खिलाड़ी के। लेफ्टी आए, अच्छा लेफ्टी के ही सामने कर रहे थे ना, सही है भाई। कम ऑन यू कैन डू इट ब्रो, कम ऑन यू आर कैन डू इट नाउ। पेस बढ़ाते हुए, ओरे बचा भाई, फिर से वही लाइन, देखना है कब तक चल रही है गेंद। इस बार पेस कम रखना है, इस बार शायद हो सकता है राउंड ऑफ साइड खेले, शायद नहीं ग्राउंड शॉट ले रहे हैं। ठीक है संभाल लो भाई, गुटका निकल रहा है मुंह से, शॉन ली कह रहे हैं। हाँ भाई
मतलब मैं खाता नहीं हूँ पर वो, हाँ वो डायलॉग सही बैठ रहा है यहाँ पे। अंत तक श्योर नहीं रह रहा मैं, पेस बढ़ाते हुए थोड़ा 50 के ऊपर। अरे बाउंस ऊपर नीचे हो रही, गई भाई ये, मेरे को लग नहीं रहा है अभी टीम जीत पाएगी। हाँ एक बड़ा ओवर निकल जाता है तो बात अलग है, मैं लगभग कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है मैं मैडन ओवर डालने वाला हूँ यहाँ पे। ये स्पोर्ट्स की मेमे क्यों बनती है, क्यों बनती है कि क्यों नहीं बनती भाई, ऐसा कह रहे हो? अरे गया गया, बच्चा फिर से बच्चा। बैट बहुत मस्त है, एक बार बैट दिखा भाई अपना। आज संगीत जिताएगा भाई फाइनल। जीरो पे आउट हुए थे, कोई बात नहीं, गेंदबाजी में जहीर बनेंगे हम लोग। रिप्ले दिखा, मुझे बैट देखना है इसका, बहुत अच्छा लगा मुझे बैट। अरे भाई ये नहीं, तेरा बैट दिखा। हाँ बस 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 बैट दिखा, स्पार्टन का बैट है यार, अलग ही कलर आ रहा है, अलग ही फील आ रहा है। सही है बेटा, धोनी को देखो, धोनी को पता है नहीं आने वाली गेंद उनके पास। आराम से भाई, अभी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना, सबको मालूम है जब सामने वाला पीटने लगता है ना 22-24 रन ऐसे ही बना देता है ओवर में। श्रीलंका की अब पूरी हो गया फाइनल, लीजिए जाए ऐसे। ये कमेंट आया, चार लगा दिया, दिखा दिया कि भाई कमजोरी पे डालोगे तो कहीं ना कहीं हम भी थोड़ा सा इंप्रूव करेंगे गेम प्ले। चौका जड़ते हुए, अब देखना है कि जो सेकंड गेंदबाज होगा सिराज को मैं ला रहा हूँ, वो कैसी गेंदबाजी करते हैं। चार नहीं, अभी मैं उठो, मैं 10वां ओवर करने आऊँगा, अभी 1-1 ओवर गेम प्ले होगा, मैं अभी नहीं आ रहा। चेंज द बॉलर, रवि अश्विन। 7वां ओवर है, 39 रन चाहिए यार, हो सकते हैं 3 ओवर में। 36 रन मार दिए, 31 रन चाहिए। चेंज द बॉलर नंबर 8 पंड्या, बहुत इंपॉर्टेंट भाई ये ओवर, 10-15 रन का अगर गया गलती से भी। अरे मैडन डाल दिया, मैडन डाल दिया, हार्दिक पंड्या ने मैडन डाल दिया। मैं आ रहा हूँ गेंदबाजी करने, लास्ट ओवर इंडिया यहाँ पर फाइनल, मतलब आप समझ लो जीत ही गया। मैडन डाल दिया भाई, 36 भाई, इतने ही रन और करने हैं, साइड चेंज करनी थी, कोई बात नहीं। फील्डिंग हमारा वही है जो था, कस्टम वाला ही। गेंदें हमारी मिडल से थोड़ा सा बाहर जाएंगी, लेफ्टी के लिए ओवर द विकेट आ रहे हैं। ओए लॉफ्टेड खेला था, मिस कर गए भाई। विनायक कमेंट सेक्शन में, दर्शना दाशु, समर्थ नायर, प्रमोद कुमार, उद्भव रंजन, शौर्या बिश्नोई, मोहम्मद हुसैन यहाँ पे आते हुए, विमल खा के जुबा केशरी कर लिया इन्होंने। जय शाह एम्पायर है पटेल नमः। अरे भाई ये बिल्कुल सही कहा भाई, अब आपने बोल दिया मुझे जय शाह ही दिख रहे हैं उनके सही में भाई, अब आपने बोल दिया मुझे वही दिखाई दे रहे हैं। चेहरे की डिज़ाइन है थोड़ी बहुत, बुरा मत मानना कोई भाई जो उनके फ़ैन हो जय शाह के, मैं मजाक वो नहीं कर रहा, कुछ बेइज्जती नहीं कर रहा, पर सीरियसली वो चेहरा लग रहा है। ये वाला नहीं दूसरा वाला एम्पायर का। चौका लगा दिया है कोहली, रिएक्शन दे रहे हैं कि भाई नहीं अपने को पूरा मैच जीतना है। संगीत फिनिशिस ऑफ इन द स्टाइल, तो मतलब वो वाला तो नहीं आएगा, लेकिन अगर बोल्ड वोल्ड कर देते हैं तो फिनिश ऑफ इन द स्टाइल तो हो जाएगा। डांट खा रहा हूँ मैं कोहली के सर, सबको मालूम है क्या कह रहे होंगे। यॉर्कर लूँ कि ना लूँ यार, यॉर्कर में गड़बड़ हो जाती कई बार। पेस बढ़ा भाई जितना हो सकता है, 90-80 एच। अरे यार अंदर चली जाती स्टंप में, मज़ा आ जाता। सेलिब्रेशन आने वाला है भाई फाइनल में, देखो क्या होता है। और भाई प्लीज़ अभी भी जिन लोगों ने अंत तक वेट मत करो यार 3000 लाइक्स का, अभी कर दो लाइक यार, तो कंजूसी कर देते हो आप लोग, फिर आप लोगों के लिए गाना मंगाना पड़ेगा। वो कंजूसे मक्खी चूसे, जब इंडिया मैच जीत रही है तब भी लाइक ना देने वाली है। जय शाह के फैंस भी हैं भाई, प्लीज़ बुरा मत मानना अंश बैंकर, अगर आप जय शाह के फैन हो। कोहली बोल रहा है इस बंदे को मैंने क्यों लिया टीम में। अब ये अपना सेट करते हुए मेंडिस, मैं देखो कैसे जा रहा हूँ, उदास निराश परेशान। फिर आया, फिर कोहली आया, फिर डांट रहा है मेरे को। अरे बाप रे यार, डांट खा खा के गला सूज गया मेरा। यॉर्कर भाई ऐसे लोग कहते हैं डालनी नहीं चाहिए, अरे यार फील्डिंग सेटअप ही नहीं है, कहाँ डाल दी ऐसी गेंद, वाइड चलाया। अरे ठीक है, रन कितने चाहिए, 23 रन चाहिए, 23 का एवरेज है, मतलब अभी जीता जा सकता है मैच, अगर 6 लगा देता है AI तो कहीं ना कहीं चांसेस हैं अभी भी। मुश्किल है मानना, मुझे मालूम है 6 लगाना इतना आसान नहीं है, 67 ही चाहिए सिर्फ। पेस बढ़ाते हुए हम लोग, और अरे सही में 6 लगा दिया, सही में 6 लगा दिया भाई, ये तो चांसेस अप करता हुआ अपने। अब कोहली का रिएक्शन क्या होगा पता नहीं। अरे मैं कैच का कॉल दे रहा हूँ, दर्शक कैच कर रहे हैं गेंदों को, चांसेस अभी भी ओपन है। सेलिब्रेशन यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन आ रहे हैं भाई, छक्का पड़ गया एक। 6-5-11 गेंदों में 19 रन दिए, खराब नहीं। अच्छा लास्ट गेंद आई है, लास्ट गेंद आई तो अब ये क्या दिखा रहा है, रन रेट 16 का दिखा रहा है, हर ओवर में 16 रन।
अबे गलत दिखा रहा है यार, वो गलत कैलकुलेट कर रहा है भीम, गलत कैलकुलेट कर रहा है, सॉरी भाई, वो 23 दिखा रहा है, 23 का रन रेट मतलब अब 6 गेंदों में 23 करना है, पता नहीं क्या लॉजिक था, सॉरी भाई, अब समझ गया, जीत गए जीत गए जीत गए भाई, डन। संगीत अब क्या करूँ, फिनिशिंग ऑफ इन नॉट इन स्टाइल, एंड इंडिया लिव्स द कप, इंडिया वन द वर्ल्ड कप चैंपियनशिप। शुभम सेन गुप्ता यहाँ पर 200 रुपीज सुपर चैट के थ्रू सपोर्ट करते हुए मेरे लिए और इंडिया टीम के लिए, मेरे लिए सफर कैसा रहा एक बार वो देखते हैं हम लोग को भाई, बहुत बहुत शुक्रिया शुभम एक बार फिर, थोड़ा और सपोर्ट यार मिलता तो अच्छा रहता है स्ट्रीम को, लेकिन यही बात है कि बीच में थोड़ा स्लो हो गया था गेम प्ले, वो समझ सकता हूँ मैं जय शाह का फैन नहीं हूँ, अरे मैं भी मजाक कर रहा हूँ यार, आप भी कहाँ, ये एक विकेट लिया था और मेरा एक, आज के दिन दो ही हाईलाइट आई, मेरा जीरो पे रन आउट करना, मेरा जीरो पे कैच आउट होना और ये वाला कैच आउट होना, बस दोनों चीज़ आई। आप बैटिंग बॉलिंग देख लेते हैं, एनिमेशन तो कुछ आया नहीं, बैटिंग स्टेटिस्टिक्स नहीं देखना, बैटिंग में कुछ नहीं देखना, खराब खेली श्रीलंका, बॉलिंग में देख लेते हैं, 2 में 19 1 विकेट, चलो ठीक है, अब मैन ऑफ नहीं, मैन ऑफ द मैच अब क्या मिलेगा मेरे को, अश्विन यहाँ पर मैन ऑफ द सीरीज का ऑप्शन है कि नहीं पता नहीं, वो देखना होगा यहाँ पे, वो देखना होगा। रवि अश्विन यहाँ पर 1 ओवर में 8 रन, सबसे बेस्ट गेंदबाज नहीं, भूवि कुमार ने 2 ओवर में 1 रन और 2 ओवर में सिर्फ 1 रन, एक मैडन भी डाला, पंड्या ने 1 मैडन डाला, मतलब 3 ओवर में श्रीलंका ने सिर्फ 1 रन बनाया है, इतना खराब परफॉर्मेंस। एग्जिट करेंगे हम लोग, देखेंगे क्या आता है, कुछ आता है कि नहीं। एस संगीत मैन ऑफ द मैच, फाइनल में जितवा दिया भाई मैंने, मुझे क्यों मिला मैन ऑफ द मैच, 0 रन मारे हैं, 19 रन दिए हैं, 1 विकेट निकाला है, और बेचारे भुवनेश्वर को कितना बुरा लग रहा, भूवि कुमार को कितना बुरा लग रहा होगा कि मैंने 2 ओवर में मैडन डाली और 1 रन दिया, पंड्या को भी बुरा लग रहा होगा कि ये क्या है। अच्छा ऐसा एनिमेशन आता है, वर्ल्ड चैंपियंस, इंडिया इज अ चैंपियन, 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 भाई यही एनिमेशन है, यही एनिमेशन, इसको मैं एक बार सेव कर ले रहा हूँ, याद रखेंगे। वो देख लेते हैं यहाँ पे स्टेटिस्टिक्स, प्लेयर स्टेटिस्टिक्स दिखाओ, हाँ भाई ये बेस्ट है, इसमें मैंने बनाए 11 गेंदों में, अभी कहाँ चला गया, अरे यार ये रिसीव हो गया, शॉर्ट हो गया। रनों के हिसाब से देखते हैं सबसे हाईएस्ट कौन है, विराट कोहली सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हमारी तरफ से, 214 रन बनाए, 3 बार नॉट आउट रहे, मैं हर बार आउट हुआ, 163 बना के मैं नंबर 3 पे रहता हुआ। इस पूरी टूर्नामेंट में टोटल 4 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको सब बार बैटिंग बॉलिंग दोनों मिली है यहाँ पर। RC20 मल्टीप्लेयर का भाई कोई अभी प्लान नहीं है, पता नहीं यार कब होगा। 4 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको 11 बार बैटिंग मिली 11 के 11 मैचों में, ऋषि पंत को 9 बार मिली, उसके बाद सब धीरे धीरे वाले खिलाड़ी हैं, पंड्या को 4 बार मिली, 1 बार गिल को मिली, बिल गिल ने 1 बार में 22 मार दिए थे, यादव को 1 बार मिली, 1 बार में ही 16 मार दिए थे, और 3 बार सबसे ज़्यादा नॉट आउट, सबसे ज़्यादा नॉट आउट ऋषि पंत रहे, 8 बार नहीं MSD 8 बार नॉट आउट रहे, वाह बेटा फिनिशर का यही तो फ़ायदा है, एवरेज उनका 50 का हो गया है। तो नंबर 1 पे कोहली रहे नॉट आउट के मामले में, धोनी रहे हाईएस्ट रन के मामले में, मैं और कोहली दोनों बराबरी पे, अभी के लिए मैं हूँ तो मैं अपना नाम लूँगा हाईएस्ट रन बनाने के मामले में, लेकिन एवरेज मेरा 14 का रहा, बहुत ख़राब। अगर आप एवरेज की बात करते हो तो धोनी नॉट आउट रहे थे, सबसे ज़्यादा एवरेज उनका निकल के आया है, उसके बाद राहुल हैं, फिर कोहली हैं, 100 रन कोई नहीं, 50 रन कोई नहीं, कैचेस सबसे ज़्यादा पंत ने किए 9, वैसे ऑब्वियस सी बात है यार, 9 कैच किए यार, अच्छा कीपर होने के कारण शायद, क्योंकि कीपर तो शायद धोनी थे, शर्मा ने 3 किया, 2 यहाँ पर जड्डू ने किया, बाकी 2 यहाँ पर पंड्या, 1 कोहली, 1 कोहली, 1 यादव, एक तो नाम भी, हाँ 1 यादव, और तो कुछ है नहीं इसमें दिखाने लगा। बॉलिंग में देखते हैं, बॉलिंग में सबसे ज़्यादा ओवर किसने डाले, 22 ओवर डाले कुमार ने, जस्सी बुमराह ने 22 डाले, मैंने भी कम नहीं किया, मैंने 20 डाले यहाँ पर। आर्यन शर्मा पूछे संगीत कौन है, अरे भाई संगीत मैं ही हूँ और कौन है। रवि अश्विन ने 19 डाले और 14 पंड्या ने डाले, मतलब ये 5 गेंदबाज मेन थे। मैडन सबसे ज़्यादा पंड्या ने डाली 3 मैडन, उसमें से 3 मैं पूछता तीनों के तीनों मैडन अंत के 3 मैचों में डाले इन्होंने, उसके अलावा 2 अश्विन 1 कुमार, मैंने भी 1 डाली है। और सबसे ज़्यादा रन किसने दिए हैं वो तो मैं ही हूँगा पक्का, ये रन है ना यार, मतलब क्या रन रेट है कि रन, रन ही है ना, रन ही है। सबसे ज़्यादा 215 रन मैंने दिए 20 ओवर में, मतलब 10 के ऊपर का रन रेट, अरे बाप रे। अश्विन की भी जम के पिटाई हुई 135, अब बुमराह के 22 में 124, बहुत ख़राब। पंड्या के 14 में 122, अरे बाप रे, 22 में 97, सबसे बेस्ट रहे यहाँ पर कुमार, 22 में सिर्फ 97। सिराज, जडेजा, कोहली ने भी 2 ओवर डाले हैं। विकेट के मामले में अश्विन और संगीत, वाह बेटा मौज कर दी, ये दोनों टॉप पे रहते हुए।
अब कोहली संगीत को निकाल देगा, वो आगे की स्टोरी में पता लगे अगले के करियर मोड में क्या होता है। एवरेज यहाँ पर अगर आप देखते हो तो जड्डू सबसे बेस्ट रहे हैं, पर दो ही ओवर डाले, काउंट नहीं करूँगा मैं। अश्विन का 16 भाई, बहुत अच्छा एवरेज, बहुत अच्छा एवरेज, 16 का एवरेज। 17 यहाँ पे पंड्या का, बहुत अच्छा, 14 ओवर डाले। बेस्ट बॉलिंग फिगर 7 रन देके 2 विकेट पंड्या के नाम, 8 रन देके अश्विन के नाम, मेरे नाम 18 में 2, 5 विकेट कोई नहीं। स्ट्राइक रेट पंड्या, इकोनॉमी कुमार का सबसे ज़्यादा ओवर डाले, लेकिन इकोनॉमी सबसे बढ़िया रखा है यहाँ पर, और तो कुछ नहीं होगा मेरे ख्याल से, और कुछ नहीं। बाकी की टीमों का भी देख सकते हो आप, ये अच्छी चीज़ है यार कि इसमें ये देखा जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया सबसे ख़राब रही थी, मैं पीछे आ रहा हूँ, कुछ अगर दिखाने लायक है तो दिखाएंगे हम लोग, नहीं तो फिर हम लोग एंड करेंगे। हर विकेट की पार्टनर सेव, 7वें नंबर वाले की कभी बैटिंग ही नहीं आई, वाह भाई वाह, 7वें की बैटिंग नहीं आई, 8 की कभी बैटिंग नहीं आई, 9 की नहीं आई, कभी 10 की बैटिंग नहीं आई मेरे ख्याल से। और सब में ऐसा हुआ है क्या कि मैं ही इतना लकी हूँ? नहीं यार, लगभग सब में ऐसा है। इसमें 8 तक नहीं आई, न्यूजीलैंड में तो 5 की 4, न्यूजीलैंड में तो कभी 4 विकेट के बाद गिरा ही नहीं कभी, वाह, क्योंकि पहले राउंड में निकल गई थी। सही है, 10 ओवर। पाकिस्तान का 3 विकेट के बाद कोई बैटिंग नहीं आई, पहले में निकल गई थी 3 विकेट। कोई 1-2 विकेट वाला है क्या? मज़ा आ जाएगा ऐसा कोई होगा तो। ऑस्ट्रेलिया भी 3 वाला है, मतलब जो पहले राउंड में निकले वो 3-3 वाला है। इंडिया में सबसे पहले विकेट का हाई स्कोर रहा है संगीत शर्मा, सेकंड विकेट के लिए कोहली शर्मा, तीसरे विकेट के लिए MSD शर्मा, चौथे विकेट के लिए MSD राहुल, पांचवे विकेट के लिए पंड्या और शुभमन गिल, उसके अलावा छठे विकेट के लिए MSD और शुभमन गिल, 34 की पार्टनरशिप। पांचवी विकेट थोड़ी सी ख़राब लग रही है, बाकी तो सब बढ़िया है भाई। तो चलते हैं हम लोग, अब मुझे अब नहीं लग रहा है कुछ दिखाने को रहता है। मोस्ट रन में यहाँ पर इंडियंस ने पूरा डोमिनेट कर लिया है चिटिंग के साथ, क्योंकि 57 रन से ज़्यादा तो बना ही होंगे सब, नहीं गलत दिखा रहा है यहाँ पर, गलत दिखा रहा है। मोस्ट सिक्सेस में मेरा नाम भी है इन इनिंग, पता नहीं कैसे 2 सिक्स मारने वाले को ऊपर कर दिया, 5 वाले को नीचे कर दिया, समझ नहीं आ रहा मुझे, पागल गेम है भाई ये, बेकार है थोड़ा सा। चलिए स्लो मोड लगाते हैं, गेम क्रैश ना हो जाए, मुझे इस बात का डर है। और तो कुछ लग नहीं रहा, फिक्स्चर्स यहाँ पे तो ऑलरेडी अच्छा, 24 मार्च को मैच हुआ था इसमें, 24 मार्च टूर्नामेंट कब ख़त्म हुई, फाइनल कब हुआ, 28 अप्रैल को फाइनल हुआ है, सही है। और तो कुछ नहीं भाई, रूल्स देखने का कोई मतलब नहीं, मैं अभी के लिए इसको क्विट कर रहा हूँ, पीछे बैकग्राउंड में आ जा रहा हूँ, और स्लो मोड लगा रहे हैं हम लोग। कहाँ गया स्लो मोड का ऑप्शन, अरे भाई स्लो मोड का ऑप्शन, एक मिनट देखना पड़ेगा भाई मुझे, एक मिनट माय वीडियोस में हम लोग, एक मिनट, अरे यार ये ऑप्शन कहाँ चला गया, जो स्लो मोड नहीं लगेगा फिर गड़बड़ हो जाएगी मेरी। आया 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 भाई, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। 100 सेकंड का नहीं, 100 हाँ चलो 70 सेकंड का भाई हम लोग लगा रहे हैं, अभी पब्लिक थोड़ा सा कम हो गया यहाँ पे। और भाई 3000 लाइक्स अनफॉर्चुनेटली नहीं हुए, चलो कोई नहीं भाई, हम लोग 3000, अरे यहाँ पे 70 सेकंड का स्लो मोड लगा रहे हैं, सो उसके बाद फटाफट भाई स्लो हम लोग शाउट आउट लेना शुरू करेंगे। तो आज हमने भाई जो ब्रेक डे था कह सकते हैं हम लोग, हमने ब्रेक डे लिया था, वहाँ पर हमने आज जो गेम खेली उसका नाम था EA क्रिकेट 2007। क्रैश मत होना, क्रैश मत होना, क्रैश हो गई, अरे यार चालू कर रहा हूँ मैं वापस से, बैकग्राउंड में चालू होने दो तब तक उसको, ठीक है। अभी यहाँ स्लो मोड लगता हुआ, कमेंट सेक्शन में जो नाम है, उद्भव रंजन राय, आयुष सिंह, अनु खान, यश शाह, गेम्स एंड वीडियो, गेम एंड वीडियो, भाई रात के स्ट्रीम के बारे में बात करते हैं हम लोग थोड़ी देर बाद। ऋषि कानपरिया, वत्सल उपाध्याय, श्री करिया, नयन रम, RMS, ध्रुव शर्मा, वीरपाल जोहल, शयन तरफदार, शिवेंद्र भट्टाचार्य, संदीप डे, प्रदीप घोष, हेमंत घोष, यूनिक क्रिकेट वीडियो, पारुल खंडेलवार, ऋत्विक सेट्टी, जनपति हरि आदित्य, संदीप गोर्शी, अनुशीव सिंह, राघवेंद्र सिंह, राघवेंद्र भीम सेंजो, सौम्यदीप दत्ता, आरव बहुगुना, आर्यन मेहता, शुभंकर दास, द्वीपेन लहकर, हार्दिक बिश्नोई, जानी गेमर, देवजत, देवजीत मित्रा, द शाइनिंग ट्विंस, मेहता बडेका भाई, ज्वाइन होने के लिए भाई एज अ न्यू मेंबर बहुत बहुत शुक्रिया मंत्रा को। उसके अलावा हेम ज्योति, आदित्य किनी, सागरिका महापात्रा, नाइजल मोनिस, हेमंत कुमार दास, पवन जे, रुद्रेश जादव, मंजोत सिंह, मास्टर्स अल्ट्रा इंस्ट्रिक्ट, नियति शाह, SC गेमिंग, क्रीपर द एनिमेटर 2, जय जॉन ज्येष्ठा, अभिजीत घुरपड़े, रोहित बंसल, बॉस FF9, सैली सिंद्रे, अहमद रजा, दुसन आचार्य, नवील नेविल प्रजापति, आर्यन गेमिंग, LNP बाबू, शक्ति राजपूत, कांटा सबलानिया, श्याम गेमिंग, यूनिवर्स गेमर्स, प्रदीप केवी, जयवीर राजपूत, सनियाय ओझा, ड्रॉन्जर 83, मोंगनी विन, अडाला श्रीकांत, देव दबी कृष, प्राची पाल, सत्यबोधा मुनावली, लिलिका स्वाल, रीता सिंह, आशीष छेत्री, शनमय
अधिकारी हिडन डबर दबराल होम जी अहित स्टूडियो गुड्डू यादव दीपक बनर्जी लोल 47 साध व्लॉग्स मधु अग्रवाल सोहन बरात अनमोल गुरुंग शेडो गेमिंग FF निहार रंजन पुरोहित कृष्णार जादव राहुल चौहान गेम्स एंड वीडियो गेम द ब्लैक हंटर आकर्ष कुमार भी फिर क्रैश होगा यार गेम संदीप गोरशी में पीछे जाऊंगा ना शरवन गुप्ता नाइट बोट अरे यार नाइट बोट कहाँ से आ गया वापस ले रहा हूँ नाइट बोट से शाउट आउट कशीम अहमद यूनिक क्रिकेट वीडियो आयुष नायर अमित गेमर अजीत यादव अन्नु खान नियतिश शाह मास्टर अल्ट्रा भाई लास्ट कुछ नाम यहाँ पर समय हमारा शाउट आउट का पूरा होता हो इमरान शाह सचिंद्र स्विंग व्लॉग आर्यन गेमिंग श्याम गेमिंग ड्रॉन्जर 83 सत्यबोधा मुनावली क्रिकेट टिक दीपशिखा शेकिया और डिसिल प्रजापति और कुछ और नाम सैली सेंद्री मास्टर गेमर जेके शाद ब्लॉक्स और सन्मय अधिकारी भाई चलिए शाउट आउट की यहाँ पर होगी समाप्ति स्लो मोड हटेगा रात के स्ट्रीम के बारे में पहले बात कर लेते हैं भाई आज का जो गेम होने वाला है रात का स्ट्रीम जो होने वाला है भाई मैं प्लीज़ चाहूँगा आप थोड़ी देरी सही लेकिन आए रात के स्ट्रीम को थोड़ी देरी सही लेकिन देखें यार एक बार और रात का जो स्ट्रीम है वो नया गेम है 25 तारीख को लॉन्च हुआ था मैं हिंट ही दे पाऊंगा मैं जानबूझ के मैं रिवील नहीं करता हर बार तो आज भी मैं रिवील नहीं करूंगा वो लाइव स्ट्रीम जब शुरू होगी तभी आपको पता लगेगा कि वो गेम कौन सा है एम से शुरू होता है आर से एंड होता है टोटल वर्ड है आठ वर्ड हैं आठ लेटर्स हैं एम से शुरू होता है आर से एंड होता है बस कुछ ऐसा ही है उसका नाम और 25 तारीख को लॉन्च हुआ है पीसी का गेम है और 8:30 बजे हम लोग खेलने वाले हैं अब हम लोग अगर सुपर चैट्स के सपोर्टर को देख लें आज हमारे तो भाई जिन जिन लोगों ने यहाँ पर इस वक्त सुपर चैट के थ्रू हमें सपोर्ट किया है यहाँ पर तो शुभम सेन गुप्ता भाई बहुत बहुत शुक्रिया अब तो कम पड़ रहा है शुक्रिया यहाँ पर तो बहुत बहुत शुक्रिया आज की स्ट्रीम को सपोर्ट करने के लिए शुभम सेन गुप्ता का मंत्रा बधे का यहाँ पर हमारे नए मेंबर ज्वाइन होने के लिए भाई बहुत बहुत शुक्रिया अंशुमन जाधव का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर सुपर चैट के थ्रू सपोर्ट करने का हमारे बाकी के मेंबर्स जो इसमें लाइव स्ट्रीम में नहीं हैं लेकिन अगर आप बाद में देख रहे हो तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेंबरशिप लेने के लिए और जो सुपर चैट सपोर्टर्स हैं उनका भी शुक्रिया बाकी शाउट आउट का हिस्सा समाप्त होता हुआ इस समय जितने लोग सुन रहे हैं भाई आपके सपोर्ट की बदौलत ही हम लोग मैं पुश कर पा रहा हूँ गेम प्ले को और उम्मीद करते हैं और बेहतर बने गेम प्ले और इंटरेस्टिंग बने कुछ और लेकर आए मैं बड़ा अच्छा और इंटरेस्टिंग ताकि आप लोगों को लगे कि हाँ भाई चलो बढ़िया है लेता हुआ इसी के साथ मैं विदा मुलाकात होगी 8:30 के आसपास ध्यान रखिए खुश रहिए मुस्कुराते रहिए सपोर्ट प्यार देते रहिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय टाटा गुड डे 8:30 तक बाकी का गुड डे बाद में दूंगा मैं